आरती चालू मतलब सिग्नल। अभी चेक करना साउंड। आया साउंड वो किसी है, सैलरी का चैप्टर अपना हो चुका है, लेकिन सी उसमें एक छोटा अमेंडमेंट आया है। सी अमेंडमेंट क्या है, मैंने जो हाउस का परक्विजिट बढ़ाया था, मालूम हाउस का उसमें क्या रूल था, अगर एम्प्लॉयर अपना ओन हाउस प्रोवाइड करता है तो हम लोग क्या करते हैं 7.5%, 10%, 15% और सैलरी करते हैं ना, तो ये परसेंटेजेस में चेंज आ गया है। और ये चेंज तुम लोगों को स्टडी मटेरियल में भी नहीं मिलेगा। स्टडी मटेरियल में इन लोग ने ऐसा ही दिया जैसा मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था, लेकिन क्या इंस्टीट्यूट वाले लास्ट में वो एक स्टैट्यूटरी अपडेट करके पब्लिश करते हैं, स्टैट्यूटरी अपडेट, उसमें इन लोग ने चेंज बताया। तो उसी चेंज क्या हुआ है, देखो ये जो 7.5%, 10%, 15% है ना, उसकी जगह पे अभी हो गया है 5%, 7.5% और 10%, मतलब ये और कम हो गया उल्टे का। और परसेंटेज ये कम हो गया मतलब अपना हाउस का वैल्यू थोड़ा कम आएगा और उसका टैक्सेबल अमाउंट थोड़ा छोटा हो जाएगा। मतलब ये पब्लिक के लिए बेनिफिशियल रूल है, लेकिन सी उसमें पॉपुलेशन का क्राइटेरिया भी चेंज हो गया है। देखो ये तो नया वाला रूल इधर देखा है मैंने, अगर पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है तो 5% लेंगे। 5% का क्या करना है, 5% ऑफ सैलरी। और अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज़्यादा है और 40 लैक्स तक है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो 10%। मतलब अभी ये चेंज हो गया, ये वाला चीज, दिस हैज नाउ चेंज्ड। इन शॉर्ट याद रहो सब परसेंटेज थोड़े छोटे 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 हो गए और पॉपुलेशन में भी चेंज हो गया है। पहले 10 लाख को बेस लेके था ना, अभी 15 लाख की पॉपुलेशन, फिर 15 से 40, फिर अबाउ 40, और परसेंटेज 5%, 7.5 और 10%। और सुनो ये तो इसका चेंज हुआ ना, और एम्प्लॉयर अगर रेंटेड हाउस प्रोवाइड करता, रेंटेड हाउस, तो उसमें कैसे 15% था और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये 15% भी अभी 10% हो गया है। मतलब रेंटेड हाउस में कैसा हो गया, अभी 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर विच इज लेस, मतलब 15% हैज नाउ बिकम 10%। तो ये किधर चेंज हो गया है, और ये तीनों परसेंटेज भी चेंज हो गए, 5%, 7.5 और 10%। ओके, तो ये चेंज माइंड में रखना। तो अपना ये सैलरी खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक चालू करते अपने। ओके सी, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अब देखो चैप्टर 6 में जितने भी सेक्शंस है ना, ATC, AT CCC, सब ATAT वाले सेक्शंस है ना, अब उन सब सेक्शंस को देखो मैंने कैसे क्लासिफाई किए। कुछ सेक्शंस है ना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शन है, मीन्स कहीं हम इन्वेस्ट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा। पहले तो चैप्टर 6 की जगह मालूम है ना किधर आती है, पहले हम लोग पांचों हेड्स ऑफ इनकम को ऐड कर देते हैं, और 5 हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करने के बाद क्या आता है, ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद में आता है ना चैप्टर 6 से। अब वो चैप्टर 6 से का टॉपिक दो मैंने कैसे क्लासिफाई किया है, सर्टन सेक्शंस आर डिडक्शन फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्टन सेक्शंस आर रिलेटेड टू हेल्थ, मतलब कुछ हेल्थ रिलेटेड है। हेल्थ रिलेटेड मतलब मेडिक्लेम हो गया, हैंडीकैप वगैरह, बीमारी कोई हो गई, डिजीज वगैरह, तो कुछ हेल्थ रिलेटेड सेक्शंस है और कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। फिर आगे देखना कुछ इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, मीन्स कभी कभी अपने ऊपर लोन का बोझा होता है ना, लोन का कर्जा, तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के लिए भी डिडक्शन है। एंड सम डिडक्शंस आर रिलेटेड टू डोनेशंस, फिर सम डिडक्शंस आर फॉर रॉयल्टी इनकम
एंड सम डिडक्शंस आर फॉर इंटरेस्ट इनकम एंड फिर लास्ट में अदर सेक्शंस। अरे मैंने इस तरह से क्लासीफाई किया है एंड ट्रस्ट में तुम लोग भी इस तरह से क्लासीफाई करके पढ़ोगे ना तुमको टॉपिक बहुत छोटा लगेगा। नहीं तो तुम लोग हर सेक्शन को इंडिविजुअली पढ़ पढ़ के करोगे ना यू विल फाइंड बहुत हॉरिबल है। तो सी मैंने कैसे क्लासीफाई किया है, सर्टन सेक्शंस जो सब सी वाले हैं, जितने भी सी वाले सेक्शन उसको क्या नाम दिया है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शन, और जो डी रिलेटेड है वो सब हेल्थ रिलेटेड सेक्शन है, एंड फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर के सब ई वाले सेक्शन है, एंड डोनेशन के सब जी वाले सेक्शन है, एंड फिर उसके बाद रॉयल्टी इनकम QQB RRB और इंटरेस्ट इनकम का TTA TTB एंड फिर लास्ट में अदर सेक्शन। तो मैं इस पैटर्न से तुमको पढ़ाने वाला हूँ, ओके। तो सी पहले किससे चालू करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। अब इसमें देखो सी की जो दुनिया है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे सी वाले सेक्शन है, उसमें तो अभी नया अमेंडमेंट भी आया है। ये देखो ये सेक्शन दिख रहे हैं ना, ये नवंबर 2023 के एग्जाम में नहीं थे, मई 2024 वालों के लिए अमेंडमेंट है। कौन सा सेक्शन, ATCCH 1 ATCCH 2, क्या है बताऊंगा, लेकिन ये दोनों सेक्शन तो नए हैं, तो ऑलरेडी सी में इतने सारे थे और आ गए। पर ठीक है मैं जिस तरह से बताऊंगा ना वैसे पढ़ना पूरा सिंपल लगेगा। तो सी सबसे पहले मैं चालू करूंगा सेक्शन ATC, मतलब यही लाइन में जाऊंगा, पहले ये तीन सेक्शन करूंगा फिर ऐसे ऐसे करके ये लाइन में जाने वाला, ओके। अबे ना ये तीन सेक्शन को मैंने साथ में क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि ये तीन सेक्शन भले सेक्शन तीन है लेकिन तीनों के लिए टोटल 150,000 ही डिडक्शन मिलता है। भले तीन सेक्शन है ATC ATCCC ATCCD 1, लेकिन तीनों सेक्शन का मिला के लॉ में क्या लिखा है, 150,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सी 150,000 तो याद हो जाएगा, लेकिन वो 150,000 के लिए इन्वेस्ट कहाँ करना है वो अपने को याद रखना पड़ेगा ना, ये सब इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। तो पहले मैं तुमको ATC वाले इन्वेस्टमेंट्स बताऊंगा, फिर ATCCC वाला, फिर CCD 1 वाला, ओके। तो ATC वाला चालू हो रहा है, पहले ATC चालू हो रहा है, ध्यान देना। ATC में क्या लिखा है कि अगर हम लोग लंप एंटर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लंप एंटर्स, तो डिडक्शन मिलता है 150,000 का। खैर ATC का अकेले का ही नहीं है, ATC के साथ CCCC और CCD 1 तीनों मिला के 150,000 है। लेकिन सी अगर किसी ने ATCCC CCD 1 नहीं लिया तो ATC भी अकेले में 150,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं देगा। लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना, लंप एंटर्स में, उसमें L क्या है मालूम है, L फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ ना तो उसका ATC में डिडक्शन मिलता है। लेकिन सी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका भरना है, या तो मैं खुद के लिए भरूंगा या स्पाउस के लिए या चिल्ड्रन के लिए, याद रहना SSC स्पाउस चिल्ड्रन, इनमें से किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरूंगा ATC में डिडक्शन मिलेगा, ओके। तो L हो गया, फिर U दिख रहा है, U दो U है, पहला है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ UTI, फिर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये सब नाम याद रखो, ये सब अगर सब में दिखा ना ATC, तो यू पे से दो क्या आ गया, एक तो था UTI का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, वो तो म्यूचुअल फंड का भी आने वाला है, देखो आगे M दिख रहा है ना, UTI का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और म्यूचुअल फंड का इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, नाम क्या था, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसमें इन्वेस्ट किया तो डिडक्शन मिलेगा। और यू के अंदर तो एक और यू है, यूलिप, यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यहां पर भी इन्वेस्ट करोगे तो ATC में डिडक्शन मिलेगा, ओके। फिर एक और चीज, ये लंप में जो L है ना, L का ऐसा है ना कि लाइफ इंश्योरेंस का जब प्रीमियम भरते हैं ना तभी अपने को ATC में डिडक्शन मिलता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के जब पैसे मिलते हैं ना वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1010D, अंडर सेक्शन 1010D इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आया था ना। सी जिधर भी है ना डबल डबल बेनिफिट है ना वो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। डबल बेनिफिट मतलब इन्वेस्ट करने का भी डिडक्शन मिल रहा है और उससे जो रिटर्न्स आ रहा है उसमें भी टैक्स में एग्जेम्पशन है, तो जिधर भी डबल बेनिफिट हाईलाइट करूंगा, तो खास में L में हाईलाइट करो क्योंकि डबल बेनिफिट है। अब UTI म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, मतलब डबल बेनिफिट नहीं, सिंगल बेनिफिट, सिंगल मतलब पैसा डालने का डिडक्शन है लेकिन उससे जो इनकम आएगी टैक्सेबल है। हाँ जिसमें
इनकम भी एग्जेम्ड हो रही है, पैसा डाल के भी डिडक्शन मिल रहा है, वो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ओके। और जहाँ मैं नहीं बताऊंगा समझ जाओ सिंगल बेनिफिट है, पैसा डालो डिडक्शन मिलेगा और उससे जो रिटर्न्स मिलेगा वो टैक्सेबल है। और वैसे भी ये सब इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो इन सब के रिटर्न्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। तो सी एल क्या था, लाइफ इंश्योरेंस, इसमें पैसा डाला तो ATC, और लाइफ इंश्योरेंस से पैसा मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम टैक्सेबल है। फिर म्यूचुअल फंड में भी पैसा डालो तो डिडक्शन है, लेकिन उससे जो इनकम मिलेगी वो टैक्सेबल है। फिर देखो तीन पी है, पहला पी है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF RPF, मीन्स एम्प्लॉय की सैलरी से जो कटता है ना प्रोविडेंट फंड के लिए, वो भी कौन सा प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हुआ, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हुआ, तो वो भी एम्प्लॉय की सैलरी से जो कटता है उसका भी डिडक्शन मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी से जो कट रहा है वो भी एक तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसका भी ATC में डिडक्शन मिलेगा। तो सी कभी भी एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में आता है ना, तो सैलरी का स्टेटमेंट बनाते टाइम इग्नोर करते, पता ना इग्नोर करते, क्योंकि वो बेसिक सैलरी के अंदर रहता है। लेकिन सैलरी के स्टेटमेंट में इग्नोर करो, लेकिन यहाँ पर उसको अलग से दिखाना पड़ेगा ATC में। और सी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सबको इकट्ठा करके 1,50,000 है। खैर इसके साथ तो वो दो सेक्शन भी इकट्ठे हो जाएंगे, इसके बाद क्या आएगा, ATCCC, ATCCD1, तीन सेक्शन का इकट्ठा करके 1,50,000 मिलता है। फिर देखो पी के अंदर फर्स्ट हो गया एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SPF RPF, और दूसरा पी है PPF, PPF में पैसा डालते हैं तो ATC मिलता है, और PPF से जब इंटरेस्ट आता है ना वो एग्जेम अंडर 10(11) इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये भी डबल बेनिफिट वाली चीज़ है, पैसा डाल तो ATC, ओके, और उससे इंटरेस्ट मिला वो भी टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 10(11), और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है, ओके। इन शॉर्ट क्वेश्चन में PPF देख के डिसाइड मत करना, चेक करना PPF में पैसा जा रहा है कि उससे आ रहा है। उसमें पैसा जा रहा है तो ATC, और उससे आ रहा है इनकम तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एग्जाम, ओके। तो अपना ये PPF हो गया लास्ट, ओके। ये देखो ड्रॉइंग में दिखा, पैसा डाला तभी ATC और इंटरेस्ट मिला तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर एक और पी है 5 years पॉटर्ड अकाउंट, पॉटर्ड मतलब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इसमें भी पैसा डालो तो डिडक्शन मिलता है, लेकिन इसमें पैसा डालने का डिडक्शन है बस, इससे जो इंटरेस्ट इनकम आएगा ना वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें डबल बेनिफिट नहीं है। तो क्या था, 5 years पॉटर्ड अकाउंट, पॉटर्ड मतलब पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। और ये 5 years क्यों बोलते हैं, 5 साल का बैंक FD जैसा हो जाता है, जैसे बैंक में FD होता है ना वैसे पोस्ट ऑफिस में भी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, लेकिन ये 5 साल का फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए पोस्ट ऑफिस के साथ, ओके। तो ये 3 P हो गए, फिर लंप में लंप खत्म, फिर N के अंदर पहले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSE में पैसा डाल तो उसका भी ATC मिलता है, लेकिन पता है NSE में एक और फायदा है, NSE जो इंटरेस्ट आता है ना इंटरेस्ट, उसको पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल कर दो, फिर वो भी लेस हो जाता है NSE का इंटरेस्ट, ओके। तो सी NSE कभी भी क्वेश्चन है तो चेक करना, NSE में पैसा डालने का बात कर रहे हैं ना, पैसा जा रहा है तो ATC में इफेक्ट आएगा बस, लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है इंटरेस्ट ऑन NSE, मतलब इंटरेस्ट NSE से कमाया है, तो वो कमाई है तो पहले उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल कर दो, और वो टैक्सेबल भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पता है मैंने बताया था खाली GPS वाला इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, GPS, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, लेकिन NSE इंटरेस्ट तो GPS में नहीं था, तो NSE इंटरेस्ट हुआ तो वो इधर डालना है, मतलब वो टैक्सेबल करके लेना है, फिर वो लेस भी करने मिलेगा, मतलब उस NSE का भी एक तरह से बोले तो डबल बेनिफिट है, पैसा डालते उसका तो डिडक्शन मिलता ही है, लेकिन पैसा डाला वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मत ले लेना, पैसा डाला तो इन्वेस्टमेंट है ना, पैसा जा रहा है तो ATC, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट आया ना तो वो पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लो, फिर बाद में उसको अलग से माइनस भी कर लो, ओके। बट सी मैंने इधर क्या नोट किया, स्टूडेंट की गलती क्या होती है, स्टूडेंट खाली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पढ़ के डिसाइड करता है, लेकिन मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मत देख, उसके बाजू में क्या लिखा है देख, अगर ऐसा बोला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तो वो इनकम है, तो पहले उसको ऊपर ले लो फिर नीचे भी माइनस कर दो। और NSE के बाजू लिखा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा जा रहा है तो सिर्फ ATC में आएगा। वैसे PPF भी बहुत लोग का धोखा होता है,
पीपीएफ के आगे डिपॉजिट लिखा है तो माइनस कर लो, लेकिन पीपीएफ के बाजू में इंटरेस्ट लिखा है तो एग्जेम्प्ट ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डैश हो जाता है अंडर सेक्शन 10(11). तो हमने N1 कर दिया। N1 क्या था? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दूसरा N है नाबार्ड। नाबार्ड के बॉन्ड्स में पैसा डालो, नाबार्ड के बॉन्ड्स में पैसा डाला तो वो ATC में आएगा। लेकिन स्टूडेंट को लल्लू कैसे बनाएंगे? ऐसा बोलेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नाबार्ड बॉन्ड्स। अब इंटरेस्ट है तो इधर पैसा जा रहा है कि आ रहा है? आ रहा है ना, तो इनकम है, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेना। और नाबार्ड बॉन्ड्स का इंटरेस्ट टैक्सेबल भी है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में खाली चार ही इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या। गोल्ड बॉन्ड्स, पॉस्बा, पीपीएफ सुकन्या, खाली ये वाले इंटरेस्ट इनकम ही एग्जेम्प्ट है। तो नाबार्ड का इंटरेस्ट है तो टैक्सेबल, और अगर नाबार्ड में इन्वेस्ट किया ऐसा बोला है तो ATC में आएगा। तो दो N हो गए, एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट था और एक क्या था? नाबार्ड बॉन्ड्स। ओके, फिर लंप एंटर्स में नेक्स्ट अल्फाबेट क्या है? टी। टी फॉर टर्म डिपॉजिट विद बैंक। बैंक का कम से कम 5 साल, 5, 6, 7 साल, मिनिमम 5 ईयर्स का बैंक में FD बनाओ तो उसका भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक FD, तो इनकम है ना, तो उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले लेना। लेकिन बैंक FD में पैसा डाला है हाँ तो ATC में आएगा। वो भी कैसी FD होनी चाहिए? कम से कम 5 ईयर्स वाली FD होनी चाहिए। ओके, और अगर खाली FD लिखा है तो डिडक्शन मत लेना, दे हैव टू मेंशन इट इज फॉर 5 ईयर्स और मोर, तो ही ATC में लेना। और वो भी पैसा डाल रहे ऐसा बोला है तो, नहीं तो कितनी बार तो क्या इन लोग उससे इनकम कमाई उसका बोल रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। तो सी, तुम लोग देख रहे हो बार बार एक ही चीज़ क्यों हैमर कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा इधर ही सब गड़बड़ होती है। सो सिंपल चीज़ है, पैसा जा रहा है तो ATC है, लेकिन उससे रिटर्न्स मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो T1 हो गया, टी फॉर टर्म डिपॉजिट विद बैंक। एक और T है ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्चा होता है ना, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों की कॉलेज फीस, वो सब का भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन ट्यूशन वाले ऐसे नहीं कि प्राइवेट ट्यूशन, जो मेन कंपलसरी कॉस्ट होता है ना, जैसे बच्चा स्कूल में है तो स्कूल की फीस कंपलसरी है, प्राइवेट ट्यूशन थोड़ी कंपलसरी होता है। तो प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग क्लास नहीं, स्कूल की मेन फीस। कॉलेज है तो कॉलेज की मेन फीस, कोचिंग क्लासेस और प्राइवेट ट्यूशन नहीं। तो बोलने में ट्यूशन फीस है, लेकिन अपना मेन स्कूल कॉलेज का फीस है, उसका भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों का। ओके, 2 बच्चों को पढ़ाओ उसका डिडक्शन ही मिलेगा, तीसरे को पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो ये 2 T हो गए। फिर R देखो, R फॉर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। हाउस के लिए लोन लेते नहीं, देखो हाउस के लिए लोन लेते, लोन लेते तभी तो पैसा आ रहा है, लेकिन जब लोन को रीपे करते, जब भी पैसा जा रहा है, रीपे करते टाइम डिडक्शन मिलता है ATC में रीपेमेंट का। और रीपेमेंट में भी है ना, थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, थोड़ा इंटरेस्ट अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट का अपने को इधर माइनस करने मिलेगा। तो पहले तो लोन लिया उसका डिडक्शन नहीं है, लोन लेने के बाद उसको रीपे करना है, और रीपे करते टाइम भी 2 पार्ट होता है, प्रिंसिपल रीपेमेंट, इंटरेस्ट रीपेमेंट। प्रिंसिपल रीपेमेंट ATC में माइनस होता है, क्योंकि ऐसे हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लेस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना, तो वहां जाएगा। तो जो प्रिंसिपल चुका रहे ना, प्रिंसिपल रीपेमेंट, वो ATC में जाता है। लेकिन सी, ATC के लिए शर्त है लोन तुमको बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है। किसी दोस्त यार से लोन लिया ना, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो डिडक्शन मिल जाता है इंटरेस्ट का, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट तेरे को माइनस करने को चाहिए ना, तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लिया हुआ होना चाहिए। ओके, बट बी केयरफुल हो प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए। बाकी अपने को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो डिडक्शन मिलता है ना, वो तो तुमने फ्रेंड वेंड से भी लोन लिया तो चलता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन तो ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए बैंक से एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। एक और चीज़ है, हाउसिंग लोन का तो अपने को रीपेमेंट का डिडक्शन मिलता है ना, लेकिन हाउस खरीदते ना अपने को जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, वो भी ATC में लेस हो जाता है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ हाउस, वो भी लेस करने मिलता है। ये देखो इधर क्या क्या चीज़ है, लुक, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट हो रहा है, देखो रीपेमेंट,
किससे लोन लिया होना चाहिए, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो प्रिंसिपल अमाउंट का ATC है और इंटरेस्ट के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगा। और फिर ये क्या लेगा, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर दिया हो ना तो वो भी ATC में लेस करना है। ओके, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा डालो उसका भी ATC है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा डालो उसका भी ATC है। सुकन्या समृद्धि में तो डबल बेनिफिट है, सुकन्या समृद्धि में पैसा डाला तो ATC और उससे जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(11A। मेरे को बताओ पूरे लंप एंटर्स में डबल बेनिफिट वाला क्या क्या था, दो दो बेनिफिट मिल रहा है। एक एल था लाइफ इंश्योरेंस में, प्रीमियम भरा उसका ATC और जब एंड में पैसा मिलता है 10(10D) में एग्जेम्प्ट है, एल था गिनो। फिर PPF था, PPF भी पैसा डालो ATC है और इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट अंडर 10(11). फिर और क्या था, NSE में पैसा डालो उसका ATC और उसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन पहले IFOS में डाल के फिर नीचे लेस भी कर देते। तो LIC हो गया, PPF हो गया, NSE और क्या डबल बेनिफिट में, सुकन्या समृद्धि का भी डबल बेनिफिट है, पैसा डालो उसका ATC और उसका इंटरेस्ट एग्जाम अंडर सेक्शन 10(11A। ओके, तो ये ATC था। अब सुनो, ATC में मैंने क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में मैं खुद का भी प्रीमियम भर सकता हूँ, स्पाउस का भी भर सकता हूँ और बच्चों का भी भर सकता हूँ। ओके, तो ये केयरफुल रहना, इन तीनों का LIC प्रीमियम भरे हुए का डिडक्शन मिलता है। और सी, ये रूल है ना, खाली लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है, यूलिप में भी है, PPF में भी है, तीन जगह तीन जन ऐसे याद रखो, तीन जगह तीन जन का चलता है। कौन सी तीन जगह, LIC प्रीमियम, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और PPF, ये तीन ऐसी जगह है ना जहां तीन जनों का चलता है। तीन जनों का मतलब चाहे तूने खुद के नाम का पेमेंट किया हो कि स्पाउस के नाम का कि चिल्ड्रन के नाम का, मैं तो याद ही ऐसे कर रहा हूँ, तो रेगुलर लेक्चर में बच्चों को बोलता हूँ, तीन जगह तीन जन। तो तीन जगह भी याद रख, तीन जन भी याद रख, तीन जगह LIC प्रीमियम यूलिप और PPF, तीन जन असेसी स्पाउस चिल्ड्रन, और इधर डिपेंडेंट कुछ नहीं है। तुम लोग को भटकाएंगे, ऐसा बोलेंगे बच्चे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, सब चलेगा। असेसी स्पाउस चिल्ड्रन होना चाहिए, कहाँ, LIC में, यूलिप में और PPF में। फिर एक और पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस, एक सर मैं इधर खाली है ना, एक हल्का सा एरो बना देता हूँ, ये इधर था यूलिप में और PPF में, तीन जगह तीन जन। ओके, फिर इसके बाद देखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में ना एक लिमिट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हो ना, अंधाधुन पूरा मत लेस कर देना, इधर ATC में लेस करना है लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। वो देखो लिमिट क्या है उसकी, लुक हियर, ये देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होगा ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,60,000, तो उसको सीधा उठा के इधर माइनस मत कर देना, अपने को एक लिमिट चेक करनी पड़ती है, 20% ऑफ सम अश्योर्ड, 20% ऑफ सम अश्योर्ड से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं होना चाहिए। और सम अश्योर्ड इन लोग क्वेश्चन में देंगे, सम अश्योर्ड का मतलब क्या होता है, उनमें LIC वालों ने प्रॉमिस किया है कि जिस दिन तुम मरेगा वी अश्योर के तेरे फैमिली को इतना पैसा देंगे, एक इन लोग अश्योरेंस देते हैं ना उसको बोलते हैं सम अश्योर्ड। तो क्वेश्चन में सम अश्योर्ड दिया हुआ रहेगा, या फिर ऐसा बोलेंगे पॉलिसी अमाउंट सम अश्योर्ड ऐसा देंगे, उसका 20% निकालो और उससे ज़्यादा LIC प्रीमियम डिडक्शन में काउंट नहीं होगा। और अगर ज़्यादा है तो उसको लिमिट कर दो, और कम हो तो कम लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो। तो इधर चेक करो लिमिट में है कि नहीं, 5,00,000 का पहले मुझे 20% निकालना पड़ेगा, 20% इज़ अ फिक्स्ड रूल, 20% 5,00,000 का कितना हो गया, 1,00,000, तो 1,00,000 लिमिट हो गई, तो इससे ज़्यादा LIC का प्रीमियम हो ही नहीं सकता। लेकिन देख अपना प्रीमियम कितना है, 1,60,000, तो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो, एंड फिर इधर अपने खाली 1,00,000 ही लेंगे। हाँ, ओवरऑल लिमिट 1,50,000 की वो अलग है, मैं ओवरऑल ATC का नहीं बोल रहा हूँ, ATC के अंदर भी जो लंप एंटर्स का L है ना, L, उसके लिए एक स्पेशल लिमिट है, किसके लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए।
ओवरऑल एटीसी का तो 1,50,000 है ही, लेकिन ओवरऑल तो बाद में, पहले लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट भी लंप एंटर्स की लिस्ट में एक लिमिटेड अमाउंट तक ही काउंट होगा। ओके, तो ये देखो इधर कैलकुलेशन करके दिखाया है, अपने को पहले 20% निकालना चाहिए किसका, सम अश्योर्ड का, और अगर उसको कंपेयर करना चाहिए एक्चुअल प्रीमियम से, और एक्चुअल प्रीमियम को देखो मैंने काट दिया है। क्यों काटा? क्योंकि ज्यादा है ना तो नहीं चलेगा ना, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। टेल मी, अगर एक्चुअल प्रीमियम मेरा खाली 40,000 होता तो? हाँ तो चलेगा, कम हो तो कम ही लो, ज्यादा हो तो लिमिट में रहो। लेकिन लिमिट क्या था? 20% ऑफ सम अश्योर्ड। हमेशा 20% नहीं होता, ये देखो कभी कभी 10% लेना पड़ता है। वो कब? अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 ऑन और आफ्टर डैट डेट निकाला है, अगर लाइफ इंश्योरेंस 1 अप्रैल 2012 या फिर उस दिन को या फिर उसके बाद निकाला है तो 10% के हिसाब से करना। और क्वेश्चन बताएंगे कि पॉलिसी हमने कब निकाली थी, अगर 1 अप्रैल 2012 के पहले की है तो 20%। और सी 20% रूल ऐसे जूना लग रहा है लेकिन आज भी उसकी वैल्यू है। जैसे मान लो मेरे पास कोई 2008 की पॉलिसी पड़ी है, 2008 में पॉलिसी निकाली थी लेकिन पॉलिसी तो अभी तक चल रही है, तो 2008 की पॉलिसी मैं अगर लेके बैठा हूँ आज तो मेरे केस में 20%, कि 2008 तो 12 के पहले आ गया ना, लेकिन अगर ऑन और आफ्टर 12 है तो 10%। इसमें भी देखो कभी कभी कुछ अलग ही नाटक होता है। देखो लुक, अगर किसी हैंडीकैप्ड इंश्योरेंस से, सॉरी, अगर किसी हैंडीकैप बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस निकाला है या फिर कोई स्पेशल डिजीज वाला बंदा है, इन लोग के लिए रूल थोड़ा अलग है। ये देखो 1 अप्रैल 2012 के पहले हुआ ना तो चाहे तू नॉर्मल व्यक्ति है कि हैंडीकैप व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, 20% ऑफ सम अश्योर्ड का रूल है। ओके, लेकिन 1 अप्रैल 2012 के बाद हुआ ना तो उसमें से एक और डेट याद रखनी पड़ेगी। इस बीच में लाइफ इंश्योरेंस निकाला ना, अगर इस बीच में मतलब एग्जैक्टली 1 साल का टाइम हो गया ना, 12-13, 2012-13 के बीच में अगर लाइफ इंश्योरेंस निकाला है ना तो नॉर्मल लोग के लिए तो 10% हैंडीकैप लोग का भी 10% है, लेकिन उसके बाद हैंडीकैप का 15% हो जाता है। मतलब हैंडीकैप लोग का एक्चुअली 15 है लेकिन खाली ये वाले पैच में है ना, चाहे तो नॉर्मल है। इन शॉर्ट ऐसे याद रहो ना, 2013 के बाद है ना चेंज हो गया है, नॉर्मल लोग का 20 है तो हैंडीकैप लोग का 15 है, और 2013 के बाद तो सब लोग एक समान है, क्योंकि 2013 के बजट में हैंडीकैप लोग को इंपॉर्टेंस मिला था और 2013 के बजट के पहले हैंडीकैप लोग के नॉर्मलों को डिस्टिंक्शन ही नहीं था। देखो ना, सेम नहीं लग रहे? तो नॉर्मलों के हैंडीकैप्ड है या तो 20 लेंगे या 10 लेंगे, और 20 और 10 तो किस पे निर्भर करता है? 2012 पे। बट हैंडीकैप्ड और नॉर्मल लोग के बीच डिस्टिंक्शन थोड़ी था। हैंडीकैप्ड और नॉर्मल का डिस्टिंक्शन कब से चालू हुआ? 2013। तो कभी भी 2013 के बाद का पॉलिसी है, प्रिसाइसली ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013, देन वी हैव टू सी। कोई नॉर्मल इंश्योरेंस का लाइफ इंश्योरेंस है तो 10% ही लेंगे, और अगर हैंडीकैप या फिर डिजीज वाला है, डिजीज कौन सी होनी चाहिए अपने को पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन में बोलेंगे स्पेसिफाइड डिजीज, तो अपने को 15% लेना पड़ेगा। ओके, और अगर 13 के पहले का है ना तो कभी चेक भी मत हो, नॉर्मल है हैंडीकैप है, क्या करना है, सबके लिए एक समान रूल है, लेकिन एक समान में भी वो 12 वाला डेट याद रखना पड़ेगा। बेस्ट ये सीन दिमाग में छाप दो ना बस। अब ये सुनो, इसका करना क्या है, ये 20%, 10%, 15% का करना क्या है, ये अपने सम अश्योर्ड के ऊपर कैलकुलेट करेंगे एंड फिर उससे अपने को मालूम पड़ेगी अपनी लिमिट क्या है, और अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो उसको कैंसिल कर देना, लिमिटेड अमाउंट ही लेना, कम होगा तो कम लेंगे। ओके, तो एटीसी खत्म हो गया अपना। लुक हियर, एक बार ये सीन देखो, एक सम सॉल्व किया हुआ दिखाना है मेरे को। ये देखो एटीसी सॉल्व करते हैं ना, इधर डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। इसमें देखो मैंने पीपीएफ एनएससी लिखा है, एनएससी का इंटरेस्ट भी लिखा है, ऐसे ही देख लो ना, खाली कुछ दिखाना है मुझे। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखो कैसा लिखा है मैंने, दो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थे क्वेश्चन में, खुद का था 22,000 और वो सम अश्योर्ड क्वेश्चन में 2,40,000 दिया था, और 2,40,000 का 10% निकाला तो 24,000 था, और उसके मुकाबले 22 कम था तो कम ले लिया मैंने। लेकिन बेटे का भी लाइफ इंश्योरेंस था, बेटे का चलता है ना, मैंने बताया तीन जगह तीन जने, असेसिस स्पाउस चिल्ड्रन,
इस क्वेश्चन में बेटे का भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था, लेकिन बेटे का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 15,000, लेकिन उसका सम अश्योर्ड 1,00,000 था, तो 10% निकाला तो 10,000 है, तो सिर्फ 15,000 को मैंने काट के 10,000 कर दिया है। अरे मतलब ऐसे ही खाली सम दिखा रहा हूँ कि अपने ATC की लिस्ट बनाते हैं ना, सी ATC में भी काफी लोग हैं ना, लम पेंटर्स, तो उसकी लिस्ट बनाते टाइम लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट लिमिट के अंदर लेना। ओके, फिर ATC के बाद में अगला सेक्शन देखो क्या है, ATCCC। इसमें डिडक्शन कब मिलता है, जब पेंशन स्कीम में पैसा डालते हैं। किसका पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस कंपनी का होना चाहिए। और पेंशन स्कीम में क्या होता है, जवानी में पैसे जमा करो, बुढ़ापे में लेके जाओ। पेंशन स्कीम बनाई क्यों है, ताकि हम लोग जवानी में जो कमा कमा के पैसा वेस्ट ना करें, एक जगह इन्वेस्ट करते जाओ, एंड फिर यही पैसा अपने को बुढ़ापे में मिलने वाला है। कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट देते जाओ, और फिक्स्ड अमाउंट देने का डिडक्शन भी है अंडर ATCCC। और फिक्स्ड अमाउंट देने का फायदा क्या है, अपना बुढ़ापा सिक्योर हो गया, एक एज के बाद अपने को वही इंश्योरेंस कंपनी अपने को लौटाएगी, लेकिन बुढ़ापे में जो पैसा मिलता है वो टैक्सेबल है, मतलब इसमें डबल बेनिफिट नहीं है, बट ठीक है ना, बुढ़ापे में क्या तो इनकम होगी, वो टाइम टैक्स आएगा संभाल लेंगे, लेकिन अभी जवानी में इतनी करोड़ों की इनकम है, तो इधर पैसा इन्वेस्ट कर करके मेरा टैक्स तो बच रहा है ना, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो LIC हो कि अदर इंश्योरेंस कंपनी हो, टाटा AIG, बिरला सन लाइफ, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी होना चाहिए, तो ATCCC में मिलता है। और इसका भी लिमिट कितना है, 1,50,000 है, मींस अकेले ATCCC लिया तो 1,50,000, लेकिन बाद में एक रूल है ना कि ATC, ATCCC, ATCCD1 तीनों मिला के 1,50,000 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। तो अगर किसी ने ATC का 1,50,000 खत्म कर दिया, तो ATCCC को भूल जा फिर, है ना, क्योंकि सी और CCC अपने पास चॉइस दो है, कि सी चाहिए तो लम पेंटर्स, CCC चाहिए तो पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, चॉइस दो है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि डिडक्शन डबल है, डिडक्शन ओवरऑल अपने को 1,50,000 का ही मिलेगा। तो सी ये दिखने में लग रहा है कि दो दो 1,50,000 है, लेकिन दो नहीं, अपने को एक ही 1,50,000 मिलेगा ओवरऑल। फिर ये किसकी पेंशन स्कीम थी, इंश्योरेंस कंपनी की ना, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पेंशन स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम को लोग बोलते हैं NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, मतलब पेंशन स्कीम की दुकान दो लोगों ने खोली है, एक दुकानदारी इंश्योरेंस कंपनी वाले करते, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, दोनों दुकान में प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, पेंशन स्कीम। और पेंशन स्कीम का प्रोडक्ट क्या बोलता है, जवानी में पैसे जमा करो, बुढ़ापे में लेके जाओ, लेकिन अगर तू इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा तो ATCCC में मिलेगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में जाएगा ना, तो अपने को ATCCD1 मिलेगा और ATCCD1 भी मिलेगा, दो दो डिडक्शन मिलेंगे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में इंटरेस्ट लिया तो। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो पहले तो अपने को एक्स्ट्रा 50,000 मिलता है अंडर ATCCD1B, फिर वो एक्स्ट्रा 50 लेने के बाद और भी इन्वेस्ट किया है तो ATCCD1 में आएगा, मिक्स मत करना। देखो चीज क्या है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लेके दो दो डिडक्शन है, एक ATCCD1B और वो एक्स्ट्रा 50,000 है, ओवर एंड अबव 1,50,000, एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन मिलेगा ATCCD1B में, लेकिन वो 50 है ना, लेकिन 50 के अलावा तूने कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर दिया है तो ATCCD1 में ले सकते। तो क्वेश्चन में कभी भी एक बार सीन देख लो, ये ATCCD1, आगे देखना, नेक्स्ट स्लाइड देखना, ATCCD1B, सेक्शन दो अलग है, चीज सेम है, क्या चीज है, पढ़, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं NPS, सेक्शन भी ध्यान देना, ATCCD1 भी था ना, ये सेम चीज का एक और सेक्शन क्या है, ATCCD1। ओके, तो टेल मी, क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में डाला है, और ऐसा दिया है कि उसने
70,000 रुपया डाला, 70,000, तो 70,000 में से ना 50,000 को है ना एक स्पेशल डिडक्शन की तरह लेना 80CCD 1B में। 80CCD 1B का नाम ही क्या है, एडिशनल डिडक्शन फॉर इन्वेस्टिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम। और एडिशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 1,50,000 के अलावा ये एक्स्ट्रा डिडक्शन है 50,000, और वो अंडर CCD 1B है। लेकिन सी क्वेश्चन में ऐसा दिया ना 70,000 उससे डाला था सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में, 70,000, तो 50,000 तो इधर खर्च हो गया, किधर, CCD 1B में। और क्वेश्चन में 70,000 दिया ना, तो 70 में से 50 गया, बचा कितना, 20,000। बचा हुआ 20,000 है ना हम लोग 80CCD 1 में ले सकते हैं। कितना बचा हुआ 20, लेकिन बचा हुआ 20 भी लिमिट में रहना पड़ता है, इसकी एक और लिमिट है जो बताऊंगा। तो पहले क्या बोला, 70,000 में से 50,000 तो इधर ले लो CCD 1B में, 70,000 में से मन से कुछ भी ले रहा हूँ, और 50,000 लेने के बाद एक्स्ट्रा कितना बचा, 20,000। वो 20,000 है ना ये झुंड में आ जाएगा, प्रिसाइसली अंडर सेक्शन 80CCD 1। लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, अगर तू सैलरीड है तो, सैलरीड नहीं है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरीड है तो 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, और अगर सैलरीड नहीं है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ओके। लेकिन ये लिमिट किस पे लागू होगी, बचे हुए 20,000 पे। मेरा एग्जांपल क्या था, 70,000 डाला ना उसने, कहाँ डाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में, तो 70 में से 50,000 तो पहले इधर ही ले लो, और बचे हुए 20,000 को चेक करो वो लिमिट में है कि नहीं। और लिमिट क्या है, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA इन टर्म्स अगर तू सैलरीड बंदा है तो, और अगर तू सैलरीड नहीं है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, और लिमिट में होना चाहिए, और लिमिट में है तो ठीक है। लेकिन उसको लेना क्या इस लिस्ट में, और ये तीनों को जोड़ी में क्यों लिखता हूँ मैं, क्योंकि तीनों सेक्शन का मिला के 1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ओवरऑल लिमिट 1,50,000 की, ओके। तो सी यार, इसका प्रेजेंटेशन देखो कैसे करना होता है, लुक ये देखना, एक सेकेंड आप, सम था किधर गया, ये देखना, ये ट्राई करो, ओके। ये देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, ये ट्राई करना। NPS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम, और नेशनल बोला मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। तो सी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, NPS पे पैसा डाला है, जो सर्कल किया उससे पे ध्यान दो, आजू बाजू एक्स्ट्रा नज़र मत घुमाना। तो सी क्वेश्चन में 1,00,000 दिया, तो क्या करना चाहिए, पहले 50,000 को ले लो कहाँ, 80CCD 1B में, और 80CCD 1B है ना एक इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह डिडक्शन दे रहा है, 50,000 मस्त में ले लो, और वो होने के बाद बचा हुआ अमाउंट कितना बचा, क्वेश्चन में 1,00,000 था ना, तो 50 निकाल के बचा कितना, 50 बचा है। अब वो बचे हुए 50 को है ना वो तीन सेक्शन के झुंड में लेना पड़ेगा, कौन से तीन, सी ट्रिपल सी CCD 1, प्रिसाइसली ये CCD 1 में आएगा, लेकिन उसको भी लिमिट में रखना पड़ेगा। सी ऐसे मेरे पास है ना 1,00,000 में से 50 निकालूं तो और 50 बचा है, लेकिन देखो मैंने 50 को इधर काट दिया क्योंकि लिमिट क्रॉस हो रहा है, और लिमिट क्या है इसकी बताओ, 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, और इस क्वेश्चन में देखो बेसिक कितना है, देख क्वेश्चन है बेसिक कितना है, 40,000 खाली सैलरी मतलब बेसिक होता है ना, तो 40,000 पर मंथ है, इंटू 12 करोगे तो 4,80,000 आ गया, और DA इन टर्म्स क्वेश्चन में नहीं है, तो 4,80,000 का 10% 48,000। तो सी मैंने क्या किया है, मेरे पास बचा तो 50,000 था, लेकिन वो 50,000 को मैंने सीमित कर दिया 48,000 पे, क्योंकि लिमिट है ना। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ 50,000 के जगह 30,000 बचा होता तो 30 ही लेता, वो बोलते ना कम हो तो कम ही लो,
ज्यादा हो तो लिमिट में रहो, लेकिन लिमिट पता होनी चाहिए। लिमिट क्या है? 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, और इस सम में लिमिट के हिसाब से तो 48,000 आ रहा है, तो इधर ये ज्यादा हो गया तो उसको कट करके 48 लिया। फिर मेरे को पोजीशन बताओ क्या आएगी, ये जाएगा एक इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह सीसीडी 1B में, और ये 48,000 तो है ना एक इंडिपेंडेंट सेक्शन की तरह नहीं आएगा, ATC CCC सीसीडी 1 की लिस्ट में आ जाएगा। और पता है ATC CCC और CCD 1 इसकी लिस्ट बना के देखना है, 1,50,000 के ऊपर नहीं हो सकता है, लेकिन उस लिस्ट में शामिल कितना करेंगे, 48,000 खाली, ये 48,000 है। ओके तो ये 80 CCD 1 और CCD 1 भी हो गए, दो सेक्शन जोड़ी में हो गए। ओके ये देखो इसका प्रेजेंटेशन देख लो ना एक बार, कभी भी 80C CCC CCD 1 होता है ना, तीनों को अलग अलग लेना है कि साथ में? साथ में। देखो मैंने प्रेजेंटेशन कैसे किया है, तीनों सेक्शन को इकट्ठा रखा है, एंड फिर बाद में 80C में क्या था, लंप एंटर्स वाली चीज, 80CCC में क्या था, पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, और इधर क्या था, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब चीजों का एक लिस्ट बना दो। ओके लेकिन पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेंगे, वो 50,000 जो सेपरेट ले लिया ना उसको छोड़ के बचा हुआ, और बचा हुआ भी लिमिट में लेके 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स। लेकिन सी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स सैलरीड हुआ तो, नहीं तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम है। फिर ये तीनों सेक्शन को इकट्ठा करना, मतलब ये देखो उसकी लिस्ट बनती है ऐसे, अमाउंट मत देखने का, खाली प्रेजेंटेशन देखो, ये पूरी लिस्ट बना के अपने देखते हैं एक्चुअली कितना इन्वेस्ट हुआ है। फिर उसका मैक्सिमम लिमिट क्या, 1,50,000। फिर ये देखो विचर इज लेस करके किया है, मतलब इसका प्रेजेंटेशन छाप लो दिमाग में, C CCC CCD 1 की लिस्ट बनाओ, टोटल करके कंपेयर इज 1,50,000, विचर इज लेस करके माइनस करना। ओके फिर ये देखना 80CCC हुआ, फिर बाद में मैंने CCD 1 और CCD 1B दोनों सेक्शन साथ में कर दिए। अब है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में अगर एम्प्लॉयर पैसा डालता है, एम्प्लॉयर खुद डालेंगे तो CCD 1 CCD 1B खुद डालेंगे तो, लेकिन बॉस ने डाला तो CCD 2 में डिडक्शन मिलता है, CCD 2। और CCD 2 में कैसा होता है, उनमें पहले उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल करना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय को क्या लगे, वाह मेरा बॉस मेरे लिए पैसा जमा कर रहा है, पेंशन स्कीम मेरी खातिर हो रहा है और मेरे लिए मेरा बॉस पैसा डाल रहा है, तो एम्प्लॉय को पहले खुशी की लहर आएगी, तो एम्प्लॉय वो खुशी को अपने सैलरी के स्टेटमेंट में डालेगा, फिर बाद में चैप्टर 6 से में लेस कर देगा अंडर 80CCD 2। लेकिन 80CCD 2 कब आता है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हो तो। ओके तो सी ये वाले सब में ट्राई करो, इधर देखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है 60,000, तो पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको इनकम फ्रॉम सैलरी के स्टेटमेंट में डालना, और दिमाग से सोचो ना, अगर एक एम्प्लॉय के लिए बॉस पैसा जमा करा तो एम्प्लॉय को तो खुशी हुई ना, तो उसको एम्प्लॉय के सैलरी के स्टेटमेंट में डालने का, कितना डालोगे, पूरा ही 60,000 डाल देंगे, लेकिन सी सैलरी में तो पूरा डालेंगे, चैप्टर 6 से में पूरा लेस नहीं होगा, इधर एक लिमिट है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, और अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, दो चीज है 10% 14% 10% 14%, किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 10% कब लोगे, नॉर्मल एम्प्लॉय, जैसे ये देखो ये सब में देखो क्वेश्चन में लिखा, देखो मिस्टर रॉय ऐसा खुद नहीं बोला गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, तो 10% तो निकालो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए कितना आ रहा है, अरे इस समय बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ इंटू 12 किया तो 48,000 है, सॉरी 4,80,000, 10% निकालो तो 48,000 आ गया, और डीए तो है नहीं तो क्या करें, 48,000 आ रहा है, तो पहले सैलरी में तो पूरा 60,000 डाल देंगे, और चैप्टर 6 से में 48,000 लेस होगा, मतलब ये डबल इफेक्ट आएगा, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर मतलब पहले इनकम में डालो फिर नीचे भी लेस हो जाएगा, इनकम में 60 और लेस में 48,000 आएगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता ना तो 14% करके लेस करते हम लोग। ओके
एक से थोड़ी देर पहले 10% बेसिक पहले बोला तो वो क्या था, खुद डालते उसमें भी वही लिमिट है। ये देखो खुद पैसा डालते हैं ना, खुद मतलब ये देखो ओन इन्वेस्टमेंट, उसमें भी क्या था, वो तो सैलरीड आदमी ही डाल रहा है तो 10% और बेसिक प्लस डीए, और कोई ये तो 20% और जीटीआई, लेकिन खुद ना डाले, उसका बॉस उसके लिए डाल रहा है। तो बॉस डालेगा तो बॉस तो सैलरीड लोग का ही होता है ना, तो बॉस डालेगा तो सैलरी में घुसेड़, फिर चैप्टर 6 में 80CCD2 करके आएगा। ओके, तो सी एक्चुअली इतने सारे सेक्शन इसमें है ना, तो एक बार अपने को ये देखो, ये अभी मैंने लास्ट ये कराया था, फर्स्ट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम सैलरी फुल अमाउंट एंड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD2, कितना 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, और 14% अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो। तो सी मैंने टोटल है ना इतने सेक्शंस करवाए तुम लोग को, ओके तो उसमें सी टोटल आइटम 3 ही आई है अभी तक, सेक्शन बहुत। आइटम 3 कैसे है, लंप एंटर्स, पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आइटम 3 है, लेकिन वो पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, लेकिन फर्क क्या है, इधर और इधर है ना, खुद पैसा डालते तो मिलता है और एम्प्लॉयर डालेगा तो 80CCD2 में आएगा। ओके, तो सी इन सब सेक्शन को पता है ऑपरेट करने का एक तरीका मैंने बताया। सबसे पहले सब में क्या करना चाहूँ मैं, पहले ये दोनों को ले लो, किसको 80CCD2 और 80CCD1 भी। मालूम कैसे पड़ेगा 80CCD2 लेना है, एनपीएस लिखा होगा सब में या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम लिखा होगा, उसमें भी एम्प्लॉयर ने डाला रहेगा। तो पहले इसको ले लो, ये देखो मैंने इधर प्रोसीजर लिखा है, देखो फर्स्ट एक ये दो चीज 80CCD2 और 80CCD1 भी ये अलग ले लो, क्योंकि ये 1.5 लाख के अंदर घुल मिल जाता है कि इसका इंडिपेंडेंट है, इसका इंडिपेंडेंट डिडक्शन मिलता है ना, तो पहले ये दोनों चीज ले लेनी चाहिए। ओके, और 80CCD1 भी के लिए खुद डाला होगा तो, और ये एम्प्लॉयर ने डाला होगा, और दोनों का फॉर्मूला क्या है, इधर मैक्सिमम 50 और इधर मैक्सिमम 10% या 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, ये ले लिया। ये देखो इधर लिखा है मैंने, तो फर्स्ट टेक 80CCD1 भी, देन टेक 80CCD2, ये ले लिया ना, फिर इन तीनों को इकट्ठा लेके करना चाहिए, मतलब सॉल्व करते रहे, ऑर्डर ही ये फॉलो करो। और सी इसको बाद में क्यों रखा है मालूम है, क्योंकि इधर 50,000 निकालने के बाद अपने को बचा हुआ अमाउंट लेना, इधर देखो क्या लिखा बैलेंस, अपने क्या पहले 50,000 इधर खींच लेते हैं ना एनपीएस का, फिर इधर बैलेंस आता है, इधर देखो क्या लिखा बैलेंस, और बैलेंस अमाउंट को भी लिमिट करना पड़ेगा, और बैलेंस की लिमिट क्या है 10% ऑफ बेसिक प्लस डी अगर तू सैलरीड है तो, और अगर सैलरीड नहीं है तो 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। और ये तीनों सेक्शन की ओवरऑल लिमिट क्या है 1,50,000। ओके, तो ये देखो अपना मैंने बताया था ना इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन, तो इन्वेस्टमेंट लिंक्ड में अपना ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब क्या बचा है CCH1 CCH2। सी ये नया सेक्शन किसके लिए मालूम है, एक नई चीज आई है भारत में, अग्निवीर स्कीम। ये दो क्या होता है, लुक हियर, अग्निवीर स्कीम, पहले अग्निवीर स्कीम का मतलब क्या होता है, एक सेकंड तुम लोग अभी इस पे ध्यान मत देना, अग्निवीर स्कीम मतलब क्या है, ये स्कीम भारत के जवानों के लिए, जवान मतलब जिसकी उम्र 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स के बीच वाला है, मीन्स अगर कोई बंदे की एज 17.5 से लेके 21 ईयर्स के बीच में, तो उसको भारत सरकार ने ऑप्शन दिया है कि तू आर्मी में भर्ती हो जा 4 साल के लिए उसको टेम्पररी जॉब मिलेगा इंडियन आर्मी में, एंड फिर 4 साल तू इंडियन आर्मी की पूरी ट्रेनिंग ले, लेकिन तेरे को बॉर्डर पे जाके जंग नहीं लड़नी पड़ेगी,
तेरे को खाली मिलिट्री में जॉब मिलेगा, वहां पे आर्मी की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी 4 साल तक, एंड फिर 4 साल के बाद तेरे को डिसाइड करना है कि तू फुल टाइम इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहता है कि इंडियन आर्मी छोड़ के नॉर्मल जीवन जीना चाहता है, मतलब 4 साल के बाद सोचना है। तो इस तरह का स्कीम निकाला है, और इससे क्या होता है ना, मैं कितने लोग को मालूम ऐसा है कि नहीं मुझे इंडियन आर्मी के लिए काम करना है, भारत के डिफेंस के लिए काम करना है, उनको शौक है, लेकिन सी बच्चे को इतना पता नहीं है ना क्या असली ज़िंदगी क्या है, तो उसको बोले एक बार ट्राई मार के देख ले, और ट्राई मारने के लिए 4 साल के लिए जॉब मिलती है, और ये टेम्पररी जॉब है, और वो 4 साल के बाद अपने को फाइनल डिसीजन लेना है कि फाइनली मुझे इंडियन आर्मी में भर्ती होना है कि नहीं, वो बाद में डिसाइड करो, लेकिन 4 साल के लिए तो अपना जॉब पक्का हो गया एक बार के लिए, और वो भी इंडियन आर्मी में। और इंडियन आर्मी में जॉब मिला मतलब अपनी ट्रेनिंग जोरदार होगी, ऐसा रिगरस ट्रेनिंग होता है ना कि इंसान एकदम पक्का स्ट्रांग बन जाता है, डिसिप्लिन बन जाता है। ओके, अब सुनो, ये 4 साल के लिए उसको जो जॉब मिलती है ना, उसको बोलते हैं अग्निवीर स्कीम, मतलब इट इज अ स्कीम अंडर विच 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स फिक्स्ड है, 4 साल के लिए तेरे को टेम्पररी जॉब मिली है। और एक किसके लिए स्कीम है, जिसकी उम्र 17 एंड हाफ से लेके 21 ईयर्स के लिए बीच में, मतलब यंग यूथ के लिए। ओके, अब 4 साल पता है अपने को नॉर्मल जॉब की तरह काम करना, उधर हर साल सैलरी मिलेगी, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे सब कुछ मिलेगा उधर, जैसे कि मैंने नौकरी लग गई है। ओके, बट ये परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी जॉब फॉर 4 साल, और 4 साल के बाद भी ऐसा नहीं कि नहीं मुझे इंडियन आर्मी में भर्ती होना है, तेरी इच्छा से नहीं, उन लोग भी रखने चाहिए, उनको मालूम पड़े तो फालतू आलसी आदमी है, इसको सुबह उठा दे उठता ही नहीं है, क्या इंडियन आर्मी में काम करेगा, तो उन लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब तेरे पास भी चॉइस है, उनके पास भी चॉइस है, कि तेरे को चॉइस है भर्ती होना है कि नहीं, और उनको चॉइस है इसको रखना है कि नहीं। पर वो 4 साल के बाद, अब है ना, 4 साल के बाद का छोड़ो, 4 साल के दरमियान उसको जो मिलता है उसका इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल रूल है। सी, 4 साल उसको जो सैलरी मिलेगी, पढ़ो क्या लिखा है, टैक्सेबल। फिर 4 साल है ना, उसका प्रोविडेंट फंड जैसा कुछ कटेगा, एक्चुअली इन लोग प्रोविडेंट फंड नहीं बोलते इसको, अग्निवीर कॉर्पस फंड, जैसे अपने हर साल पगार में से कुछ कटता है ना प्रोविडेंट फंड, इधर प्रोविडेंट फंड जैसा ही कुछ होता है, उसको बोलते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड, वो तुम्हारी सैलरी में से कटेगा, और उतना आर्मी वाले भी तेरे लिए जमा करेंगे, आर्मी वाले मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन आर्मी है ना, तो थोड़ा तेरी पगार से कटेगा, थोड़ा वो लोग भी जमा करेंगे, और जो तेरी पगार से कटेगा ना, वो तो बेसिक सैलरी से कटेगा ना, वो तो अपने स्टेटमेंट में बेसिक सैलरी ग्रॉस ही लिखते हैं, और जो तुम्हारी सैलरी से कटता है उसका चैप्टर 6 में डिडक्शन मिलता है, ATCCH 1। ये दो क्या लिखा है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का मिलेगा चैप्टर 6 डिडक्शन अंडर सेक्शन ATCCH 1। और ये तो तुम्हारी सैलरी से कटा है, वो लोग भी तुम्हारे लिए जमा करेंगे, लेकिन मेरे को बताओ, अगर एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए जमा करेगा तो वो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट हुआ ना, तो पहले उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल कर, फिर वो भी लेस करने मिलेगा, फुल सैलरी में भी पूरा डालने का, और नीचे चैप्टर 6 से पूरा ही माइनस करने का, वो ATCCH सबसेक्शन 2 हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा, पढ़ो, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पहले सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल कर दो, एंड फिर चैप्टर 6 में ATCCH 2 करके डिडक्शन मिलेगा, और इधर कोई लिमिट भी नहीं है, पूरा ही, जैसे तुम्हारे लिए इंडियन आर्मी वाले 25,000 रुपया जमा कर रहे तो सैलरी में भी 25,000 आ जाएगा, और नीचे लेस कर देंगे 25,000। अरे NPS का भी तो ऐसा ही करते हैं, ये देखो डिस्टिंक्शन देखना, NPS में कैसा होता है, और ये क्या था इसका नाम, क्या है, अग्निवीर कॉर्पस फंड। ओके, तो सी NPS में क्या था, खुद पैसा डालेगा तो ATCCD 1 भी, और ATCCD 1 है, वन नंबर वन याद रखना, खुद डालेगा तो ATCCD 1 भी, ATCCD 1 पहले 1B में 50,000 ले लो, बचा कुचा 1 में, वो भी 10% ऑफ बेसिक प्लस DN टर्म्स, और अगर सैलरी नहीं है तो 20% GTI है ना, ये NPS था। वैसे अग्निवीर कॉर्पस फंड में क्या होता है, खुद डालेगा मतलब सैलरी से कट जाएगा, तो वो ATCCH 1 में आएगा, फुल, हाँ लिमिट नहीं है,
और एम्प्लॉयर डालेगा तो पहले सैलरी में ले लो फिर नीचे, और एनपीएस में एम्प्लॉयर डालेगा तो उसको भी पहले सैलरी में ले लो लेकिन नीचे लिमिट तक मिलता है 10% या 14%। नॉर्मल एम्प्लॉय तो 10%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% ऑफ बेसिक प्लस डी इन टर्म्स। इन शॉर्ट एनपीएस में एम्प्लॉयर डालता है तो लिमिटेड डिडक्शन है, लेकिन अग्निवीर कॉर्पस फंड में एम्प्लॉयर डालता है तो कोई लिमिट नहीं है, सैलरी में डाल दे और नीचे पूरा माइनस कर दे फुल। तो ये भी सी के दो सेक्शन हो गए। फिर सुनो, ये सब है ना उस 4 साल के दौरान होता है। सी 4 साल के बाद तो उसकी फुल टाइम जॉब हो जाएगी ना अगर, और फुल टाइम जॉब हो जाएगी तो प्रोविडेंट फंड चालू हो जाएगा, एंड फिर प्रोविडेंट फंड भी जो कटता है ना वो भी एटीसी में था, लंप में पी था, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ आरपीएफ। सी प्रोविडेंट फंड में भी जो अपनी सैलरी से कट कट के जमा होता है ना वो भी एटीसी में शामिल होता है, लेकिन वो 4 साल के बाद उसका प्रोविडेंट फंड चालू होगा, लेकिन ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स उसका प्रोविडेंट फंड नहीं, क्या होगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड। एंड फिर सुनो, 4 साल के बाद है ना ये अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है ना वो उसको रोकड़ा करके दे देते हैं, ये ले रख तेरा पैसा हो गया है, और वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(12)(c), इसको बोलते हैं लमसम अमाउंट रिसीव फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। सी 4 साल के बाद उसको रोकड़ा करके दे देते हैं, फिर तो बाद में वापस से डिसाइड करना है, एम्प्लॉय भी डिसाइड करेगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है कि नहीं, और गवर्नमेंट भी सोचेगी इसको आर्मी में रखना है कि नहीं, लेकिन वो 4 साल के बाद तो नॉर्मल एम्प्लॉय हो जाएगा ना। स्पेशल इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट उस 4 साल की ट्रीटमेंट के लिए, और स्पेशल तो क्या है, देखो सैलरी टैक्सेबल हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये दोनों चीज स्पेशल हो गए ना। और ये भी एक नया सेक्शन आ गया कि 4 साल में जो भी उसका फंड इकट्ठा हुआ है अग्निवीर कॉर्पस वाला वो फुल्ली एग्जेम्ड अंडर सेक्शन 10(12)(c). 10(12) क्या था, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से जो मिलता है वो, 10(11) स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से मिलता है वो, ये अग्निवीर कॉर्पस फंड का 10(12)(c) है। तो सी अपने ना चैप्टर 6 के टॉपिक में ये वाला सेट खत्म हो गया। कौन सा वाला, मैं तुमको सेट्स बना के बताए थे ना, ये देखो मेरे सेट्स कैसे थे बताओ, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेक्शन, हेल्थ रिलेटेड, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, डोनेशन, फिर रॉयल्टी, इंटरेस्ट इनकम, फिर अदर सेक्शन, ऐसा सेट बनाया ना। तो मेरा पहला सेट खत्म हो गया, कौन सा था, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। तो उसमें इतने सेक्शन हम लोग ने किए थे, ओके, सी, ट्रिपल सी, CCD1, ये तो 3 अलग सेक्शन होते भी इकट्ठा रहता है 1,50,000। सबका अमाउंट बताओ ना, ये ओवरऑल 1,50,000 है, CCD1 भी में 50,000, CCD2 में नॉर्मल एम्प्लॉई है तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो 14% ऑफ बेसिक प्लस डी है, लेकिन पहले सैलरी में घुसेड़ना पड़ता है उसको। फिर CCH1 एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये पूरा माइनस होगा, और CCH2 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी पहले सैलरी में घुसेड़ना पड़ता है फिर नीचे पूरा। ये देखो ये तो हेल्थ रिलेटेड में ATD पहले आ रहा है ना। लुक, मेडिक्लेम इंश्योरेंस में ना पहले अपने को उसकी कुछ कंडीशंस याद रखनी है, ये कंडीशंस है, फिर उसका कैलकुलेशन का तरीका, दो चीज पढ़ाऊंगा, पहले कंडीशंस फिर कैलकुलेशन का तरीका। कंडीशन देखो क्या है, ATD में डिडक्शन चाहिए तो पेमेंट शुड बी डन फॉर वॉट। तो सी इधर क्या क्या चीज़ है, बोलने के लिए मेडिक्लेम है, लेकिन मेडिक्लेम के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हुआ तो भी चलेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ तो भी चलेगा, ऐसे क्या क्या चलेगा वो मैं इधर बता रहा हूँ। तो बताओ क्या क्या चलेगा, या तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम ही भरो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा डालो। सी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एक तरह का मेडिक्लेम इंश्योरेंस ही है, फर्क इतना है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी इस लोक का होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ ऐसा रखती है ना तो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तो क्वेश्चन में चाहे मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो दोनों चलता है। फिर एक और चीज़ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप,
अपने बहुत बार फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, अपने कोई बीमारी उमारी तो नहीं है, मतलब बीमार हुए नहीं है, खाली प्रिवेंशन के लिए हेल्थ चेकअप करवा रहा हूँ, वो भी ATD में मिलता है। फिर घर में कोई सीनियर सिटीजन है जो अनइंश्योर्ड है, उसका हॉस्पिटल हॉस्पिटल का खर्चा हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी की एज 72 ईयर्स है और उनका इंश्योरेंस ही नहीं है, और 72 ईयर्स मतलब मेरी मम्मी सीनियर सिटीजन हो गई ना। सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, 60 ईयर्स एंड अबव और रेसिडेंट भी होना चाहिए। तो मेरी मम्मी तो रेसिडेंट है और मम्मी की उम्र 60 ईयर्स एंड अबव है, लेकिन मेरी मम्मी का इंश्योरेंस ही नहीं है, तो मेरी मम्मी को क्या बोलेंगे, अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन। एंड फिर मैं अपनी मम्मी के हॉस्पिटल हॉस्पिटल का खर्चा करूंगा ना, वो भी मुझे मिलेगा। और हुआ ही था, 10-15 दिन पहले मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, तो उसका मैं 80D में डिडक्शन ले सकता हूँ। ओके, तो बताओ 80D में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, देख के बता, देख के बोल। MIP मतलब मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लिखा है। फिर PH मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, PH मतलब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। फिर क्या था, मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन। ओके, मतलब घर में कोई बुजुर्ग है, उसका हॉस्पिटल का खर्चा, लेकिन वो अनइंश्योर्ड होना चाहिए, क्यों, इंश्योर्ड हुआ तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में आ जाता ना वो। फिर इस तरह की पेमेंट का 80D मिलता है। ओके, फिर ये पेमेंट किसके लिए करना है, मतलब मेरे भाई का मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है कि मेरे दादाजी का कि ससुर जी का किसका। तो सी ऐसे तो मैं किसी के लिए भी भर सकता हूँ, मेरे पैसे है, मैं जिसके लिए भरना चाहूँ भर सकता हूँ, लेकिन डिडक्शन चाहिए तो या खुद के लिए भर, स्पाउस के लिए भर, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स, ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, इधर चिल्ड्रन में डिपेंडेंट है खाली और पेरेंट्स, क्योंकि चिल्ड्रन लोग तो क्या है, जब तक डिपेंडेंट है उसका ख्याल रखो, एक बार इंडिपेंडेंट हो गया तो उसका मेडिक्लेम क्यों निकालना है, उसकी हेल्थ की चिंता खुद करेगा। तो ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन होना चाहिए, पेरेंट्स तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे भी चलेंगे, क्योंकि सी पेरेंट्स तो इंडिपेंडेंट भी हो गए तो उनका ख्याल रखना अपना हमेशा फर्ज बनता है यार। ये देखो क्या लिखा है, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट था, पेमेंट शुड बी डन फॉर ओन हेल्थ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स, और है ना ऐसे से खुद पे करना चाहिए, नहीं तो बहुत बार है कि हम नहीं पे करते, अपनी कंपनी भर रही है। अरे मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ ना, मेरा बॉस भर रहा है, तो मेरा बॉस भरेगा तो 80D नहीं मिलेगा, खुद भर। और उल्टे का सी बॉस भरेगा ना तो मेरे लिए परक्यूजिट हो गया, और वो एग्जाम परक्यूजिट है, सैलरी में पढ़ाया था कि अगर अपनी कंपनी हमारा मेडिक्लेम भरती है तो इट्स अ बेनिफिट, बट वो एग्जेम्प्ट है। तो सी क्वेश्चन में कभी भी ऐसा दियो ना मेडिक्लेम, चेक करना अगर कंपनी वाला भर रहा है ना, अपना बॉस भर रहा है, तो उसको 80D में मत लेना, उसका क्या करोगे, सैलरी के स्टेटमेंट में लेना लेकिन डैश कर देना, और वो एग्जेम्प्ट है, वो पेड बाय एम्प्लॉयर दिखा होगा तो। लेकिन मेडिक्लेम वो खुद भर रहा है खुद, हाँ तो ले लेना 80D में, चैप्टर 6 के जगह पे। तो मेडिक्लेम से डिसाइड मत कर, कौन भर रहा है देख। और बहुत बार एग्जाम में इन लोगों ने दिया पेड बाय एम्प्लॉयर, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में लेके डैश कर देना, और खुद पे किया है तो 80D में आएगा। तो इधर वो क्या लिखा, इट शुड बी पेड बाय होम, इट शुड बी पेड बाय असेसी हिमसेल्फ, और किसके लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। और सुनो, पेमेंट कैसे करना चाहिए, एनी मोड अदर देन कैश, क्या लिखा देखो, एनी मोड अदर देन कैश, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कैश हुआ तो चलेगा, क्योंकि सी वो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं ना, वो तो आजकल 1000-1500 में हो जाता है, अभी 1000-1500-2000 के लिए कौन चेक निकालेगा, तो कैश भी चलेगा। लेकिन बाकी सब पेमेंट कैसे होना चाहिए, कैश में नहीं होना चाहिए, और कैश में नहीं मतलब कैसे भी कर, कैश नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट करो, जीपे करो, चेक से करो, एनी मोड अदर देन कैश। ओके, तो ये चार कंडीशन याद रहना, क्योंकि सी जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, कैलकुलेशन मत करो। अब मान लो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सी कैलकुलेशन के लिए ना ये देखना, पहले इसका इफेक्ट देंगे हम लोग, किसका, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलग इफेक्ट आएगा, इसका अलग इफेक्ट आएगा, दिखाओ, ये देखो
पहले मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का इफेक्ट ले लो, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलग इफेक्ट आएगा, फिर अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन का मेडिकल एक्सपेंडिचर अलग, मतलब तीन हिस्से में डिडक्शन लिया। देखो तीन हिस्से में कैलकुलेशन कैसे करनी बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ देखते रहे मैं ना माइंड में, ये रखो कि सर ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बोला था तो पहले उसका डिडक्शन लेंगे, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन। तीन गोले दिख रहे, ये तीन गोले इधर दिखाऊं, ये एक पढ़ो पढ़ने मत जाओ, ये दो और ये तीन, और सी उसमें भी है ना खुद का स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन का अलग डिडक्शन आता है और पेरेंट्स के लिए क्या उसका सेपरेट डिडक्शन आएगा। तो पेरेंट्स का अभी मत लाना, अभी मैंने खुद के लिए स्पाउस के लिए बच्चों के लिए किया उसका करूँगा। तो सी सबसे पहले क्या देखना चाहिए, खुद स्पाउस और बच्चों में कोई सीनियर है क्या, क्योंकि पता है सीनियर सिटीजन का मेडिक्लेम बढ़ते हैं ना 25,000 का एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसे 25,000 ही मिलता है, लिमिट 25 की है, लेकिन सीनियर है तो और 25, दो दो 25, ओके। और क्यों मालूम, क्यों सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस बहुत कॉस्टली आता है, जैसे यार तुम्हारे घर पे भी कोई बुजुर्ग आदमी है उसका इंश्योरेंस निकालने आओगे तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करती है, कि उनको क्या लगता है बुड्ढा कभी भी टपक गया तो। इससे सीनियर सिटीजन का मेडिक्लेम में 25,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन है, लेकिन इनमें से कोई सीनियर देखना पड़ेगा। सी तुम लोग सोचोगे नहीं सीनियर तो पेरेंट्स ही होते, अरे पेरेंट्स का डिडक्शन अलग से लेंगे, डिडक्शन किसके लिए मिल रहा है, ओन स्पाउस चिल्ड्रन और पेरेंट्स ना, तो पेरेंट्स का डिडक्शन अलग से कैलकुलेट करना है। पहले तू इसके अंदर चेक कर कोई सीनियर है, कोई बोले नहीं मैं खुद भी सीनियर नहीं हूँ, मेरी बीवी भी जवान है और बच्चे तो बच्चे, तो कोई सीनियर नहीं है तो ठीक है जाने दो, लेकिन अगर इनमें से कोई सीनियर हुआ ना तो उसका एक्स्ट्रा 25 मिलता है। ये देखो क्या लिखा, एडिशनल डिडक्शन फॉर सीनियर कितना मिलता है एक्स्ट्रा 25 मिलता है, देखो लिखा भी 25। लेकिन अगर कोई सीनियर नहीं है तो बेसिक डिडक्शन तो सीनियर जूनियर सबके लिए मिलता है, जैसे मान लो ये लोग सब जवान लोग ही है, बच्चे तो बच्चे और खुद और स्पाउस भी जवान लोग है तो बेसिक डिडक्शन मिलेगा। और सी बेसिक का मतलब क्या है, उधर एज नो बार, बुड्ढा जवान बच्चा सबके लिए मिलता है, और उसका भी लिमिट कितना है 25,000। मतलब इन शॉर्ट देखो सीनियर होगा ना तो पहले 25 ऊपर ले ले फिर 25 नीचे ले ले। तो मुझे बताओ अगर मेरी स्पाउस बुड्ढी है, अरे बुड्ढी स्पाउस है मेरी, बुड्ढी मतलब 60 years एंड अबव है, और उसका प्रीमियम मैंने भरा है 40,000, तो पहले 25,000 ऊपर ले ले बुड्ढी स्पाउस का, 25,000 ऊपर ले लो, और मैंने 40,000 भरा है ना तो 25 ऊपर लेके बचा कितना 15, वो 15 नीचे ले सकता हूँ, नीचे भी सीनियर है और नीचे तो जूनियर लोग भी आते हैं, ओके। तो जूनियर में बच्चे हो गए, मैं हो गया, मैं जवान हूँ, स्पाउस बुड्ढी है, कुछ भी हो सकता है ना रियल लाइफ में। तो इन शॉर्ट पहले सीनियर का 25 ले लो, फिर नीचे बचा हुआ सीनियर और जूनियर, ओके। और सी ऐसा नहीं कि खुद का स्पाउस का चिल्ड्रन का अलग, सब इकट्ठा करके सब मर्ज करके करना है, पहले सीनियर का 25 निकाल फिर जो बच रहा है नीचे डाल दो, नीचे किधर बेसिक में। लेकिन सी ये तो हमने इसका सल्टारा किया, किसका मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दी होगी तो उसकी मदद से एडिशनल डिडक्शन बेसिक डिडक्शन होता है। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिया ना तो उसका तो सेपरेटली अपने को इफेक्ट देना है, ओके। और उसका इधर अलग से अमाउंट लिखना पड़ेगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, ओके। और वो लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 5,000 मिलेगा, ओके। एंड फिर अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन घर में कोई है, जैसे मैंने बोला ना मेरी मम्मी 72 years की है और मेरी मम्मी का तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं है और मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट किया था तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो इधर काउंट होगा, लेकिन मैक्सिमम 50,000। जैसे अभी तो हॉस्पिटल मेरी मम्मी एडमिट हुई तो 2 lakh का खर्चा कुछ हो गया समथिंग, तो लेकिन 2 lakh जितना तो नहीं, मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है, मैक्सिमम 50। ये देखो मैक्सिमम 50,000 लिखा है, सी इधर मैंने क्रॉस क्रॉस क्यों लिखा है मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखो 50,000 मैक्सिमम है, ओके। अब यही सेम डिडक्शन है ना अपने को पेरेंट्स के लिए भी मिलता है, पेरेंट्स के लिए ना ये पूरी वर्किंग रिपीट करनी पड़ेगी,
ये देख रहा है, मैं इसको है ना कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ये पूरा देखो कॉपी पेस्ट हो रहा है नीचे, पूरा कॉपी पेस्ट है। लेकिन सी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है ना, चाहे तूने खुद का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया हो के पेरेंट्स का, टोटल 5,000 मिलेगा। तो जैसे अगर इधर मैंने 2,000 यूज कर लिया ना, तो नीचे 3,000 ही लेने मिलेगा। खैर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन कुल मिला के 5,000। जैसे सी मेडिक्लेम इंश्योरेंस का तो क्या है, हमारा अलग मम्मी पापा का अलग है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन भी हमारा अलग मम्मी पापा का अलग है। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के मामले में चाहे मेरी फैमिली हो कि मेरे मम्मी डैडी लोग हो, पूरों का मिला के 5,000 मिलता है। बस ये फॉर्मेट दिमाग में छाप लो। ओके, तो सी इधर कुछ सिखाने ऐसा नहीं है, सेम चीज मैंने कॉपी की है। अब देखना एडिशनल डिडक्शन का 25,000 आ गया, ऐड करते जाओ, बेसिक डिडक्शन भी 25,000 ले लिया, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इधर मान लो इधर पूरा 5,000 ले लिया, और ये भी 50,000 ले लिया। तो ये सबको ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। लेकिन लॉ ने क्या बोला है, तो ये सबका फायदा भी उठा लेगा ना, 50,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब ये सब मिला के ना इसको 50,000 पे कटेल करना पड़ता है। सी इंडिविजुअली इसका 25 का लिमिट है, देख इसका भी 25 का लिमिट है, और इसका 5,000 है, और इसका 5,000 तो क्या पेरेंट्स का मिला के फिर, और इसका 50 है, ये इंडिविजुअल लिमिट्स है। लेकिन ओवरऑल लिमिट इज हाउ मच, 50,000। उसी तरह पेरेंट्स के लिए भी ओवरऑल लिमिट कितना है, 50,000। मतलब किसी भी सूरत में 1,00,000 से ज़्यादा डिडक्शन मिलना पॉसिबल नहीं है। सी ऐसे तुम लोग इनर कॉलम का टोटल मारोगे ना तो भरपूर हो जाएगा यार, करके दे टोटल 25 25, और ये 5 हो गया, ये 50, ऐसे इसका टोटल मारेगा तो भारी टोटल हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ओवरऑल लिमिट रखी है कि तेरे खानदान का 50 और तेरे माँ बाप का 50, दो 50 होगा तो कुल मिला के 1,00,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके नाउ सी, ये चीज सॉल्व करने के लिए एक बार एक सैंपल क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये मेरे को बताओ कैसे करोगे, ये वाला, हाँ ये वाला ट्राई करना। चलो ये दोनों चीज को एक बार मन ही मन सोच के डिसाइड करो, मतलब ये क्वेश्चन है और अपने दिमाग में ये बैठा हुआ रहना चाहिए, ये फॉर्मेट है। ओके एंड फिर सम ये रहा, पढ़ो क्या लिखा है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, हाँ सब एलिजिबल है। नहीं तो क्या इन लोग फालतू लोग भी डाल दो, दादाजी का मेडिक्लेम है, अपने साले का इंश्योरेंस निकाला है, अपने सगे भाई का, इधर खाली ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स है। तो ये देख के अच्छी फीलिंग, हाँ ये लोग तो चलेंगे यार, अच्छा है। और फिर दूसरे पॉइंट में पेरेंट्स का है, दोनों पॉइंट ही अलग दिए, अच्छा है, अपने सॉल्व भी तो अलग ही कर रहे। अरे ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स का सॉल्व भी अलग करते, और इस क्वेश्चन में तो पॉइंट भी दोनों अलग बना के दिए, अपने लिए और अच्छा हो गया। ये देखो सॉल्व अलग ही करते हैं ना, ओन स्पाउस बच्चों का और पेरेंट्स का। अब बताओ कैसे करोगे, ये दोनों पॉइंट को अलग क्यों रख रहा हूं अभी, क्योंकि पेरेंट्स लोग का अलग से करेंगे। तो पहले है ना ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का देखो कितना प्रीमियम पे किया है, 30,000 है। तो सी सबसे पहले क्या करने का, फॉर्मेट के हिसाब से आओ ना, पहले चेक कर क्या ओन स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कोई बुढ़ा है, वो क्वेश्चन में देखना पड़ा, दिखाऊंगा क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर सीनियर हुआ ना तो 25 तक ले लो, पहले पहले सीनियर का ले लो जो मिले वो, क्योंकि एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो एक्स्ट्रा जो मिले पहले ले लो। बेसिक तो क्या है, मिलने ही वाला है, वो बुढ़ा जवान कोई भी मिलने वाला है, लेकिन सीनियर होने का स्पेशल जो पहले ले लो। तो पहले चेक कर इनमें से कोई सीनियर है, आओ सब देखते सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कोई सीनियर है, नहीं है। ये देखो क्यों बताओ, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन मिसिज रोमा का है, और रोमा की उम्र क्या है, 40 साल की रोमा है, रोमा असेसी है, मतलब खुद 40 साल की है, तो उसका पति भी 40 जितना ही होगा, पति बुढ़ा थोड़ी होगा, तो फनी एग्जाम्पल मैं ले रहा था थोड़ी देर पहले। तो रोमा खुद 40 की है, तो उसका पति भी 40 का होगा, बच्चे तो छोटे ही होंगे, मतलब खुद स्पाउस और
डिपेंडेंट चिल्ड्रन में कोई सीनियर नहीं है तो ये जीरो हो गया, है ना। तो फिर बेसिक डिडक्शन में तो ले ही सकते हैं ना, इधर तो एज नो बार, तो ये देखो कितना था, फिर 30,000 का प्रीमियम है ना, तो 30,000 ले सकते हैं, लेकिन 30 पूरा नहीं लेंगे, कितना ले सकते हैं, 25,000। तो सी एडिशनल डिडक्शन में जीरो आ गया और इधर 25,000 आ गया, था तो मेरे पास 30, लेकिन लिमिट में रहो, 25 की लिमिट है। फिर मैं चेक करूंगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है क्या क्वेश्चन में, एक बार देख लेते ना सम, देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप दिख रहे कहीं, पूरा सम देखो ऊपर से नीचे तक छान मारोगे कहीं पर भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है, नहीं है तो जाने दो ना, इधर जीरो कर देंगे। फिर और क्या चेक करूंगा, खुद स्पाउस और बच्चों में से कोई अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन है, सीनियर ही नहीं है, पहले तो सीनियर हो उसमें भी अनइंश्योर्ड हुआ तो इधर 50,000 तक ले सकते, लेकिन मैंने जो सम दिखा उसमें नहीं है, तो अपने सम में देखो ये जीरो है, ये 25 आ गया, ये जीरो है, ये भी जीरो, फिर टोटल करके 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन टोटल तो 25 ही हो रहा है, हाँ तो 25 से तो 25 ही लूंगा ना, कम हो तो कम ही लो ना। फिर पेरेंट्स का करते हैं, देखो पेरेंट्स का कितना है, पेरेंट्स का चेक से भराया, ये चेक से भरा अच्छी बात है ना, चेक ही होना चाहिए, एनी मोड अदर देन कैश, खाली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश चलता है, लेकिन सी माँ बाप उसके सीनियर सिटीजन है, अब सीनियर सिटीजन ने कितना पे किया है, 52,000, तो क्या करेंगे बताओ, पहले एडिशनल डिडक्शन लेना पड़ता है सीनियर हुआ तो कोई, और सीनियर है और कितना ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, लेकिन है कितना क्वेश्चन में, 52,000 है, लेकिन एडिशनल के नाम पे तो 25 ही लेंगे ना, तो मैं क्या करूँगा इधर 25 या ले लूँगा, ले लिया 25, फिर 25 लेने के बाद भी बच रहा है, क्वेश्चन में 52 था तो 52 में से 25 क्या बचा ना, बचा हुआ फेंको मत, ये देख सीनियर ऊपर भी आता है नीचे भी है, तो 52 में से 25 ऊपर आ गया और बचा कितना, 27, लेकिन अपने 25 तक ले सकते हैं, और भी 2,000 बचा फेंक दो उसको, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है, ये भी नहीं है, तो टोटल कितना आ रहा, 50, तो 50 आ जाएगा, ओके। और ऊपर मैंने 25 कैलकुलेट किया था, मतलब इस तरह से करना है, तो मतलब एक सम बताना ताकि यह सम देखे कॉन्फिडेंस आ जावे, जो भी ट्रस्ट में तुम लोग ये फॉर्मेट रट लोगे ना गारंटी राइट आंसर आएगा, मेरा रेगुलर लेक्चर में एक्सपीरियंस है, ये जब पहली बार पढ़ा स्टूडेंट बोले क्या मगजमारी है, क्या मगजमारी है, लेकिन सम जब सॉल्व करता है ना हर बच्चे का राइट ही आता है, क्यों करना नहीं है कुछ, इसके हिसाब से स्ट्रिक्टली जाओ ना अपने आप फिट हो जाएगा। हाँ खाली अमाउंट लिमिट से याद रखनी पड़ेगी, इधर 25 इधर 25 और प्रिवेंटिव का ये दोनों मिला के 5,000 है, फिर इधर 50, नीचे भी पूरा सेम ही है पेरेंट्स लोग के लिए, ये 80D हो गया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें हेल्थ ओरिएंटेड चीज कर रहे हैं, तो मेडिक्लेम हो गया 80D, फिर 80U कब मिलता है हमें, अगर SSC खुद हैंडीकैप्ड है, अगर SSC हैंडीकैप्ड है तो उसको 75,000 का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा, फ्लैट मतलब इधर ऐसा नहीं है कम हो तो कम लो, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो, इधर कम ज़्यादा नहीं, फिक्स्ड है। खैर हैंडीकैप्ड होने के लिए कुछ खर्चा नहीं करना, ये फ्री का डिडक्शन है। सी बाकी डिडक्शन में क्या, पैसा डाल, पोकट में नहीं, पैसा डालेगा तो डिडक्शन मिलेगा, लेकिन हैंडीकैप तो सिंपथी का डिडक्शन है ना, बस मैं हैंडीकैप टू उसी का डिडक्शन मिल गया, कितना 75,000, और उसमें भी सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000 मिलता है। ये देखो इधर लिखा हुआ है 75,000 1,25,000, लेकिन सी अगर उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, क्वेश्चन ने बोला नो डिसेबल्ड है, लेकिन 40% से कम डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन नहीं मिलता है। जैसे सी मेरे को चश्मा है, मतलब मेरी आंख में डिसेबिलिटी है यार, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये डिसेबिलिटी कोई 40% से कम है, थोड़ा बहुत नहीं दिखे, चश्मा निकाल के भी दिखता है मेरे को मतलब, बट बोलने में तो बोल नहीं मेरी आंखों में डिसेबिलिटी है, ऐसे तो हर चश्मे वाला डिडक्शन ले लेगा, लेकिन लॉ ने क्या बोला भाई 40% से कम होता है ना उतनी तकलीफ तो सबको रहती है, ओके तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ 40% या ज़्यादा हुआ ना तो मिलेगा 75,000 का, और 80% और मोर हुआ तो 1,25,000। सी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो 75 लेके चलो, खाली बोला डिजेबल्ड है हैंडीकैप है तो 75,000, क्वेश्चन में बोला ना कि सीवियर डिजेबिलिटी, क्या लिखेंगे सीवियर, देखो स्पेलिंग है सीवियर, या फिर परसेंटेज 80 या मोर होगा, 80 भी 80 और मोर, तो क्या करेंगे
125,000 एग्जैक्ट 80 में भी 125,000 पहले ही बता रहा हूँ, 80 और मोर का 125,000। लेकिन हैंडीकैप है कौन, अस्सी खुद हैंडीकैप्ड है। और पता है हैंडीकैप्ड होने का डिडक्शन खाली रेसिडेंट लोग को ही मिलता है। एक बात बताओ, सुनो पूरे टॉपिक के लिए एक बात याद कर लो, इस पूरे टॉपिक में लुक 5 सेक्शंस में ना रेसिडेंट लोग को ही डिडक्शन मिलता है। कौन से सुनो, 80U, DD, DDB, QQB, RRB, बाकी के सेक्शन अभी आने वाले बाकी है, लेकिन अभी से रट लो DDD, DDB, QQB, RRB, याद भी हो रहा। अच्छा यू बाद में DD, DDB, QQB, RRB, इन 5 सेक्शन में ना रेसिडेंट होगा तो ही डिडक्शन मिलेगा। बहुत केयरफुल लेना, इन लोग क्या लल्लू कैसे बनाते हैं, नॉन रेसिडेंट क्वेश्चन में देते हैं, और नॉन रेसिडेंट में कभी भी ये 5 सेक्शन दिखे ना तो इफेक्ट मत लेना उसका। तो और बाकी सेक्शन में ऐसा नहीं है, बाकी सेक्शन जो भी होंगे ना इन 5 के अलावा, उसमें चाहे तू रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सीनियर सिटीजन का डिसीजन लेने के लिए भी रेसिडेंट चाहिए। मतलब पूरे टॉपिक में बताऊँ क्या याद रखना चाहिए, एक तो 80U, DD, DDB, QQB, RRB ये डिडक्शन चाहिए, तो असेसी रेसिडेंट चाहिए। और जहाँ भी अपने को सीनियर है कि नहीं देखना पड़ता ना सीनियर सिटीजन, तो वो सीनियर सिटीजन की उम्र भी 60 होनी चाहिए और बंदा भी रेसिडेंट होना चाहिए। अरे मतलब मैं पूरे टॉपिक के लिए जनरल में बता रहा हूँ कि कहाँ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का फर्क पड़ता है। एक तो बुढ़े लोग को सीनियर का खिताब कब मिलता है, रेसिडेंट बुढ़े है तो, और 80U, DD, DDB, QQB, RRB इन सेक्शन के लिए तुझे काबिल बनना है तो रेसिडेंट बन, और अगर तू रेसिडेंट नहीं है तो ये सेक्शन तेरे लिए है ही नहीं। ये हो गया, ये मैंने पूरे टॉपिक के लिए कॉमन है बता दिया। लेकिन सुनो 80U में तो तू खुद हैंडीकैप था ना, कभी कभी ऐसे जी खुद हैंडीकैप नहीं, उससे परिवार में कोई हैंडीकैप्ड है, और अगर तुम्हारे परिवार में कोई हैंडीकैप्ड है ना तो 80DD मिलता है। DD डिडक्शन सेम है, सेम, फर्क कितना है, खुद है तो 80U, और खुद नहीं तेरे खानदान में कोई हैंडीकैप्ड है तो 80DD, अमाउंट पूरा सेम है। लेकिन एक फर्क है, खुद हैंडीकैप्ड होते हैं तो फ्री में डिडक्शन मिल जाता है, बोल दो मैं हैंडीकैप्ड हूँ मिल जाएगा डिडक्शन। लेकिन तेरे खानदान में कोई हैंडीकैप्ड है ना तो फोकट का नहीं, उसके लिए खर्चा कर, उस हैंडीकैप के इलाज का खर्चा कर, या फिर उसके फ्यूचर के लिए कुछ पैसे जमा कर, कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। चाहे तू 1,000 रुपया भी खर्च कर, देखो डिडक्शन मिलेगा फ्लैट, बट फोकट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कब, खानदान में कोई हैंडीकैप्ड है, खुद हूं तो मेरे को देख के दया आ जाएगी ना, तो फ्री में डिडक्शन मिल जाता है 80U। लेकिन खानदान में कोई हैंडीकैप्ड है, मतलब तू तो भला चंगा है ना, तेरे खानदान में कोई है, उसके लिए पैसा खर्चा कर, और खर्चा मतलब क्या करना है, इलाज करवा उसका, या फिर उसके मेंटेनेंस के लिए कहीं इन्वेस्ट करके रख पैसा, कुछ कर, तब जाके डिडक्शन मिलेगा। फिर बाद में तू 500 रुपया भी खर्च किया ना तो भी फ्लैट डिडक्शन मिलता है, कितना, 75 और 125,000। ये देखो, ट्रीटमेंट कर, मेंटेनेंस कर, किसका, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव का। अरे मैंने बोला ना मेरे खानदान में से कोई हैंडीकैप होना चाहिए, खानदान में कौन, मेरी स्पाउस हैंडीकैप हो, मेरे बच्चे हैंडीकैप हो, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, इनमें से कोई हैंडीकैप हुआ ना तो 80DD में डिडक्शन मिलता है। ओके, और वो फ्री में मिलता है कि कुछ खर्चा करना पड़ता है, खर्चा, और खर्चे के नाम पे क्या, या तो इलाज करा उनका, हैंडीकैप है तो इलाज करो, ठीक करने की कोशिश कर, और तेरे को लग रहा नहीं अभी इलाज तो नहीं हो पाएगा, उसके एक हाथ ही नहीं है, पाँव ही नहीं है, तो कहाँ इलाज होगा, तो इलाज नहीं करवा रहा है तो उसके फ्यूचर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए कहीं इन्वेस्ट कर। इन्वेस्ट कहाँ कर दे, कोई इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाल दिया है, UTI, LIC, इंश्योरेंस कंपनी, कहीं पर भी इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस कंपनी के स्कीम्स होती है, उस स्कीम में क्या होता है, तुम उसके लिए पैसा जमा करो और तुम जब मर जाओगे तो हैंडीकैप की देखभाल में यूज़ होगा वो, तो ऐसा कुछ उसके लिए इन्वेस्ट करके रख या फिर उसका इलाज कर। तो इस सेक्शन को मैं कैसे बोलता हूँ, मैं ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ HDR, सेक्शन का नाम ही रखा है मैंने ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ HDR।
एच डी आर क्यों बोला उन्होंने, क्यों, तीन चीज चेक करने का, वो हैंडीकैप्ड होना चाहिए, डिपेंडेंट भी होना चाहिए। अरे मतलब सोचो मेरे घर में कोई हैंडीकैप्ड है लेकिन वो स्वाभिमान है, खुद कमा रहा है, अपना अपने आप कमा रहा है खुद ही, मेरे भरोसे नहीं बैठा है तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो हैंडीकैप ऐसा लाचार होना चाहिए, एक तो हैंडीकैप्ड है और उसकी कमाई भी नहीं है, मेरे भरोसे जी रहा है। मतलब खाली हैंडीकैप्ड होने से डिडक्शन नहीं मिलता, वो हैंडीकैप की अपनी खुद की कोई कमाई नहीं है, वो मेरे भरोसे बैठा है, भरोसे मतलब मेरे पे डिपेंडेंट है, मैं कौन, मैं असेसी हुआ, तो हैंडीकैप भी चाहिए वो और मेरे पे डिपेंड भी करता है वो, और मेरा कोई दोस्त यार नहीं, मेरा रिश्तेदार होना चाहिए। और इधर रिश्तेदार मतलब स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, इनमें से कोई होना चाहिए, ओके। और ये डिडक्शन तो HUF भी क्लेम कर सकती है, जैसे एक HUF को डिडक्शन चाहिए ना, तो उसका कोई भी मेंबर हैंडीकैप्ड होना चाहिए। और HUF जैसे मेरी HUF में मेंबर कौन होगा, मैं, मेरी बीवी और मेरे दो बच्चे। HUF का मेंबर कौन होता है, मेन आदमी, उसको बोलते कर्ता, और उसकी बीवी और बच्चे, बस पूरा खानदान मेरा HUF में नहीं आता। मेरी HUF में मेरा भाई बहन दादा दादी कुछ नहीं, मेरी HUF में मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे। तो अगर मेरी HUF को डिडक्शन चाहिए ना, तो कौन हैंडीकैप्ड होना चाहिए, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनमें से कोई हैंडीकैप्ड होना चाहिए। खैर HUF का ज़्यादा सोचो, मैंने एग्जाम में क्या है, इंडिविजुअल आदमी का सम आता है, ओके। और डिडक्शन कितना मिलेगा, 75,000 या फिर 1,25,000। और इधर फ्लैट का इंपॉर्टेंस है, मतलब इधर अगर क्वेश्चन ने बोला ना उसने 2,000 रुपये खर्चा किया तो भी फिक्स्ड 75, और बोला 2 करोड़ खर्चा किया तो भी 75, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्ट 75। और सीवियर डिसेबिलिटी हो तो 1,25,000। और इधर असेसी रेसिडेंट होना, तो मैंने बता दिया ना कहाँ कहाँ रेसिडेंट चाहिए, यू, डीडी, डीडीबी, क्यूक्यूबी, आरआरबी, इन सब में असेसी रेसिडेंट होना चाहिए, ओके। फिर इधर तो क्या, मेरे परिवार में कोई हैंडीकैप था, अगर बीमारी हुई ना, बीमारी, सी बीमारी मतलब कोई कैंसर, एड्स जैसी कोई भयानक बीमारी है, तो अगर किसी को डिजीज है, तो डिजीज में तो चाहे वो मुझे डिजीज हो कि मेरे खानदान में डिजीज हो, सेक्शन कॉमन है, DDB, DDB, सी सुनो, सुने नहीं, हैंडीकैप में तो क्या, खुद हैंडीकैप्ड है तो ATU, खानदान में कोई है तो DD, लेकिन हैंडीकैप में ना। और बीमारी हुई ना, तो चाहे तो खुद बीमार है कि तेरी परिवार में कोई बीमार है, सेक्शन कॉमन है, ATDDB, और उसका नाम क्या रखा है मैंने, ट्रीटमेंट ऑफ बीमार डिपेंडेंट रिलेटिव। इसका नाम क्या था, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव। इधर सेम है सब कुछ, लेकिन हैंडीकैप के बदले बीमार डिपेंडेंट रिलेटिव, और बीमार मैं हिमसेल्फ भी बीमार हो सकता हूँ और मेरा कोई रिलेटिव भी बीमार है। और इधर बीमारी मतलब कोई सर्दी बुखार छोटा मोटा बीमारी नहीं, भयानक डिजीज है। और वो डिजीज कौन सी, अपने को याद नहीं रखना, क्वेश्चन में बोलेंगे स्पेसिफिक डिजीज, और चाहे वो खुद की डिजीज हो कि स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, किसी की भी डिजीज हो, डिडक्शन मिलता है। लेकिन इधर फ्लैट डिडक्शन नहीं है, मैक्सिमम 40 का ही मिलता है, मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर बीमारी पे खर्चा कम हुआ हो तो कम, जैसे उसको कैंसर वैंसर हुआ है तो कैंसर का इलाज का खर्चा उसका 2,000 में हो गया तो 2,000, क्या 2,000 में होता नहीं, एक बात है, कम हो तो कम लो, लेकिन मैक्सिमम 40। और उसमें भी मरीज सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000, मरीज सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000, ये देखो लिखा है इधर, ऐसे 40,000 है, लेकिन मरीज, सी मरीज क्यों बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल हूँ, मेरी मदर को डिजीज है, डिजीज मदर है कि नहीं, इधर मदर थी क्या, आए ना पेरेंट्स, एक मदर को डिजीज है, तो जिसको डिजीज है उसकी उम्र देखो, वो अगर सीनियर सिटीजन है तो फिर उसके इलाज के लिए 40 के 1,00,000 तक भी मिलेगा। मतलब पेशेंट शुड बी सीनियर सिटीजन, देन 1,00,000 तक का लिमिट है। और उसमें भी रूल है, सुनो, अपना जो भी खर्चा हो रहा है ना हॉस्पिटल का बीमारी उमारी में, पहले उसको ये लिमिट पे लेके आ जाओ, फिर देखना चाहिए अगर अपने को कहीं से सपोर्ट मिल गया, इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा पैसा आ गया, या फिर मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ कंपनी वालों ने थोड़ा पैसा दे दिया, तो अगर कहीं से कुछ रिकवरी हो गई ना, तो मेरा डिडक्शन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ओके।
तो ये देखो क्या लिखा है, लेस रिकवरी, कहीं से कुछ रिकवरी हुई हो। और रिकवरी कहाँ से होती है, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता है या फिर हम लोग जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ से पैसा मिल जाता है। लेकिन सी इधर गड़बड़ मत करना, सुनो क्वेश्चन में ऐसा दिया है ना, इलाज पे खर्चा हुआ था 85,000 और उसमें से बॉस ने दे दिया 10,000। इलाज का खर्चा हुआ था 85, बॉस ने दिया था 10,000, तो बॉस का दिया हुआ ना एक बार साइड में रख, ये देख साइड में, इलाज का खर्चा गया 85, पहले उसको लिमिट में लाओ। 85 माना के बॉस ने 10,000 दिया, लेकिन उसको साइड में रखना एक बार यार, 85 का इलाज है तो उसको रेस्ट्रिक्ट करके 40 पे लेके आओ, मैं अज्यूम करो सीनियर नहीं है 40। फिर देखो 40 में से बॉस ने कितना दिया, 10 दे दिया, तो 40-10 30 का डिडक्शन मिलेगा। सी लोग गड़बड़ क्या करते हैं उनमें, इलाज का खर्चा 85 है, बॉस ने तो 10 दे दिया तो पहले ही लेस कर देते, पहले मत करना, पहले जितना भी इलाज का खर्चा हुआ है ना इग्नोर द रिकवरी, फुल इलाज के खर्चे को रेस्ट्रिक्ट करके 40 या 1 लाख पे लेके आओ। एंड फिर लिमिट में आने के बाद देखो कि कहीं बॉस से कुछ पैसा मिला है या कोई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है तो बाद में लेस कर देना। ओके तो वापस आंसर दो, इलाज का खर्चा हुआ था 5 लाख और इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से मुझे है ना 40,000 दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी से 40 मिला है और इलाज का खर्चा हुआ था 5 लाख, तो पहले इंश्योरेंस कंपनी का 40 साइड में रख, इलाज का खर्चा 5 लाख है और मान लो इलाज हुआ था कोई सीनियर का, तो 5 लाख का इलाज हुआ था सीनियर है तो 1 लाख, तो 1 लाख पे लिमिट कर दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी से 40 मिला था, वो 40 बाद में लेस करना, तो 1 लाख माइनस 40 60,000 ऐसे। तो मतलब पहले लिमिट में आओ फिर रिकवरी विकवरी को लेस करना चाहिए। एंड कई बार क्या होता है, लिमिट में आने के बाद रिकवरी माइनस कर दो नेगेटिव आंसर आ जाता है, तो नेगेटिव है तो जीरो डिडक्शन। जैसे अपने लिमिट में आ गए 40,000 1 लाख की, फिर मालूम पड़ा इंश्योरेंस कंपनी से 4-5 लाख मिल गया है, अरे इतनी भारी रिकवरी हो गई है, तो ये देखो ये वाले फॉर्मूले में आंसर नेगेटिव हो जाएगा तो नील कर देंगे, है ना। अरे हो सकता है इलाज का खर्चा हुआ था जो भी उसको लिमिट में लाया 40,000 लिमिट में लेके आ गया, फिर बॉस से मुझे ना 60,000 का सपोर्ट मिला था, ले 40 की लिमिट है और बॉस से 60 का सपोर्ट मिला था, तो 60 माइनस कर देंगे तो नेगेटिव हो गया डिडक्शन, और डिडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता तो जीरो कर देंगे। तो ये था। और इधर असेसी रेसिडेंट पे अभी तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने रेसिडेंट का टेंशन एक ही बार में दूर कर दिया है, ATU DD DDB QQB RRB, इन सेक्शन में असेसी रेसिडेंट होना चाहिए, बाकी सेक्शन में चिंता मत करना कभी। ओके ये लोग कैसे याद रखते, इधर देखो ना, लुक हियर, ये क्या था ATD मैं डी ATD, फिर ये देखो यू फॉर यू खुद हैंडीकैप्ड, यू से यू मतलब तू खुद हैंडीकैप्ड है, असेसी को बोल रहा हूं। और इधर क्या बोला DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड, मतलब मैं खुद डिसेबल्ड हूं कि डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, तुम लोग समझे ना, मैंने डी और डी का शॉर्ट फॉर्म बनाया, डी फॉर डिपेंडेंट, दूसरा डी का मतलब डिसेबल्ड, तो याद करने का तरीका है ना। फिर डीडी भी कैसे याद करने का, डिपेंडेंट, ये देखो डिपेंडेंट डिसेबल्ड नहीं है, बीमार है। अरे DDB याद करने का तरीका क्या है, DDB मतलब डिपेंडेंट डिसेबल्ड नहीं, बीमार है, बी फॉर बीमारी। तो ऐसे इसका फुल फॉर्म बना के याद रखो ना, यू का फुल फॉर्म क्या, यू खुद हैंडीकैप्ड, और DD का डिपेंडेंट डिसेबल्ड, और DDB का डिपेंडेंट डिसेबल्ड नहीं, बीमार है, और ATD मैं डी ATD। ओके इधर तो भारी कैलकुलेशन था ना, एडिशनल 25, बेसिक 25, प्रिवेंटिव का ओवरऑल 5, और अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन का 50 था ना वो, फिर ऐसे पेरेंट्स का भी सेम, फिर 2 50 ही मिल सकते, 50-50 1 लाख, फिर ATU में फ्लैट था, इधर भी फ्लैट डिडक्शन था, लेकिन इधर मैक्सिमम 40 या मैक्सिमम 1 लाख, उसमें भी रिकवरी लेस कर देंगे, है ना। तो हेल्थ ओरिएंटेड सेक्शन हो गया। ओके फिर हेल्थ ओरिएंटेड के बाद अगला झूम देखो क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का,
मीन्स अभी है ना चार ऐसे सेक्शन है ना जहाँ पे मेरा है ना लोन का कर्जा दे के गवर्नमेंट को दया आ गई कि बेचारा कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज में डूबे हुए इंसान को इंटरेस्ट भरना पड़ता है, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का डिडक्शन। और इसकी खूबी क्या है, सब सेक्शन ई से चालू होते हैं, ए टी ई, ए टी डबल ई, डबल ई ए, डबल ई बी, ई डबल ई, डबल ई ए, डबल ई बी। तो सी पहले ए टी ई, एक काम कर दो, ये चारों सेक्शन है ना मैं ऐसा पैडल ही खत्म कर दो। ये देखो मेरे पास मस्त टेक्निक है इसकी, ये देखो ए टी ई, ए टी डबल ई, ए टी डबल ई ए और ए टी डबल ई बी। ऐसे देखो मैंने चार कॉलम बना के रखे ना, ये चार सेक्शन के, ये देखो चार कॉलम, मतलब एक दो तीन चार, एक एक करके। पहले तुम लोग इस पे ध्यान दो, बाजू के कॉलम को मत देखना। ए टी ई में डिडक्शन कब मिलता है, जब एजुकेशन का लोन लिया होगा, और एजुकेशन भी कैसा हो ना, बारहवीं के बाद कुछ भी पढ़ो, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बाद में कोई भी प्रकार का एजुकेशन तुमने किया, उसके लिए अगर तुमको लोन लेना पड़ा तो लोन का कुछ इफेक्ट नहीं आता, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना फुल इंटरेस्ट पेड का डिडक्शन मिलता है, बट मैक्सिमम 8 साल। जैसे किसी ने लोन चुकाने के लिए 15 साल ले लिए, तो चुकाते रहे 15 साल, लेकिन डिडक्शन शुरुआत के 8 साल ही मिलेगा। खैर एजुकेशन लोन क्या यूजुअली 5 साल में चुकता ही करना पड़ता रियल लाइफ में, बट अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिया है कि 10 साल से लोन ही चुका रहा है, तो 10 साल 10वें साल में मिलता ही नहीं है, खाली फर्स्ट 8 ईयर्स में मिलता है। और इधर लिमिट नहीं है, जितना भी तुमने इंटरेस्ट पे किया फुल अमाउंट अलाउड। लेकिन पढ़ना कौन चाहिए, एजुकेशन लोन है तो पढ़ाई कौन करेगा, ये देख खुद पढ़ाई करो, स्पाउस की पढ़ाई हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसका तू गार्डियन है, मतलब कोई भी बच्चे की मैं देखभाल करता हूँ, वो मेरा बेटा भी नहीं होगा, ऐसे ही कोई रैंडम स्टूडेंट है, लेकिन जिसकी कस्टडी मेरे पास है, मैं उसका गार्डियन बन के रह रहा हूँ, तो उसकी एजुकेशन भी चलेगी। अरे किसकी एजुकेशन होनी चाहिए, खुद की, स्पाउस की, बच्चों की, और स्टूडेंट फॉर होम यू आर अ गार्डियन, इनकी एजुकेशन। और एजुकेशन कैसी, 12वीं के बाद, और उसके लिए लोन ले और लोन पे इंटरेस्ट भर, इंटरेस्ट भरने का डिडक्शन है, फुल इंटरेस्ट पेड मैक्सिमम 8 साल के लिए। और लोन किससे लेना है, सुन, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये देखो सब पत्ते खोल रहा है, इधर देख, जल्दी देख, जल्दी देख, इधर क्या लिखा है, पढ़ते जाओ। एजुकेशन लोन होना चाहिए इंटरेस्ट पे करने का, तो एटीई में डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है, फुल अमाउंट का। और लोन किससे लेना चाहिए, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना चाहिए। ओके, एंड फिर बाद में एजुकेशन किसकी है, हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और स्टूडेंट फॉर हुम यू आर अ गार्डियन। ओके, फिर अगला सेक्शन देखो, ए टी डबल ई, ये हाउसिंग लोन के लिए, जिन लोग ने 2016-17 में लोन लिया ना, तो खास 16-17 के लिए एक वन स्पेशल ऑफर आया था गवर्नमेंट का, कि जो 16-17 में लोन लेगा अपने पहले घर के लिए, पहला घर होना चाहिए तेरा जिंदगी का। अरे किसी का भी लाइफ का फर्स्ट हाउस होता है ना, एक्साइटमेंट भी होती है, टेंशन भी होता है। एक्साइटमेंट मतलब मैं अपनी जिंदगी का पहला घर ले रहा हूँ यार, और टेंशन क्योंकि पैसे अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है ना, जैसे कोई नया नया बच्चा अभी अभी पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी पे लगा है और उसको अपनी लाइफ का फर्स्ट घर ले रहा है, तो जो बंदा अपनी जिंदगी का पहला घर ले रहा है ना, तो गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट रखती है। और सपोर्ट क्या मालूम है, तुमको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट का, 50,000, एंड दिस इज ओवर एंड अबाउट डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी का हेड। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट माइनस होता ही है, लेकिन पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी 2 लाख की लिमिट है। पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड घर होता है तो मैक्सिमम 2 लाख ही माइनस होता है, लेकिन पता है आजकल हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट बहुत भारी होते हैं। सोचो किसी ने हाउसिंग लोन पे 3-3 लाख का तो ब्याज भर रहा है, तो 3 लाख में से हाउस प्रॉपर्टी के एड में तो 2 लाख ही गया, और भी 1 लाख है ना, तो पूरा 1 लाख तो नहीं, 50,000 मुझे ए टी डबल ई में लेने मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि
कि तूने लोन 16-17 में लिया होगा तो सी 16-17 का ईयर चला गया है, लेकिन 16-17 में लोन लिया है तो चुकाना तो आज तक चल रहा होगा। अरे हाउसिंग लोन तो लोग 15-15, 20-20 साल चुकाते, तो अपनी एग्जाम में ईयर 23-24 है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 16-17 का लोन आज तक भी चुकाना का काम तो चालू ही है, तो 23-24 में उसको डिडक्शन मैक्सिमम 50 का ही मिलेगा। लेकिन ये 50 है ना बाद में लेने का, पहले हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 2 लाख ले लो, फिर और अगर इंटरेस्ट पे कर रहे तो। जैसे कोई बोले नहीं मेरे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो खाली 1,10,000 ही है, ओ तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में ही खत्म हो गया। फर्स्ट यू हैव टू टेक अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, फिर उधर 2 लाख एग्जॉस्ट होने के बाद और है तो इधर आएगा। इधर मतलब चैप्टर 6 में अंडर सेक्शन 80EE कंडीशन लोन 16-17 में लिया होगा, और वो तेरा पहला घर होना चाहिए, और घर की कॉस्ट मतलब घर की वैल्यू 50 लाख या कम होने चाहिए, और उसके लिए जो लोन लिया है वो 35 लाख या कम होना चाहिए। बहुत याद करना पड़े, मैं समझता हूँ टेंशन लेकिन क्या करे। सी लॉजिक क्या है, मैं ये गरीब लोग के लिए खोला है, एक गरीब आदमी करोड़ों का तो फ्लैट नहीं लेगा बेचारा, गरीब आदमी नया नया घर लेगा पहला ले लेगा कितना 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू का घर नहीं ले पाएगा ना। सी अगर वो करोड़ों का फ्लैट लेता है तो गवर्नमेंट को क्या लगता है, भाई करोड़ों का फ्लैट लिया है भले तेरी जिंदगी का पहला घर है लेकिन तू बहुत अमीर आदमी है, अमीर घर में पैदा हुआ होगा, तो तेरे लिए सपोर्ट नहीं है। ये सपोर्ट हमने गरीबों के लिए खोला है, और गरीबी कैसे दिखाओगे कि तेरे घर की वैल्यू 50 लाख से भी ज़्यादा नहीं है, और उसके लिए लोन तुझे जो मिला है वो 35 लाख जितना ही मिला है, मतलब बाकी का तेरे को जेब से डालना पड़ा, मतलब तो और भी हवा टाइट हो गई होगी ना। एक तो तू गरीब, गरीबी किस पे देखी, 50 लाख का ही घर है और लोन भी 35 का मिला है, 35 या कम, मतलब तेरे को खुद की जेब से डालना पड़ा, मतलब और तकलीफ में, और तेरी जिंदगी का पहला घर है, कितना कठिन होगा। तो वो सोच के डिडक्शन मिलेगा, फील कर तो याद करना इजी होता है, विदाउट फीलिंग पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा। ये देखो सब लिखा है देखो, और हाँ लोन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा। लुक ये देख पढ़ क्या लिखा है, हाउसिंग लोन है 16-17 का, सेक्शन क्या 80EE, डिडक्शन कितना मिलेगा मैक्सिमम 50,000। लोन किससे लेना है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड इट शुड बी योर फर्स्ट हाउस द वैल्यू ऑफ विच इज 50 लाख और कम, जिससे गवर्नमेंट को लगे वो गरीब आदमी है कोई, और लोन भी 35 लाख से कम मिला, मतलब लोन कम मिला मतलब बाकी अपनी जेब से डालना पड़ा, तो ये गवर्नमेंट को दे के बर्डन फील हो रहा तेरा। इतनी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ये 50,000 का डिडक्शन है ना पहले हाउस प्रॉपर्टी का लेने के बाद करने का, कि 5 एड्स ऑफ इनकम पहले आते फिर चैप्टर 6 से आता है, तो पहले 2 लाख का कोटा खत्म कर, उसके बाद भी तूने इंटरेस्ट पे किया है तो इधर आता है। और होता ही हाउसिंग लोन अगर तुमने 50, ये देखो 35 लाख का लोन है ना, अरे 30 लाख का भी लोन लिया होगा ना, आराम से 3-4 लाख का तो इंटरेस्ट चला जाएगा। अरे 30 लाख का भी लोन लिया होगा उसने तो 10% पकड़ो ना, 3 लाख का ब्याज तो ऐसे ही चला, ये भी मैं कम पकड़ रहा हूँ, तो अपना 3 लाख का तो इंटरेस्ट होगा ही, तो अपना हाउस प्रॉपर्टी के एड में तो 2 लाख ही मिल पाएगा है ना, फिर उसके बाद और बचा तो इधर 80E में, बट मैक्सिमम 50,000। बट सी हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख तक ही मिल पाएगा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड में होता है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो फुल डिडक्शन मिलता है, तो इधर इधर की नौबत ही नहीं आएगी। सी इधर 50,000 की नौबत कब आएगी, अगर ये मेरा पहला हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में हाउस प्रॉपर्टी के हेड में रूल क्या है, मैक्सिमम 2 लाख ही मिलता है, तो वो 2 लाख का लिमिट हो गया ना, फिर और डिडक्शन चाहिए तो इधर आ जाओ 80EE में। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में फुल ऑन डिडक्शन मिल चुका है, तो इसकी मुझे गरज भी नहीं है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में पूरा मिल गया है। ऐसा सेम सेक्शन है, सी ये 16-17 में गवर्नमेंट ने उस टाइम बजट में अनाउंस किया था, फिर ये सेक्शन बंद कर दिया, फिर 19 वाले बजट में जब कोविड का टाइम था ना वापस अनाउंस हुआ, और वापस ये सेम सेक्शन आया कि अगर कोई इंसान गरीब है और वो अपना पहला पहला घर ले रहा है तो उसको हम एक एडिशनल डिडक्शन देंगे, एडिशनल मतलब
हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो 2 लाख मिलता उसको छोड़ के एडिशनल, ये स्कीम वापस आई थी 2019 के बजट में, और ये स्कीम इन लोग ने 19 से 22 लाख के लिए खुला रखा था। 19 से, मतलब लोन कब लेना चाहिए गिन के बताओ, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 22 तक, इस बीच में लोन लिया हुआ रहना चाहिए, और वो तेरा पहला घर होना चाहिए, और गरीबी दिखानी पड़ेगी, और इधर गरीबी मतलब हाउस का वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में घर के दाम थोड़े गिर गए थे, कोविड चल रहा था ना, कोविड इधर कैसा था, हाउस 50 लाख वाला था ना, और इधर हाउस क्या है 45 लाख वाला, और लोन कितने का होना चाहिए कुछ भी नहीं लिखा है, इधर खाली एक ही शर्त है कि हाउस लेस देन इक्वल टू 45 लाख का होना चाहिए वैल्यू। ओके, कितने का भी लोन मिला हो तेरे को, लेकिन वो तेरा पहला घर होना चाहिए जिंदगी में, और इधर मान लो 1,50,000 था उनका डिडक्शन है, इधर कैसे 50,000 था 16-17 लोन का, और जिनका 19-22 का लोन है उन लोगों के लिए 1,50,000 है। ये देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन, देखो हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन 16-17, 19-22 80 डबल ई ए, इधर 50,000, इधर 1,50,000, ये भी पहला घर होना चाहिए, इधर भी पहला घर होना चाहिए, लेकिन इधर घर की वैल्यू 50 लाख या कम, इधर घर की वैल्यू 45 लाख से कम, इधर तो लोन का भी कंडीशन था 35 लाख से कम, इधर लोन को लेके कंडीशन नहीं है, और दोनों में लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन सी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो 2 लाख लिया था ना, वो लोन किसी से भी लिया हो चलेगा। सी हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जो इंटरेस्ट और हाउसिंग लोन का डिडक्शन मिलता है ना, उधर लोन तुमने किसी से भी लिया होगा चलेगा। ओके, मेरे को बताओ हाउसिंग लोन के सब बेनिफिट्स बताओ, हाउसिंग लोन के फायदे सुनो। हाउसिंग लोन का जब रीपेमेंट होता है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ATC में जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट ATC, लेकिन लोन बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये प्रिंसिपल हो गया। फिर हाउसिंग लोन का जो ब्याज है, वो ब्याज को पहले हाउस प्रॉपर्टी के हेड में सलटाओ, और लेट आउट प्रॉपर्टी तो उधर ही सलट जाएगा और सब खत्म बाद में। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में 2 लाख ही मिलेगा ना, और मुझे भूख रहेगी डिडक्शन की, तो आ जाओ इधर, किधर आ जाओगे, डबल ई ए, लेकिन डबल ई ए में सब लोग मुंह नहीं मार सकते, शर्तें लागू, क्या 16-17 का लोन है तो डबल ई में आ जा, 19-22 के बीच लोन लिया है तो डबल ई ए में आ जा, एंड फिर इधर 50 मिलता है, इधर 1,50,000 मिलता है, लेकिन वो 2 लाख लेने के बाद। ओके, और इधर 50 लाख वाला घर होना चाहिए, इधर 45 लाख वाला घर होना चाहिए, और लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ओके, तो मतलब हाउसिंग लोन के इफेक्ट्स किधर किधर आते हैं, ATC में भी था प्रिंसिपल रिपेमेंट, और उसके इंटरेस्ट का हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट है तो पूरा ही उधर खत्म हो जाता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उधर 2 लाख खत्म होता है, फिर बचा हुआ इधर ले सकते हैं डबल ई ए में। बट इस सेक्शन, ये वाले सेक्शन का बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है, ओनली इफ यू टेकन लोन इन दिस पीरियड तो ही आता है। फिर ATEE इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अरे आजकल गाड़ियाँ बैटरी से ऑपरेट होती है, वो बैटरी को मोबाइल का बैटरी कैसे चार्ज करते हैं, वैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराने का, बैटरी चार्ज करो गाड़ी चालू हो जाती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, हर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करे ताकि भारत में से पॉल्यूशन खत्म हो जाए। पॉल्यूशन होता है कि पेट्रोल और डीजल से, लेकिन पेट्रोल डीजल बंद, इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज करो, और उसको प्रमोट करने के लिए सेक्शन क्या है, ATEE। लेकिन से इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई बोलता है बहुत महंगी आती है, अरे महंगी आती है तो लोन ले, और लोन पे जो ब्याज भरेगा उसका डिडक्शन दे देंगे, लेकिन इधर लिमिट क्या, मैक्सिमम 1,50,000। ओके, और लोन शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC भी, इधर NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, अमाउंट कितना है 1,50,000। ओके, तुम लोग देख रहे हो, एक अच्छी चीज बताओ, इधर देखो, ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे नखरे कम होते जा रहे, सबसे ज्यादा नखरे ये कॉलम में थे, फिर इधर, फिर इधर, फिर एकदम कम हो गया।
ऐसा क्यों बोला, इधर तो देखो कौन कौन पढ़ना चाहिए उसका भी था ना, इधर हाउस के ऊपर भी कंडीशन था, लोन पे भी था, इधर खाली हाउस पे ही था, और इधर तो वो सब था भी नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे मतलब ऐसा फील करो ना, विजुअली याद रखते हैं ना, मतलब इधर ज़्यादा मगजमारी था, फिर इधर थोड़ा कम हो गया, इधर ज़्यादा था, इधर थोड़ा कम, इधर और कम, इधर एकदम ही कम हो गया। और डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या था, सब में इंटरेस्ट है, सब ही है, एक सिंगल ही, एक डबल ही, डबल ही है, डबल ही भी। अमाउंट क्या था, इधर फुल अमाउंट था, इधर 50, इधर 1,50,000, इधर 1,50,000। लोन किससे लेना है, सब में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कॉमन था, लेकिन एजुकेशन में अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था, इलेक्ट्रिक व्हीकल में NBFC, ये एक्स्ट्रा में था, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो कॉमन में था ना, है ना। और सी ऐसे कंपेरेटिवली 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेटेड सेक्शंस थे, इंटरेस्ट रेटेड, ओके। फिर इंटरेस्ट के बाद में अगला झुंड, सी पहले मैंने इन्वेस्टमेंट का झुंड बताया, फिर हेल्थ रिलेटेड, फिर इंटरेस्ट रेटेड हो गया, अब देखो अगला क्या है, डोनेशन वाला। डोनेशंस को लेके है ना चार सेक्शन है, GGA GGB GC। जी वाले सेक्शन को मैं लास्ट में लूंगा, वो बड़ा है, ATG डोनेशंस का। पहले ये देखो, ये तीनों सेक्शन है ना एक चुटकी में खत्म हो जाए, जल्दी देखो चुटकी बज रही है, देखो खत्म हो रहा है। ये तीनों सेक्शन का प्लान देखो क्या है, ऐसे हो जाएगा, GGA GGB GGC तीनों डोनेशन है। लेकिन GGA में डोनेशन किसके लिए करना है, रिसर्च के लिए डोनेशन दो या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए, और इधर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इधर भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है या फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को, लेकिन इधर कंपनीज को डिडक्शन मिलता है, इधर नॉन कंपनीज अदर्स लोग को डिडक्शन मिलता है। एक एक करके देखना अभी, ATGGA में क्या बोला, डोनेशन किसके लिए देना है, रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। फिर इधर किसको डोनेशन देना है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट, इधर किसके लिए डोनेशन देना है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करता है, मैं सबसे चंदा इकट्ठा करके BJP कांग्रेस सबको बांटता है, अरे इलेक्टोरल ट्रस्ट एक मिडल मैन है, इसका काम क्या है, सबसे डोनेशन जो मिलेगा ना, थोड़ा BJP को दो, थोड़ा कांग्रेस को दो, थोड़ा शिवसेना को दो, थोड़ा मनसे को दो, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो ठीक है, या तो तू सीधा BJP को डोनेशन दे के आ, कांग्रेस को दे के आ, फिर इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी देगी तो GGB और नॉन कंपनीज लोग देंगे अदर्स लोग तो GGC। और अपने एग्जाम में तो कंपनी का सम नहीं आता ना, CA इंटर में तो इंडिविजुअल लोग का सम ज्यादा आता है, तो अपने लिए ये सेक्शन ज्यादा काम का है। फिर ATGGA में डिडक्शन किसको मिलता है, मैं सबको, लेकिन बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन अगर ऐसे डोनेशन देता है ना तो उसको बिजनेस के हेड में ही डिडक्शन मिल जाता है। बिजनेसमैन अगर रिसर्च वाला और रूरल डेवलपमेंट डोनेशन देता है तो उसको बिजनेस के हेड में ही डिडक्शन मिल जाता है। इससे GGA में डिडक्शन चाहिए, तू बिजनेसमैन नहीं रहना चाहिए, मतलब तेरी कोई भी इनकम हो लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होना चाहिए, ओके। तो इधर देखो असेसी कौन है, ऑल असेसी एक्सेप्ट दोज हैविंग बिजनेस, और 100% मतलब फुल डिडक्शन मिलता है। इधर क्या था बताओ, 100% डिडक्शन बट कंपनीज होना चाहिए, इधर क्या है 100% डिडक्शन अदर देन कंपनी। ये देखो मैं ऐसा डिस्टिंक्शन के फॉर्म में बहुत इजी लगे है, देखो। फिर अगर डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को दिया ना, ये वाला देखो, ये वाला तो एक रुपया भी दिया तो चेक में देना पड़ेगा, चेक नहीं, एनी मोर अदर देन कैश, चाहे तू 100 रुपया भी देगा ना पॉलिटिकल पार्टी को तो कैश देने का ही नहीं, कैसे भी दे बट कैश मत दे, चाहे 100 रुपया ही क्यों ना हो। लेकिन इधर क्या मालूम है, रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट में 2000 तक कैश चलेगा, लेकिन 2000 से बड़ी अमाउंट है तो कैश मत देना। ये देखो इधर लिखा है, पढ़ो क्या था, रिसर्च रूरल डेवलपमेंट में क्या है, मोर देन 2000 है तो एनी मोड अदर देन कैश, मतलब 2000 तक है तो कैश चलता है, 1000-1200 दिया कैश चलेगा, लेकिन बड़े अमाउंट है तो कैश नहीं होना चाहिए, और इन लोग में तो कैश चलता ही नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टी को तो याद ही, इनको तो कैश देने का ही नहीं, 100 रुपया है तो भी एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। सी बाद में 80G आएगा ना डोनेशंस का, एक और सेक्शन, उधर भी ऐसा सिस्टम है कि 2000 के ऊपर है तो कैश नहीं चलेगा, 2000 तक चलता है। तो सी ऐसे याद कर लो ना, ये देखो इधर और इधर क्या है, 2000 तक है तो कैश चलेगा, 2000 के ऊपर है तो कैश नहीं होना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग दोनों थे ना, ये इधर तो 1 रुपया भी है तो कैश नहीं चलेगा। ओके, खैर ATG मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये 3 सेक्शन खत्म हो गए ना अपने। फिर ये डोनेशंस का एक बार के लिए झुंड खत्म हो गया, एक्सेप्ट ATG बाकी अपना। फिर जो अगला झुंड कौन सा अपना, लुक अभी अदर सेक्शंस, अदर सेक्शंस में है ना, अदर सेक्शन के पहले वो बचा रॉयल्टी के 2 सेक्शन बचे इंटरेस्ट के, मैंने सेट्स जो बनाए थे ना उसमें। लेकिन पहले मैं अदर सेक्शंस करा रहा हूँ, उसमें देखो ATGG में डिडक्शन कब मिलता है, अगर तू भाड़े के घर में रहता है और तुझे रेंट भरना पड़ता है, रेंट भर रहा है वो देख के गवर्नमेंट को दया आ रही है, घर नहीं है तेरे पास तो रेंट भरना पड़ रहा है, तो ATGG। इसको पता कैसे याद रखते हैं, जीजी मतलब घर नहीं है, घर नहीं है। पब्लिक रोती कैसी है, रोने वाला इंसान एक बार नहीं 2 बार बोलता है घर नहीं है, घर नहीं है। अरे घर नहीं है, घर नहीं मतलब जी जी, 2 जी है ना, तो पहला जी घर नहीं है, दूसरा जी घर नहीं है, तो क्या बोलना चाहिए, घर नहीं है तो रेंट भर, और रेंट भरेगा तो डिडक्शन मिलेगा। और इसका डिडक्शन है HRA जैसा ही है, HRA में कैसा फॉर्मूला था वैसा ATGG में। HRA का फॉर्मूला क्या था, 50% और 40% ऑफ बेसिक DA इन टर्म्स टर्नओवर कमीशन, इधर 50-40% के बोले 25% है। ये देखो इधर 25%, लेकिन उधर क्या था, HRA में 50-40% ऑफ बेसिक DA और टर्नओवर कमीशन, मतलब सैलरी का लेते थे ना, इधर सैलरी का नहीं। देखो क्या लिखा है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, AGTI मतलब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ये देख ये ग्रॉस टोटल इनकम है, लेकिन उसमें से सारे 80s को माइनस कर दोगे ना तो AGTI आ जाएगा, सिवाय ATGG के। ATGG तो मैं कर रहा हूं ना अभी, तो ATGG को छोड़ दे, बाकी सबको माइनस कर दे, सबको मतलब चैप्टर 6 से वाले सब लोग को माइनस कर दो। ये देखो इधर मैंने क्या लिखा है, सारे 80s माइनस हो गए, एंड फिर बाद में जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सी अलग अलग स्टेज देखो, ये GTI होता है, फिर सब सेक्शन माइनस कर दो ATGG को छोड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेड GTI। फिर ATGG को भी माइनस कर दिया तो नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगा, एकदम दी एंड हो जाएगा वो। तो सी अपने को इसका 25% लेना पड़ेगा। ओके, ये पहली अमाउंट हो गई, दूसरी अमाउंट 5000 पर मंथ, तीसरी अमाउंट रेंट पेड माइनस 10% AGTI, तीनों में से विचर इज लोअर। सेम HRA में था, HRA में भी थर्ड अमाउंट यही था ना, रेंट पेड माइनस, हाँ उधर 10% ऑफ सैलरी था, इधर 10% ऑफ AGTI है। उधर सेकेंड अमाउंट क्या था, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इधर 5000 पर मंथ फिक्स्ड है। उधर फर्स्ट अमाउंट था 50-40% ऑफ सैलरी था, इधर 25% ऑफ AGTI है। और AGTI मतलब सारे डिडक्शंस माइनस करके जो आंसर आता है ना वो, सिवाय ATGG, उसका 25% इधर चाहिए और उसका 10% इधर चाहिए मेरे को। ओके, मतलब एक्चुअली पता है सम सॉल्व करते टाइम मैं ना ATGG को लास्ट में करो, क्यों लास्ट में करो, क्योंकि अपने को AGTI निकालना है ना, और AGTI मतलब क्या, सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, खाली ATGG बचना चाहिए। तो जब ATGG को बचा के रखना है तो उसको लास्ट में ही रखो ना। सी क्वेश्चन में तो इन लोग ATGG बीच में ही डाल देंगे, लेकिन अपने सॉल्व करते टाइम उसको एकदम लास्ट में रखेंगे। ओके, ये कहीं लिख दो, ATGG ऑलवेज सॉल्व एट दी एंड, एकदम लास्ट में करने का। लेकिन सी ATGG में शर्त क्या है, में घर नहीं है, घर नहीं है, किसके पास घर नहीं है, ना तेरे पास घर है, ना तेरी स्पाउस के पास, ना माइनर चिल्ड्रन, ना HUF जहां तू मेंबर है, इनके पास घर नहीं होना चाहिए। मतलब इनमें से किसी के पास भी घर है ना तो गवर्नमेंट को दया नहीं आएगी। सी दया क्यों आ रही है, घर नहीं है, घर नहीं है बेचारे के पास, तो चलो रेंट भरो, डिडक्शन लो। लेकिन दया का पार्ट कब बनेगा, जब ना तो तेरे पास घर है, ना स्पाउस के पास,
ना माइनर चिल्ड्रन ना HUF जहाँ तू मेंबर है, इनके पास किसी के पास भी घर नहीं होना चाहिए, और तू इतना लाचार है कि तेरा बॉस तेको HRA भी नहीं दे रहा है, तब जाके तू दया का पार्थ बनेगा। ये देख पढ़ी लिखा इधर, न तो तुझे HRA मिल रहा है, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, तो मतलब फिर रेंट तेरे लिए बोझा हो गया ना, और घर भी नहीं है तेरे पास। घर किसके पास नहीं होना चाहिए? असेसी स्पाउस माइनर चिल्ड्रन एंड HUF वेर इज अ मेंबर, मतलब सी इनमें से किसी के पास भी घर हुआ ना तो ये डिडक्शन नहीं मिलता है। ओके, तो बस इतना सा कंडीशन याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, तो ATGG खत्म हो गया। फिर लुक हियर, ATGG रेंट पेड था ना, उसके बाद ATJJAA, ये हम लोग नए लोग को नौकरी पे रखते हैं ना, न्यू एम्प्लॉयज को उसका डिडक्शन मिलता है। जैसे मान लो मेरा बहुत बड़ा धंधा है और मैं अपने बिजनेस में नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करूंगा, तो न्यू एम्प्लॉय को नौकरी पे रखने का मेरे को डिडक्शन मिल रहा है, क्योंकि इसे न्यू लोग को नौकरी पे रखना मतलब मैं इस देश से बेरोजगारी दूर कर रहा हूँ, और बेरोजगारी दूर करने में अगर मेरा हाथ है तो गवर्नमेंट मुझसे खुश है। ओके, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को नौकरी पे रख, और है ना कैसे लोग को नौकरी पे रखना है, जिनका सैलरी 25,000 या कम है, जिनका सैलरी 25,000 या कम है, क्योंकि सी जो बड़ी सैलरी वाले होते हैं ना वो वेल टू डू है, एडुकेटेड लोग होंगे तो वो लोग को बेरोजगारी नहीं होती है। भारत में बेरोजगारी की समस्या कहाँ है? गरीबों में। अरे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एकदम पुअर क्लास लोग में है ना, तो अगर पुअर क्लास लोग को अनएम्प्लॉयमेंट से दूर करना है तो उनका सैलरी भी पुअर होगा ना, तो 25,000 और मोर, सॉरी 25,000 या लेस वाली सैलरी होनी चाहिए जिस एम्प्लॉय को रखा। तो टेल मी, अगर मैं ऐसे एम्प्लॉय को रखता हूँ जिसका सैलरी 1,00,000 है, तो 1,00,000 की सैलरी वाले को रखा तो उसको इतनी तकलीफ नहीं थी, 1,00,000 की सैलरी मतलब उसकी औकात अच्छी है, उसको तो कहीं पर भी जॉब मिल जाता, वो लोग तकलीफ में नहीं है। तकलीफ में कौन है? झोपड़पट्टी वाले, छोटे लोग, उनको तकलीफ है, तो भाई छोटे लोग का पगार भी तो छोटा होता है ना, तो सी कंडीशन क्या रखे, 25,000 कम है, ऐसे लोग को तूने मदद किया ना तो तूने अनएम्प्लॉयमेंट में हेल्प किया। तो सी ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बोला, अब देखो कंडीशन क्या है, नए एम्प्लॉय को नौकरी पे रख और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 25,000 पर मंथ। फिर सुन डिडक्शन कितना मिलेगा, वो न्यू एम्प्लॉय की सैलरी का 30%, जितने भी न्यू एम्प्लॉय मैंने रखे ना उसकी सैलरी का 30% डिडक्शन मुझे इस साल भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, 3 साल लगातार डिडक्शन मिलेगा। 3 साल को याद कर दो और 30% भी याद कर दो। तो मान लो मैंने 20 लोग को नौकरी पे रखा है तो वेरी गुड, और 20 की पगार 25,000 या फिर कम है तो गुड, तो इन 20 एम्प्लॉय लोग की पगारों का 30% निकालो पहले, वो 30% ये देख इस साल भी माइनस होगा, नेक्स्ट ईयर भी, और नेक्स्ट ईयर 3 साल कंटिन्यूस डिडक्शन मिलता है। और पता ही है डबल डिडक्शन हो गया, अपने को स्टाफ सैलरी का इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी खर्चा दिखाने मिलता है। अरे बिजनेसमैन की इनकम मतलब नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट में स्टाफ का सैलरी तो ऑलरेडी काटेला पीटेला रहेगा, उसके बावजूद अपने को एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बेरोजगारी दूर करने में मदद कर रहा हूँ ना। तो सी ये मत बोलना बिजनेस के हेड में तो स्टाफ का सैलरी, अरे इनकम फ्रॉम बिजनेस के सम में आएगा, थोड़ा केयरफुल रहना, इनकम फ्रॉम बिजनेस के सम में ना स्टाफ सैलरी बिजनेस में अलाउड है, उसका डिडक्शन उधर मिलता है। उधर तो क्या है, नया पुराना हर एम्प्लॉय का मिलता है, उधर तो 25,000 का भी नहीं है, हर एम्प्लॉय की सैलरी को खर्चा दिखा सकते, कहाँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन ये स्पेशल प्रिविलेज कब मिलेगा, नए नए एम्प्लॉय को रखा हो, 25,000 से कम वाली सैलरी हो महीने की, उसका 30% मिलेगा 3 साल। लेकिन असेसी कौन होना चाहिए, टैक्स ऑडिट असेसी, मतलब ये असेसी भी बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा असेसी कौन, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, टैक्स ऑडिट असेसी का बोलते, जब असेसी का टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट लॉयर वगैरह, तो 50,00,000 से ज़्यादा उसका ग्रॉस रिसीट्स है, तो टैक्स ऑडिट असेसी वालों को ही मिलता है। क्योंकि सी छोटे लोग अगर एम्प्लॉय को रखते हैं तो उनको तो ज़रूरत है,
सी आदमी एक बार अमीर हो जाता है ना तो उसके पास पूरा धंधा सेट है उसका, फिर उसको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, फिर भी वो रख रहा है, मतलब देश पे एहसान कर रहा है। तो एहसान करने वाला किसको बोलेंगे? टैक्स ऑडिट असेसी को। और सी गवर्नमेंट उम्मीद भी उनसे ही कर सकती है ना, छोटा आदमी बिजनेस करने वाला हो, खुद तो मर मर के धंधा कर रहा हो, कहाँ तो नौकरी पे रखे लोगों। तो इन शॉर्ट असेसी कौन होना चाहिए? टैक्स ऑडिट असेसी। और उसकी निशानी क्या? उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो और कोई प्रोफेशनल फॉर्म है तो 50 लाख से ज़्यादा उसका ग्रॉस रिसीट्स होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगा। फिर सुनो, इसमें कंडीशंस बहुत है। एम्प्लॉय को 240 डेज और मोर करंट ईयर में नौकरी में रखने का, मतलब जिस ईयर उसको, जैसे इस साल उसको जॉब दिया है ना, तो इस साल उसका कम से कम 240 डेज होना चाहिए। सी ये क्यों रखा मालूम है? नहीं तो कितने लोग क्या करते हैं, जब साल ख़त्म होने आता है ना, उनको लगता है इस साल तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ गया यार, इतना बड़ा प्रॉफिट है, खुशी तो हो रही है, लेकिन टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स बचाने के लिए क्या करेगा? जिन एम्प्लॉय को वो नेक्स्ट ईयर रखने वाला था ना, इस साल ही रख लेगा। अरे मतलब सोचो, मार्च का महीना आ गया, साल एंड हो रहा है, और साल के एंड में असेसी को टेंशन क्या आ रहा था? यार इस साल तो मेरा प्रॉफिट जोरदार है, टैक्स भारी आएगा। तो टैक्स बचाने के लिए चीटिंग क्या कर रहा है? जिन एम्प्लॉयज़ को वो अगले साल रिक्रूट करने का सोच रहा था, उसको इस साल ही कर दिया, ताकि इस साल ही मिल जाए। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला, बॉस तेरे को इस साल देंगे ही नहीं, इस साल तेरे को चाहिए तो साल के एंड एंड में मत रख उनको, स्टार्टिंग से रख के कम से कम उनका 240 दिन वर्किंग हो जाए तो तेरे को इस साल से मिलेगा। लेकिन अगर तू एम्प्लॉय लोग को साल के एंड एंड में नौकरी में रखेगा तो इस साल तो नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर से मिल जाएगा। सी डिडक्शन की मनाही नहीं है, लेकिन अगर तेरे को इस साल से तुरंत डिडक्शन चालू चाहिए तो साल के एंड एंड में उसको नौकरी में मत रखो, स्टार्टिंग में रख दो। और स्टार्टिंग में भी इतना स्टार्टिंग में रखो कि उसका इस साल 240 दिन नौकरी का हो जाए। तो सी ये वाला एग्जांपल ट्राई मारो, मैंने 10 एम्प्लॉय को नौकरी में रखा था, और कभी रखा था? 1 फेब को। अरे साल का एंड था, और पता है शाणे लोग चीटिंग क्या करते हैं, जिनको लगता है ना कि प्रॉफिट पे टैक्स ज़्यादा आएगा, तो जिन एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में अपॉइंट करना है उनको इस साल ही अपॉइंट कर दिया। लेकिन सी गवर्नमेंट का भी रूल तगड़ा है, 1 फेब को तूने नौकरी पे रखा तो कितने दिन हुए? फेब में 29 डेज है। अरे पता है अपने मई 24 में प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24, और उसमें फेब 2024 आएगा, और फेब 2024 वाला लीप ईयर है तो 29 डेज है, बोलना मत। तो ये 29 डेज फेब के, मार्च के 31, टोटल कितने हो गए? 60 दिन। यानी कि इन 10 एम्प्लॉय लोगों ने 240 दिन इस साल नहीं बिताए तो अपने को इस साल से डिडक्शन चालू नहीं होगा, मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। ये देखो सीन, देखो इस ईयर मैंने क्या किया है, चौकड़ी मार दिया। ये कौन सा ईयर अपना? 23-24। इस साल डिडक्शन नहीं मिलेगा, हाँ नेक्स्ट ईयर से मिलेगा, मिलेगा पूरा 3 साल, लेकिन 3 साल का मीटर नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। तो नेक्स्ट ईयर ओके। लेकिन टेल मी, अगर ये 60 दिन के बोले 260 दिन हुआ होता तो इसी साल से चालू हो जाता, फिर ये साल नेक्स्ट ईयर 3 साल मिलेगा ऐसे, ओके। तो 240 दिन चेक करना चाहिए। लेकिन सी कोई कोई धंधे में 240 से 150 डेज है। अगर असेसी का लेदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का धंधा है, फुटवेयर मैन्युफैक्चर करने का धंधा है, या फिर अपैरल्स का मतलब कपड़े, मतलब तू कपड़े मैन्युफैक्चर करता, अपैरल्स मतलब अपैरल, कपड़े पहनते ना अपैरल्स, फिर लेदर प्रोडक्ट, फुटवेयर, 3 चीज बोली थी, फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट, अपैरल्स, ये चीज का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ऐसे कोई रिटेल दुकान खोला नहीं, तू इस चीज का मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। तो तुम्हारे केस में 240 डेज के बोले 150 डेज हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इन लोग का धंधा ही ऐसा है ना कि सीजन पे ही काम आता है। तो इन लोग क्या सोचते हैं, एम्प्लॉय को स्टार्टिंग से नौकरी पे रख के क्या फ़ायदा, उनका सीजन ही एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, तो इन लोग के लिए 240 डेज होना मुश्किल हो जाता है। किन लोग के लिए? फुटवेयर, लेदर प्रोडक्ट्स, अपैरल्स मैन्युफैक्चर करने वाले। तो ये लोग तो 150 डेज भी हुए ना, इस साल ही चालू हो जाएगा। खैर 150 डेज नहीं भी होता तो भी डिडक्शन तो मिलेगा, लेकिन इस साल से नहीं, भी नेक्स्ट ईयर से चालू हो जाएगा।
लेकिन अपने को सम तो इस साल का सॉल्व करना है ना। फिर जो एम्प्लॉय को तुमने नौकरी पे रखा है ना उसको फुल टाइम जॉब देने का, और एम्प्लॉय फुल टाइम नौकरी का कब कहलाता है, जब वो प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करता है। ये दो क्या लिखा है, ही शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ वाला रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्योंकि सी अगर एम्प्लॉय को जॉब पे रखा, उसको मैंने बोला तू नौकरी पे लग, लेकिन तेरा प्रोविडेंट फंड अभी नहीं चालू करेंगे, प्रोविडेंट फंड चालू नहीं किया ना मतलब बॉस की नीयत ठीक नहीं है, वो थोड़े टाइम में उसको कल्टी दे देगा, अरे कल्टी मतलब निकाल देगा, थोड़े टाइम में उसको बोले चल निकल ले। सी एम्प्लॉय को फुल टाइम नौकरी की सिक्योरिटी कब मिलती है, जब उसका प्रोविडेंट फंड चालू हो जाए। इसलिए लॉ ने क्या बोला, उसको फुल टाइम नौकरी पे रख, उसका प्रोविडेंट फंड भी चालू हो जाना चाहिए, मतलब ही शुड पार्टिसिपेट इन आरपीएफ। फिर देयर शुड बी नेट इंक्रीज इन द नंबर, मतलब सी मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज थे उसमें 10 लोग को निकाला और 10 लोग को रखा, तो 10 को निकाल के 10 को रखा तो फायदा नहीं है ना, अरे तू 10 निकाले लेकिन 10 को रखा तो नेट इफेक्ट तो जीरो हो गया। हाँ अगर तू 10 एम्प्लॉय को नौकरी से निकाल रहा है फिर 11 लोग को रख रहा है तो एक एम्प्लॉय को मिलेगा, एक एम्प्लॉय की सैलरी का डिडक्शन मिलेगा, तो मतलब नेट इंक्रीज होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा देवे ना कि ड्यूरिंग द ईयर 20 लोग को तो निकाल दिया था और 25 लोग को नौकरी पे रखा, 20 को निकाला 25 को रखा, तो नेट कितना इंक्रीज हुआ, 5 एम्प्लॉय की सैलरी का ही मिलेगा, वो भी उनकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए लेस देन 25,000, वो भी उन लोग ने 240 डेज और मोर काम किया हुआ होना चाहिए, कभी कभी 150 डेज भी होता है, और उसकी सैलरी का 30% डिडक्शन मिलेगा लगातार 3 साल। लास्ट कंडीशन पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए, ड्राफ्ट या फिर ECS, ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, जीपे पेटीएम वगैरह, इस तरह से सैलरी दो। तो क्वेश्चन में दिया ना, नए एम्प्लॉय को नौकरी पे तो रख लिया, सबका पगार भी 25,000 से कम है लेकिन उनको पगार कैश में दे रहे, तो कैश में सैलरी दिया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुम लोग ना इतनी कंडीशन रट लो ना यार, पहले तो ये रटो कि असेसी कौन होना चाहिए, टैक्स ऑडिट वाला, फिर नया एम्प्लॉय को नौकरी पर रख, उसका सैलरी लेस देन इक्वल टू 25,000 पर मंथ है, और करंट ईयर में उसने 240 डेज और मोर काम किया हुआ रहना चाहिए, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग और लेदर फुटवेयर अपैरल हुआ तो 150 डेज और मोर, और एम्प्लॉय शुड पार्टिसिपेट इन प्रोविडेंट फंड एंड देर शुड बी नेट इंक्रीज इन द नंबर, 10 को निकाल के 12 को रखा तो 2 का ही मिलेगा, एंड फिर उनका पगार अकाउंट पे ही चेक ड्राफ्ट या ECS से पे होना चाहिए, तब जाके अपने को उनकी सैलरी का 30% लेस करने मिलेगा, इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी, नेक्स्ट ईयर भी। तो ये था ATJJAA। तो ये मेरा है ना अदर सेक्शंस का झुंड हुआ, अदर सेक्शन में दो ही थे, अदर मतलब ये ग्रुप नहीं बन रहा है, एक रेंट पेड है, एक न्यू एम्प्लॉय का है, इसके पहले कैसे मस्त सेट बन रहा था, हेल्थ वालों का एक ग्रुप था, इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप था, इंटरेस्ट का भी अच्छा ई वाला ग्रुप था, ये तो क्या है दोनों अपने अपने अलग सेक्शन ही है, इंडिपेंडेंट सेक्शन है। अब देखना अगला झुंड है ना अपना, इसका है रॉयल्टी का, रॉयल्टी के लिए दो सेक्शन, ATQQB RRB। बुक्स से रॉयल्टी मिलती है ना तो QQB में डिडक्शन मिलता है, पेटेंट से रॉयल्टी मिलता है तो ATRRB। दो टाइप की रॉयल्टी होती है, या तो किताब लिखते हैं ना तो अपनी किताब जितनी बिकती है वो हिसाब से अपने को रॉयल्टी मिलती है, या फिर तू कुछ इन्वेंशन कर पेटेंट बोलते हैं उसको, तो बुक्स का रॉयल्टी QQB, पेटेंट का रॉयल्टी RRB। लेकिन सी रॉयल्टी इनकम को पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करो, जितना भी कमाया पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करो, लेकिन डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 3 लाख का। तो अगर मेरी बुक्स मैंने लिखी है, बुक्स लिख के मुझे रॉयल्टी मिल रहा है 10 लाख, अच्छी बात है, 10 लाख, 10 तो क्या मैं 1 करोड़ भी कमा सकता हूं, तो जो भी कमाया पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालो, लेकिन डिडक्शन की लिमिट क्या है, मैक्सिमम 3 लाख की मिलता है। बुक्स की रॉयल्टी का 3 लाख अलग है, पेटेंट्स की रॉयल्टी का 3 लाख अलग है, दोनों सेक्शन ही अलग है ना, 3 लाख याद कर दो, 3 लाख 3 लाख 3 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, बट मैक्सिमम। अगर मुझे रॉयल्टी इनकम ही इधर 1 लाख मिल रही है तो इनकम में डाला ही 1 लाख तो निकल लूंगा, 1 लाख ही ना,
बट मैक्सिमम 3 लाख मिलता है। लेकिन सी इसमें भी कुछ नाटक है, देखो ये देखो बुक्स वाली रॉयल्टी है ना, कैसी बुक्स होनी चाहिए उनमें, लिटररी, कोई लिटरेचर हो, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक नेचर वाली बुक्स। अरे एक लिटररी वर्ड में ना सब टाइप की बुक्स आ जाती है, एक्चुअली दिखने में लग रहा है वो 3 ही टाइप की बुक है, लेकिन लिटररी एक ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी बुक्स आती है, लिटररी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक। इसको कैसे याद रखते हैं, लास्ट बुक्स। पता बेस्ट याद रखो, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स नहीं होने चाहिए। एक्ट में क्या लिखा है, स्कूल कॉलेज की जो टेक्स्ट बुक्स होती है ना वो नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल में भी साइंस होता है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो बुक्स की रॉयल्टी का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बेसिक चीज़ है यार, उसमें थोड़ी कोई क्रिएटिविटी है, बच्चों की बुक्स है। क्योंकि सी इधर साइंटिफिक बुक्स लिखा है ना, तो साइंटिफिक में केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है, वो तो स्कूल में भी था, तो स्कूल टेक्स्ट बुक्स नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया ना कि कुछ रॉयल्टी उसको स्कूल की टेक्स्ट बुक्स लिख के मिला है, तो वो काउंट मत करना, मतलब इनकम में तो लेना पड़ेगा, डिडक्शन में काउंट नहीं होगा। ओके, खैर वो स्कूल की बुक्स वहाँ तो लिखाएंगे, अदरवाइज कोई भी बुक्स दिया ना वो ज़्यादा सोचो मत, लिटररी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक ही होती है सब बुक्स, तो वो पहले इधर इंक्लूड कर दिया फुल अमाउंट, फिर डिडक्शन लेंगे। लेकिन सी डिडक्शन का फॉर्मूला देखो कैसा है, इधर एक फॉर्मूला है, मैक्सिमम 3 लाख या फिर एक्चुअल रॉयल्टी इनकम, विच एवर इज लेस। और सी एक्चुअल रॉयल्टी इनकम क्यों देखना पड़ता है, जैसे मैंने बोला ना, अगर उसको एक्चुअल रॉयल्टी मिला ही 1 लाख है तो नीचे माइनस कितना होगा, अरे ऊपर डाला ही 1 लाख तो नीचे माइनस भी तो 1 लाख होगा ना, तो मतलब या 3 लाख या एक्चुअल, विच एवर इज लेस। लेकिन सी इधर देखो क्या लिखा है, एक्चुअल रॉयल्टी इंडिया एंड फॉरेन, मतलब समझ रहे, ये देखो मीन्स इमेजिन करो मैंने बुक लिखी है, मेरी बुक इंडिया में भी पब्लिश हुई है, फॉरेन में भी पब्लिश हुई है। सी बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती, इंडिया में बुक्स पब्लिश करो, क्योंकि इंडिया के लोग बुक रीड करेंगे तो इंटेलिजेंट बनेंगे। सुना है ना, किताबें पढ़ के बंदा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन भारत सरकार किसको इंटेलिजेंट बनाना चाह रही है, इंडिया के लोगों को। तो अगर तेरी बुक्स इंडिया में पब्लिश हो रही है ना तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर तेरी बुक्स फॉरेन में पब्लिश हो रही है तो हम तेरे को तभी डिडक्शन देंगे जब तू फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आएगा, क्योंकि हमको तेरे फॉरेन के लोग तेरी बुक पढ़ रहे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ फॉरेन को देखे फॉरेन करेंसी का लालच आ गया। तो अगर तेरी किताबें फॉरेनर लोग पढ़ रहे हैं ना तो तेरे को डिडक्शन चाहिए तो फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आ। सी बेसिकली गवर्नमेंट की इच्छा क्या, इंडिया के लोग बुक्स पढ़ने चाहिए, तेरी बुक्स इंडिया में पब्लिश होने चाहिए, इंडिया के लोग पढ़ेंगे तो होशियार बनेंगे वो लोग। और अगर तूने और बट क्या करे, फॉरेन में बुक्स पब्लिश कर, मेरी बुक ही इतनी फेमस है कि फॉरेनर लोग भी पढ़ रहे, लेकिन गवर्नमेंट फॉरेनर लोग बुक पढ़ रहे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को फॉरेन को देख के फॉरेन करेंसी का लालच आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चल एक काम करते, तेरी बुक्स फॉरेन में भी पब्लिश हुई ना तो भी डिडक्शन देंगे, लेकिन एक शर्त है, तेरे को फॉरेन में जो भी रॉयल्टी मिल रहा है वो इंडिया में लेके आ, और अगर इंडिया में लाया तो ही डिडक्शन मिलेगा, और अगर फॉरेन में तेरी बुक्स छप रही है और वहाँ तुझे जो रॉयल्टी मिल रही है वो पैसा तूने वहीं छोड़ दिया तो नहीं देना डिडक्शन, क्योंकि हमको फॉरेन में तेरी लोग बुक पढ़ रहे उसमें शौक ही नहीं है। इन शॉर्ट सी, इंडियन रॉयल्टी का तो डिडक्शन मिलेगा ही, वो तो गवर्नमेंट खुशी खुशी देगी, इंडिया के लोग किताब पढ़ रहे वेरी गुड, इंडिया इंटेलिजेंट बनेगा, इंडिया आगे बढ़ेगा, लेकिन फॉरेन में तुझे रॉयल्टी मिली है ना तो डिडक्शन की शर्त क्या है, यू हैव टू ब्रिंग द फॉरेन करेंसी इन इंडिया, वो भी कितने टाइम में, देखो विद इन 6 मंथ्स। ये देखो ये ड्रॉइंग देखना, अपना साल अप्रैल टू मार्च है ना, या तो ड्यूरिंग द ईयर ही रॉयल्टी का पैसा इंडिया में लेके आओ। और इंडिया में लाने का बात क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी बुक्स अगर फॉरेन में पब्लिश हुई है तो मेरा पब्लिशर भी फॉरेन में होगा, तो फॉरेन में रॉयल्टी मेरा जमा हो रहा है, तो मुझे या तो ड्यूरिंग द ईयर ही इंडिया में पैसा लाना पड़ेगा, या फिर साल खत्म होने के बाद मुझे 6 महीने का टाइम मिला है, 6 महीने तक भी तू इंडिया में लेके आ गया तो चलेगा, अरे कभी कभी तो 6 का 7 महीना भी चला लेंगे, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेगा। तो नॉर्मली 6 महीने में लाना है, लेकिन ये पढ़ क्या लिखा है, टाइम एक्सटेंड करवाना है ना तेरे को,
कि तू 6 महीने के बदले तुझे 7 महीना लग जाएगा, ये काय काय का टाइम है इंडिया में पैसा मंगवाने का, तो 6 का तुझे 7 महीना लग रहा है ना, यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनी कंपिटेंट अथॉरिटी जो फॉरेन करेंसी में डील करती है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, जो भी फॉरेन करेंसी में डील करते हैं उनका परमिशन लेके। तो सी ये फॉरेन के यहाँ पे कैन यू सी एक तारा बनाया हुआ है, मतलब फॉरेन रॉयल्टी में ये कंडीशन है। ओके तो ये देखो पूरा फॉर्मूला देखना, 3 लाख तो फिक्स्ड है और दूसरे में एक्चुअल अमाउंट जब लिखेंगे ना इंडियन रॉयल्टी का तो जो है वो ले लो, फॉरेन रॉयल्टी अगर क्वेश्चन में 4 लाख दिया है लेकिन बोला है इंडिया में खाली 20,000 ही आया है तो 20,000 ही लेना। अरे इंडिया जैसे एग्जांपल देखो, इंडियन रॉयल्टी दिया 2 लाख ले लो पूरा 2 लाख, फॉरेन रॉयल्टी बोला 2 लाख लेकिन इंडिया में खाली 20,000 आया है तो 20,000 ही लेना। तो फिर क्या हो गया, इंडियन रॉयल्टी 2 लाख पूरा लिया, फॉरेन रॉयल्टी 2 लाख होते हुए भी 20,000 लिया, तो ये तो 2,20,000 हो गया ना, और कंपेयर भी 3 लाख तो विचर इज लेस 2,20,000 उतने का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन ये मगजमारी ना डिडक्शन के टाइम करना है, ऊपर जब इनकम में डालते हैं ना उसको तो पूरा ही डालना है, चाहे वो फॉरेन की रॉयल्टी इंडिया में आई हो कि ना आई हो, इंडिया के बाहर रॉयल्टी तो मिल रहा है ना तो पूरी इनकम डालनी पड़ेगी। सी इधर ये देखो मैंने लिखा भी फुल, ऊपर फुल डाल, डिडक्शन के टाइम नाटक चालू कर दे। और नाटक भी क्या है, इंडियन रॉयल्टी में तो नाटक ही नहीं है, फॉरेन रॉयल्टी वाला तो चेक करो, इट शुड बी ब्रॉट इन इंडिया विद इन सी विद इन 6 मंथ, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आया तो भी चलेगा, ईयर एंड होने के बाद 6 महीने तक आया तो भी चलता है, मैं तो बोलता हूँ 6 के बाद 7वें 8वें महीने में आया तो भी चलेगा अगर परमिशन लेके लाया होगा तो। वो क्वेश्चन में ये लोग डिटेल देंगे उसकी चिंता मत कर। ओके तो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया, 3 लाख एंड एक्चुअल में इंडियन रॉयल्टी फुल एंड फॉरेन रॉयल्टी ब्रॉट इन इंडिया वाला, फिर इन दोनों में से विचर इज लोअर वाला डिडक्शन इधर मिलता है। ऐसा सेम इधर भी है पेटेंट्स में, सब सेम है, अरे नया दिख रहा है लेकिन मैंने कॉपी पेस्ट किया है, ये पिछले स्क्रीन में से मैंने पूरा कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ये सेक्शन अलग है, ये ATRRB है, दिस इज फॉर पेटेंट्स, लेकिन पेटेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। खैर वो तो कोई भी इन्वेंशन करता है अपने इन्वेंशन को रजिस्टर करवाता ही है, लेकिन बाय चांस बोल दिया अनरजिस्टर्ड पेटेंट है तो फिर उसकी रॉयल्टी को ऊपर डाल तो दो, नीचे नहीं माइनस करने मिलेगा, नीचे माइनस करना पेटेंट शुड बी रजिस्टर्ड, और नीचे माइनस करने का फॉर्मूला क्या है, वही 3 लाख एंड एक्चुअल इंडियन रॉयल्टी प्लस एक्चुअल फॉरेन रॉयल्टी विच इज ब्रॉट इन इंडिया, तो QQB RRB हो गया। और पता है इधर असेसी रेसिडेंसी है, मैंने क्या बताया कहाँ कहाँ रेसिडेंसी है, ATU DD DDB QQB RRB, ये QQB RRB चल रहा है, इन सब सेक्शन में असेसी रेसिडेंट होना चाहिए, तो चेक करना ये रॉयल्टी कमाने वाला बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। फिर है ना इंटरेस्ट इनकम के 2 सेक्शन है, सी पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का आया था, वो जो ई वाला झूंड था ना, ई वाला सिंगल ई डबल ए डबल ई बी, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था, अभी इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वाला इंटरेस्ट इनकम। सी ऑलरेडी इंटरेस्ट इनकम का एक डिडक्शन था ना इंटरेस्ट ऑन NSE, अरे लम पेंटर्स ATC में था ना, NSE का इंटरेस्ट मिलता है ना तो पहले IFOS में डाल फिर नीचे माइनस कर, वो था ही। अब है ना 2 और इंटरेस्ट इनकम है, एक ATTTA और एक ATTTB, फर्क क्या देखो, ATTTA में डिडक्शन कब मिलता है, अगर तुम्हारा बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट है, बाहर करो सेविंग्स अकाउंट या बैंक या पोस्ट ऑफिस, तो पहले उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में शामिल करो, इनकम को पहले इनकम में लेना तो पड़ता है ना, और फुल मतलब फुल, लेकिन माइनस करते हैं लिमिट है मैक्सिमम 10,000। ओके और ये खाली जवान लोग के लिए सेक्शन है, बुढ़े लोग का सेक्शन ही अलग है, ATTTA जवानों का सेक्शन है, अमाउंट कितनी है 10,000, लेकिन अगर बुढ़ा हुआ ना तो ATTTB वो 10 के बदले 50, और बुढ़ों का तो कोई भी अकाउंट चलेगा, इधर जवानों के लिए कैसे सेविंग्स 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 सेविंग्स
बुड्ढों के लिए कोई भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट, और बुड्ढों के लिए 10 थी 50 50 50, जवानों का टीटी है, बुड्ढों का टीटीबी, ये देखो टीटीबी भी हो गया। टीटीबी में सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए कि कोई भी अकाउंट चलेगा, कोई भी अकाउंट। लेकिन देख रहे हो ये बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले अकाउंट ही है, इधर भी देख बैंक और पोस्ट ऑफिस, इधर भी बैंक और पोस्ट ऑफिस, लेकिन जवानों में सेविंग्स अकाउंट था, बुड्ढों का कोई भी अकाउंट चलेगा। और बुड्ढों को तो 50,000 तक डिडक्शन मिलता है, और बुड्ढा मतलब सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स एंड अबव प्लस रेसिडेंट होना चाहिए। टेल मी, क्वेश्चन में ऐसा दिया है एक 90 साल का आदमी है लेकिन NRI है, तो उसको सीनियर वाली इज्जत ही मत देना, हमारे लिए वो जवान आदमी है। इनकम टैक्स वाले सीनियर कब बोलते हैं, उम्र से भी 60 और मोर, और स्टेटस भी रेसिडेंट होना चाहिए। तो कोई 90 साल का आदमी भी दिख जावे ना लेकिन नॉन रेसिडेंट है तो उसको सीनियर बोलना ही मत, और सीनियर नहीं है मतलब अपने लिए जवान है, और जवान लोग को तो सेविंग्स अकाउंट का ही मिलता है। ओके, तो इधर केयरफुल रहना, जवानों का सेविंग्स, बुड्ढों का कोई भी अकाउंट चलेगा। जवानों को 10,000, बुड्ढों को 50,000, लेकिन अकाउंट कहाँ होना चाहिए, बैंक या पोस्ट ऑफिस में। लेकिन इसको पहले इनकम की तरह घुसेड़ दो ऊपर, फिर नीचे माइनस करना पड़ता है। ओके, अब एक सेक्शन बचा अपना, कौन सा, ATG, ATG का सेक्शन बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका। ओके, अबे ना ATG में पहले तो डोनेशन की बड़ी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट अपने को याद रखनी पड़ेगी। देख रही लिस्ट, और लिस्ट भी एक नहीं दो लिस्ट है, एक लिस्ट को बोलते हैं लिस्ट ऑफ अनलिमिटेड डोनेशंस, और एक को बोलते हैं लिमिटेड डोनेशन। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इस लिस्ट में तेरे को जितना डोनेट करना है कर, गवर्नमेंट अलाउ करेगी, लेकिन एक डोनेशन ऐसा ना उसका डिडक्शन 50% ही मिलेगा। मतलब लिमिट, अनलिमिटेड मतलब तू करोड़ रुपया डोनेट किया तो भी चला लेंगे, लेकिन डिडक्शन 50% ही मिलेगा, लेकिन वो एक डोनेशन ऐसा है, और बाकी सब के लिए 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अनलिमिटेड क्यों बोला, चाहे उतना डोनेट कर, डोनेट करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो नीचे एक और लिस्ट आएगी ना, उसमें अपने को एक लिमिट तक ही डोनेट करना अलाउड है। मतलब एक तो लिमिट तक ही डोनेट कर सकते हैं, फिर उस लिमिट में भी 50% हो जाता है बहुत बार। कैन यू सी इधर L 50% लिखा है, डिटेल में बताऊंगा, खाली मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि ये पहली लिस्ट में कैसा है, चाहे उतना डोनेट कर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक डोनेशन के लिए तेरे को 50% देंगे, बाकी सबका 100%। और लिमिटेड कैटेगरी में क्या है, पहले तो एक लिमिट तक ही डोनेट करने का, फिर उसमें भी आधा हो जाता है डिडक्शन, ये दिख रहा है 50%। तो सी इसका कीवर्ड क्या है, उनमें पानेक जलमा GS, तुम लोग पता, इधर एक भारी अमेंडमेंट आया है। पहले ना इधर कुछ डोनेशंस थे, जिन लोग ने पहले अटेम्प्ट दिया पता है, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये जो कांग्रेस के लीडर लोग के नाम से जो डोनेशन था ना, कैंसल हो गया अभी, क्योंकि मोदी ने क्या बोला है, ये क्या राजीव गांधी के नाम का डोनेशन है, ये क्या जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नाम का डोनेशन क्यों, मतलब किसी आदमी के नाम से डोनेशन क्यों होना चाहिए, होना है तो ऐसे होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सो एंड सो फंड, प्राइम मिनिस्टर को राजीव गांधी जवाहरलाल नेहरू, तो बंद कर दिया। नहीं तो सी नवंबर 2023 तक है ना, ये डोनेशन का भी डिडक्शन मिलता था, किसका, राजीव गांधी फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। अब अगर ये लोग सब में कभी दिख जावे ना, चौकड़ी मार देना, इग्नोर। ओके, वो कैंसल ही हो गया, अभी डिडक्शन मिलता ही नहीं उसका। अब किसका मिलता, देखो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये डी दिख रहा है, डी फॉर ड्रॉट, क्योंकि सी प्राइम मिनिस्टर तो इधर भी आने वाला है, लेकिन ये क्या था, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, तो ड्रॉट मतलब सूखा, तो ड्रॉट रिलीफ फंड दिया तो 50% लेना, बाकी कोई भी प्राइम मिनिस्टर के नाम से देगा 100%। अब बाकी क्या क्या है, इधर देखो बता रहा हूं, कैन यू सी, ये पी भी प्राइम मिनिस्टर है, कांट प्राइम मिनिस्टर कांट, जबकि अपना मोदी कैन, लेकिन इधर कीवर्ड क्या, प्राइम मिनिस्टर कांट।
तो उसमें देखो सी फॉर प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, एक फंड है, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, और केयर्स भी शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या ना केयर्स का, देखो प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का फुल फॉर्म है सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। अरे केयर्स का लंबा फुल फॉर्म है, इससे इन लोग क्या केयर्स ही बोलते केयर्स, और वैसे भी अपना प्राइम मिनिस्टर हमारी केयर कर रहा है ना, तो केयर्स, लेकिन एक्चुअली केयर्स का मतलब क्या बताओ, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, असिस्टेंस एंड रिलीफ, मदद और राहत इन इमरजेंसी सिचुएशन, तो इसको बोलते हैं पीएम केयर्स फंड। ये क्या पढ़ा है मैंने, कांट का सी। फिर एक और है प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आर्मेनिया इज अ प्लेस इन रशिया, तो प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। फिर एन फॉर नेशनल रिलीफ फंड, टी फॉर सुनामी, सुनामी की स्पेलिंग टी से आती है, मैं सबके डिटेल में, खाली तुम लोग नाम याद रख लो ना, प्राइम मिनिस्टर का ड्रॉट आया ना तो 50%, फिर प्राइम मिनिस्टर का और कुछ आया लाइक प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक, आर्मेनिया रशिया की जगह है कोई, फिर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर सुनामी रिलीफ फंड, सब प्राइम मिनिस्टर देख के 100 कर देना। फिर अफ्रीका दिख रहा, ए पे आ गया मैं, ए फॉर अफ्रीका पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन फंड, अफ्रीका क्वेश्चन में दिखाना 100%। फिर ये दिख रहा एन, एन पे से नेशनल है, नेशनल के नाम पे कुछ भी दिखा 100%। फिर भी एक बार पूरी लिस्ट समझ लो क्या है, ऐसे इन लोग फालतू चीज देते भी नहीं है, नेशनल करके दिया है मतलब वो काम का है वो ही देंगे, बट फिर भी क्या भरोसा, नेशनल बोल के कोई फालतू डोनेशन दे दे तो मत ले लेना। नेशनल ये दिख रहा है एन फॉर नेशनल है, नेशनल के नाम पे देखो कितने डोनेशन है, 8, गिन के देखा 8 है। CBI STD उसमें सी 2 है, BISTD उसका फुल फॉर्म सुनो, CBI में सी फॉर कम्युनल हारमोनी, कम्युनल मतलब दंगा फसाद, उसके लिए डोनेशन है। फिर सिख चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, एक नेशनल फंड फॉर कम्युनल हारमोनी, दूसरा चिल्ड्रन फंड, फिर नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, नेशनल इलनेस, CBI में क्या था, कम्युनल चिल्ड्रन ब्लड इलनेस, फिर STD का फुल फॉर्म सुना है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी डिफेंस ड्रग अब्यूज कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज ड्रग 2D था डिफेंस ड्रग, अरे मेन वर्ड बोल रहा हूँ, ये वर्ड देखा ना, अरे ATG है ये, तो डोनेशन देंगे और ऐसा सब दिखा मतलब ATG, और ये सब तो क्या सीधा 100% आता है, तो क्या क्या था देखो, नेशनल 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 8 बार बोला, CCBI STDD, 2 सी क्या थे, एक कम्युनल हारमोनी, फिर चिल्ड्रन वाला था, फिर CB ब्लड इलनेस, फिर स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी डिफेंस ड्रग अब्यूज, एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा हूँ लेकिन नाम में कुछ ऐसा है जैसे नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, ड्रग से याद आ जाएगा, नेशनल डिफेंस फंड डिफेंस। फिर हाँ ये जो स्पोर्ट्स के साथ है ना कल्चर भी है, STD में S क्या था, स्पोर्ट्स और कल्चर, तो मेरे को ये कीवर्ड बताओ ना इसके, खाली मेन मेन सी, पहला सी कम्युनल हारमोनी, दूसरा चिल्ड्रन था, फिर ब्लड इलनेस, स्पोर्ट्स और कल्चर, टेक्नोलॉजी डिफेंस और ड्रग अब्यूज को कंट्रोल करना, ये सब डोनेशन नेशनल वर्ड से चालू होते हैं। फिर ई देखो क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, मतलब ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल की है, IIT IIM ICAI, जो नेशनल लेवल की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दो। फिर चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का कुछ भी आया ना, एक्चुअली 2 है, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर, एक महाराष्ट्र का है अर्थक्वेक रिलीफ फंड, दूसरा आंध्र प्रदेश का साइक्लोन रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर दिखा 100% लेना है, ओके। फिर जलमा ये मैं सी पे आ गया था लास्ट, सी चीफ मिनिस्टर था, जलमा में जेड क्या है, जिला साक्षरता समिति,
जिला मतलब विलेज, साक्षरता मतलब एजुकेशन, विलेज एजुकेशन के लिए डोनेशन जमा हो रहा है, जिला साक्षरता समिति। फिर एल दिख रहा है, एल, एल का मतलब होता है ल्यूटिनेंट, ल्यूटिनेंट, इसको ल्यूटिनेंट भी बोलते हैं, लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं, ल्यूटिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड। सी ल्यूटिनेंट गवर्नर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर जैसा होता है, लेकिन स्टेट चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। लेकिन भारत में कितनी ऐसी जगह है ना, उसको हम स्टेट नहीं बोलते, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, जैसे दादरा नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सब को हम लोग स्टेट नहीं बोलते। सी महाराष्ट्र तो स्टेट है ना, स्टेट चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है, पूरा देश तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, लेकिन स्टेट्स चीफ मिनिस्टर के अंडर आता है। लेकिन कोई कोई जगह को हम स्टेट नहीं, क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी, और वहां का जो हेड होता है उसको बोलते हैं ल्यूटिनेंट। तो जैसे चीफ मिनिस्टर ने अपना फंड बनाया था ना, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो स्टेट का होता है ना, यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट। ये किधर पहुंचा था मैं, एल, एल फॉर ल्यूटिनेंट गवर्नर्स रिलीफ फंड। इन शॉर्ट ऐसे याद रखो, चाहे भारत का प्राइम मिनिस्टर हो कि किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो कि किसी यूनियन टेरिटरी का ल्यूटिनेंट गवर्नर हो, सब डोनेशन का डिडक्शन मिलता है। फिर जलमा में एम देखो, मेडिकल रिलीफ टू पुअर, गरीबों को मेडिकल रिलीफ देने वाला कोई फंड, बट स्टेट फंड होना चाहिए। खाली मेडिकल रिलीफ दे के पागल मत हो जाना, स्टेट गवर्नमेंट का बनाया हुआ फंड होना चाहिए फॉर मेडिकल रिलीफ टू पुअर। फिर जलमा में ए, आर्मी एयरफोर्स नेवी, एक फंड आर्मी के लिए, एक एयरफोर्स के लिए और एक नेवी के लिए, ये नाम से कोई फंड दिखा तो भी डिडक्शन मिलेगा, आर्मी एयरफोर्स नेवी। फिर जी, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड, गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड। फिर दो जी है, क्लीन गंगा फंड, गंगा है ना, गंगा को मैली कर दिए लोगों ने, तो गंगा की साफ सफाई करने के लिए भी फंड जमा होता है, गंगा नदी बहुत प्योर नदी होती है भारत के लिए, तो क्लीन गंगा फंड। और एक जी था गुजरात। फिर एस का मतलब स्वच्छ भारत कोष, कोष का मतलब फंड होता है, फंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष। स्वच्छ भारत मतलब भारत की साफ सफाई करने के लिए फंड। तो ये क्या था, पानेक जलमा जी है, सब 100%, खाली 50% बात याद करो ना, ड्रॉट रिलीफ फंड आया तो 50%। फिर ये तो अनलिमिटेड था ना, लेकिन लिमिटेड कैटेगरी का कोडवर्ड देखोगे, एफ ओ चमाट, एफ ओ चमाट, ओके, चमाट मतलब लिटरली चमाट नहीं, सी एच एम टी है, सी एच एम टी, उसमें एफ है एक डोनेशन फैमिली प्लानिंग वाला है, एग्जैक्ट नाम पढ़ने मत जाओ, फैमिली प्लानिंग का कोई डोनेशन दिखा ना, मतलब ले लेने का इधर। लेकिन सी इसमें लिमिट क्या है मैं बाद में बताता हूँ, पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ ना, तो फैमिली प्लानिंग वाला। फिर ओ फॉर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन सी ओलंपिक एसोसिएशन को तो है ना कंपनीज लोग देंगे तो ही डिडक्शन मिलता है, और अपने एग्जाम में कंपनी का सम नहीं आता है, कोई इंडिविजुअल आदमी औरत का सम आता है, तो उन लोग के लिए इंडियन ओलंपिक वाला है नहीं, तो अपने एग्जाम में इंडियन ओलंपिक आएगा भी नहीं, ये खाली लिस्ट के अंदर है। तो एफ था फैमिली प्लानिंग वाला डोनेशन, ओ क्या था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, लेकिन ये डिडक्शन खाली कंपनीज को ही मिलता है। फिर चमाट में सी फॉर चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई डोनेशन दिया है, इन लोग बोलेंगे चैरिटी के लिए डोनेशन दिया तो समझ जाना, या चैरिटेबल ट्रस्ट लिखेंगे। वैसे हर स्टेट में कोई माड़ा जैसा बॉडी है, उसको बोलते हैं हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको डोनेशन दो ताकि वो लोग सस्ते सस्ते फ्लैट बना के लोगों को बेच सके। फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी मतलब हिंदू के अलावा सब माइनॉरिटी, हिंदू का तो मेजॉरिटी है ना भारत में, लेकिन हिंदू के अलावा मुस्लिम हो गया, पारसी हो गया, सिख हो गया, सिंधीज हो गया, ये सब अलग कम्युनिटी है, तो उन लोग का वेलफेयर के लिए कुछ डोनेशन है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी। फिर लास्ट में टी फॉर टेम्पल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनकी रिपेयरिंग के लिए डोनेशन दिया तो ही मिलता है। तुम मंदिर में खाली डोनेशन देकर ये बोल के भगवान मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवा दे, उसका नहीं मिलता है, मंदिर की रिपेयरिंग के लिए दे, और मंदिर ही क्यों, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा और हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनकी रिपेयरिंग के वक्त डोनेशन दोगे तो ही मिलता है, ओके। तो एफ ओ चमाट में एक फैमिली प्लानिंग था, दूसरा क्या था, ओलंपिक एसोसिएशन, फिर चैरिटेबल पर्पस वाला डोनेशन,
हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस, गुरुद्वारा, हिस्टोरिकल प्लेसेस का रिपेयर्स एंड रिनोवेशन। अब इसमें लफड़ा क्या है, ये लिस्ट तो छोटी है लेकिन है बहुत टेंशन वाला। ये लिस्ट बड़ी थी लेकिन है बहुत पपलू, करना क्या है, ये लोग दिखेंगे तो 100% ले लो, ये दिखेगा तो 50%। इसका देखो कैलकुलेशन करने का तरीका, देखो मैंने एग्जाम्पल रेडी रखा है। मान लो मैंने सम सॉल्व किया और सम सॉल्व करके ना मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कुछ इतना आ रहा है, ओके, और है ना मैंने सारे डिडक्शंस माइनस कर दिए, एटी जी को छोड़ के मैंने सब कुछ माइनस कर दिया, तो उसके बाद आता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसका 10% इज द लिमिट। सी लिमिटेड डोनेशन मतलब लिमिट है ना, और लिमिट मतलब इससे ज्यादा डोनेशन देना है तो दे, लेकिन काउंट नहीं करेंगे हम, लिमिट तक ही काउंट करेंगे। और वो लिमिट का भी 50% हो जाता है। 50% कब होता है, चमाट है तो, एफ और ओ के लिए तो 100% है लेकिन चमाट वाला है तो 50%। लेकिन सी 50% बाद में, पहले जितना भी तूने डोनेशन दिया वो लिमिट तक ही होना चाहिए। तो लिमिट क्या है, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। अब पता है AGTI का जिक्र सेक्शन 80GG में भी हुआ था, 80GG था ना, घर नहीं है रेंट भरता है, उधर भी अपने AGTI निकाले थे। 80GG का फॉर्मूला याद है, HRA ऐसा था, 25% ऑफ AGTI था। तो उधर भी AGTI है, इधर भी AGTI। लेकिन सी तुम लोग है ना, पहले रिवीजन लेक्चर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, 80GG और जी एक साथ दोनों सम में नहीं आएंगे, बात खत्म। क्योंकि सी दोनों एक साथ सम में आ गए तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि 80GG में क्या रूल था, 80GG को छोड़ के सब माइनस कर दो तब आता है एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। AGTI का मतलब यही था ना कि सारे डिडक्शन माइनस कर दो, और 80GG पढ़ा था ने क्या बोला था, 80GG को छोड़ के सब माइनस कर दे, तो सब में 80G भी माइनस कर दो, बोलो 80G। और अभी 80G क्या बोल रहा है, 80G को छोड़ के सब माइनस कर, मतलब सब में 80GG भी आ गया। तो मतलब एक सब में 80G भी आ जावे और GG भी आ जावे तो कन्फ्यूजन क्या होगा, पहले किसको लेना है बाद में किसको लेना है। लेकिन एक बात बताऊं, ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा मैथमेटिकल तरीका है, लेकिन इन लोग एग्जाम में तुम्हारा मैथ्स टेस्ट नहीं करते, टैक्स टेस्ट करते। इसको सॉल्व कर सकते, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने पड़ते, लेकिन उसमें क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं तो रेगुलर लेक्चर में भी इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो रिविजन लेक्चर में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मतलब दिमाग में अगर ये चल रहा है ना कि सर अगर सब में 80GG भी आया, 80GB आया तो नहीं आएगा, बात खत्म। क्योंकि वो चीज़ सब में दोनों साथ में आ गई ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथ्स का बड़ा लंबा प्रोसीजर है, और उतना स्टडी मटेरियल में भी नहीं दिया है, कभी CA की एग्जाम में जिंदगी में नहीं आया। इससे दिमाग में से ये निकाल दो कि दोनों सन एक साथ आए, कौन दो, GG और जी। तो सी अभी मैं जी सॉल्व कर रहा हूँ, तो टेल मी ये 10% AGTI कैसे निकालो, बोल के ख़त्म करो, कैसे निकालोगे। पहले 5 8s का टोटल मारेंगे, वो हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फिर सारे सेक्शंस माइनस कर दो, 80C D D D सब कुछ माइनस कर एक्सेप्ट 80G, 80G को छोड़ के रख, मतलब फिर 80G को सॉल्व एकदम लास्ट में करने का, क्योंकि सब कुछ माइनस करना है सेवा 80G, तो उसको लास्ट में रखो। फिर ये देखो मेरा आंसर क्या आया था, ये हो गया AGTI, तो इसका 10% जितना ही मैं डोनेट कर सकता हूँ। सी पैसा मेरा, मैं चाहूँ तो करोड़ों डोनेट करूँगा, लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, हमारी कैलकुलेशन में तू इससे ज़्यादा डोनेशन किया तो नहीं काउंट होगा। तो टेल मी 10% निकाल, इसका कितना आता है, 65,000। तो ये देखो 65,000 मेरी लिमिट हो गई, और अब अपने को क्वेश्चन में लिखना चाहिए एक्चुअल डोनेशन कितना है। ये एक्चुअल डोनेशन है, ये क्या लिखा, FO चमाट, फैमिली प्लानिंग को मैंने 20,000 का डोनेशन दिया, ऐसा अज्यूम करो, फिर इंडियन ओलंपिक को डैश कुछ भी नहीं किया है, फिर चमाट दिख रहा, चमाट में क्या था, चैरिटेबल, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी,
माइनॉरिटी कम्युनिटी टेम्पल वेम्पल वो सबको डोनेशन कितना दिया 80,000। और सी ये सबको मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ मालूम है, क्योंकि ये लिमिट है ना, कोई अकेले एफ ओ सी एच एम टी की नहीं है, सब मिला के, मतलब तू इन सबको भी डोनेशन देगा ना 10% ऑफ ए जी टी आई से ज़्यादा नहीं हो सकता, तू सबको भी दे दे। तो देखो मैंने तो समय ऐसा लिया है, एक आदमी ने सबको डोनेशन दिया थोड़ा थोड़ा, और कुल कितना डोनेशन दिया उसने ऐड कर 20 + 80 कितना हो गया 1 लाख। तो गवर्नमेंट बोले तू तो बड़ा ही दानवीर है, 1 लाख दिया अच्छी बात है, दान देना अच्छा है, लेकिन हम काउंट नहीं करेंगे, हमारी लिमिट क्या है मैक्सिमम 10% ऑफ ए जी टी आई जो हर सम में अलग आएगा। मेरे सम में ए जी टी आई 6,50,000 है, तो 10% कितना हो गया 65,000, तो 65,000 लिमिट है, और लिमिट का मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो, कम हो तो कम लो। जैसे मान लो ये टोटल देखना जल्दी, ये टोटल खाली 10,000 ही आया होता, हाँ तो चलेगा कम, अरे 10,000 मतलब 65,000 से कम आया तो चलता ना, लेकिन मेरे एग्जाम्पल में कितना है 20,000, 80,000, 1,00,000 आ गया, तो ज़्यादा हो तो लिमिट में रहो। एक्चुअली सी विचर इज लेस फॉर्मूले बन गया ना, सी कभी भी इनकम टैक्स वाले बोलते ना ये लिमिट है लिमिट है, तो मनी मन फॉर्मूला बन जाता है विच एवर इज लेस। तो सी पहले क्या करना चाहिए, सबका टोटल मारो, कंपेयर करो 10% ए जी टी आई विच इज लेस आ गया। अब है ना अपना ये काम बाकी है, कौन सा मालूम है, 100% लू कि 50% लू। तुम लोग पता है कितने लोग गड़बड़ क्या करते है, इधर ही 100% 50% लेके डालते हैं, ये मत करना। ये देखो मैंने क्या लिखा है, इधर फुल अमाउंट डालना, सी 100% 50% बाद में होता है, सी इसका मतलब क्या लू मैं एल 50 लिमिट का 50, तो पहले लिमिट में तो आप पहले से 50% ले लिया तो गलत हो जाएगा। और लोगों की गड़बड़ यही होती है कि जब हम लोग ये सब चीज का टोटल मारते हैं ना तो उधर ही 50% लेके लेते हैं, ये प्लीज मत करना, सबसे बड़ा ब्लंडर है मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। इससे सी मैंने इधर फुल वर्ड को 3 बार लिखा, मैं ऐसा पागल नहीं हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस ने बताया कि बच्चा यही गड़बड़ करता है कि पहले से 50-50% ले लेता है। 50-50 किधर लेना होता है, सी एच एम टी, खैर फैमिली प्लानिंग में तो वैसे 100% है, लेकिन इधर गलती से 50% ले लिया लफड़ा हो जाएगा ना। तो सी पहले जब हम लोग टोटलिंग कर रहे होते हैं ना तो फुल अमाउंट ले लो एंड फिर उसको लिमिट से कंपेयर करो। अब हम लोग लिमिट में आ गए ना, अब हम लोग 150% लेंगे, लेकिन सी अपना 65,000 पे 100% का लिमिट लागू होगा कि 50 वाला। कंफ्यूजन क्यों है मालूम है, क्योंकि मैंने फैमिली प्लानिंग को डोनेशन दिया है तो 100% वाला है, और चमाट को डोनेशन दिया हो 50% वाला है, और ऐसा होता है ना क्या मैंने फैमिली 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 प्लानिंग को दिया है तो मैं इसका 100% ले लेता, और ऐसा होता ना कि मैंने खाली चमाट 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 को ही डोनेशन दिया है तो उसका 50% ले लेता, लेकिन मैंने तो दोनों को डोनेशन दिया है, मैंने तो दोनों का रस चखा है 100 वाला भी 50 वाला भी, तो मुझे इसका बाइफोकेशन करना पड़ेगा और फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली प्लानिंग को दो, क्योंकि उसका 100% डिडक्शन मिलता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 20,000 को खींच लूँगा, ये 20 कहाँ से है, फैमिली प्लानिंग वाला वो ले लो, क्योंकि उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। बचा कितना, अरे 65 में से 20 गया तो 45,000 बचा ना, बचे हुए 45,000 का इंटू 50% करना पड़ेगा। चमाट को डबल चमाट पड़ती है ना, मतलब चमाट का डोनेशन पहले तो 80,000 था, वो सिकुड़ के 45 हो गया, फिर उसको भी आधा कर दिया, अरे 45 समझाने कैसे आया। तो सी अपने डोनेशन तो 1,00,000 का दिए थे, लेकिन लिमिट के हिसाब से 65 भी आएगा, लेकिन उसमें से मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ फैमिली प्लानिंग का पूरा कवर हो गया, ओके, एंड फिर बचा हुआ 45,000 चमाट वाला था, उसको 50% डिडक्शन मिलेगा। ये देखो मैंने सॉल्व भी किया, इधर देख ही लो ना, इधर ये देखो, देखा कैसे सॉल्व किया, दिख रहा है, फैमिली प्लानिंग का फुल ले लिया है ना, और चमाट का 45,000 था लेकिन 50%, तो आंसर क्या है फिर 42,500 आ रहा है ना, 42,500 ये अमाउंट इधर माइनस हो जाएगा, कहाँ, एटी जी में।
एटीजी का कैलकुलेशन ऐसे होता है. ओके ओके, मुझे आंसर देना, मैं चेंज कर रहा हूँ. लुक यार, ये फैमिली प्लानिंग का कितना था मेरे सम में? 20,000 था ना. बाय चांस ये 80,000 होता और चमाट वाला अमाउंट 20,000 होता. मतलब फैमिली प्लानिंग को मैंने 80,000 दिया है और बाकी जो चमाट वाले डोनेशन को 20,000 दिया है, तो क्या करेंगे? फैमिली प्लानिंग 80 है, फिर तो ये पूरा 65 है ना, फैमिली प्लानिंग में डाल दो. ऐसे तो फैमिली प्लानिंग का 80,000 है, लेकिन लिमिट में रहो, 65 में ही एडजस्ट होना पड़ेगा, तो 65 पूरा फैमिली प्लानिंग में डाल दो. तो चमाट को मिलेगा ठेंगा, कुछ भी नहीं आएगा. फिर 65 दूंगा तो 100% फुल 65 दूंगा डिडक्शन मिल जाएगा. अरे मतलब ये बाइफर्केशन जो कर रहे हैं ना लास्ट में, तो कई बार तुम लोग पाओगे कि फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ठीक है ना, फिर तो पूरा 65 को फैमिली प्लानिंग की तरफा ले लो और उसका 100% आ जाएगा. लेकिन मेरे सम में तो खाली 20 ही था ना, तो ठीक है 20 है तो 20 सही. हो सकता है फैमिली प्लानिंग था ही नहीं, जीरो था, तो जीरो आएगा इधर. मतलब पहले फैमिली प्लानिंग की तरफ खींच, कमती है तो कमती खींच, लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग है तो पूरा ही खींच ले फैमिली प्लानिंग की तरफ. फिर बचे कुचे का 50% करना है. मतलब फॉर्मेट ही फिक्स कर दो ना, कभी भी एफओ चमाट वाले डोनेशन दिखे ना, क्या करोगे बताओ? पहले तो मेन स्टेटमेंट में उसको मत सॉल्व करना, वर्किंग नोट बनाना. ये देखो मैं सम सॉल्व किया, दिखाऊं कैसा किया. देखो ये अपना मेन स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद देखो मैंने क्या किया है, लिमिटेड कैटेगरी के डोनेशंस का वर्किंग नोट बनाया है. और वर्किंग नोट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? ऐसा वाला वर्किंग नोट का फॉर्मेट रट लो. क्या करेंगे? पहले फैमिली प्लानिंग, इंडियन ओलंपिक तो आएगा नहीं अपने एग्जाम में, वो कंपनी लोग का है. फैमिली प्लानिंग, इंडियन ओलंपिक, चैरिटेबल, हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, टेंपल, चर्च वगैरह के पूरे पूरे अमाउंट इकट्ठे कर लो. 50% मत लेना, पूरा टोटल कर देना. कंपेयर द टोटल विथ 10% ऑफ AGTI. AGTI क्या होगा मैं अपने सारे डिडक्शन माइनस करके जो आंसर आएगा उसका 10%, फिर एक्चुअल और 10% में से विचर इज लोअर निकालना. फिर उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तरफ फैमिली प्लानिंग को खींच लो, जितना आवे उतना ले लो. फैमिली प्लानिंग का भरपूर अमाउंट है तो पूरा ही ले लो, थोड़ा बहुत है तो थोड़ा ले लो, नहीं है तो मत लो. फिर बैलेंस को 50% कर दो. इस तरह से ATG लिमिटेड कैटेगरी का कैलकुलेशन होता है. ओके अब है ना, ये जो 10% मैंने निकाला था ना, इसमें एक अच्छा पॉइंट है. मैंने 10% कैसे निकाला था? AGTI का ना, AGTI मतलब एडजस्टेड ग्रॉस टुडे इनकम. लेकिन सी इसमें एक रूल है, AGTI में से ना तीन चीज को हटा दो फिर 10% निकालो. ये जो AGTI आता है ना अपना, कितना आया था मेरे एग्जाम्पल में? 6,50,000. इसमें से तीन इनकम को हटा के फिर 10% निकालना पड़ता है. पता है कौन सी तीन इनकम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A. वो क्या मालूम है? इक्विटी शेयर्स बेच के शॉर्ट टर्म आता है ना, जिसमें STD बढ़ते हैं तो 15% टैक्स आता है, वो वाला. ये टैक्स रेट्स का टॉपिक मैं लूंगा बाद में, बता दूँ, लेकिन सुना तो होगा, रिविजन लेक्चर है ना. तो आई रिपीट, ये 6.5 लाख में से कौन सी तीन इनकम को हटा दोगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A. शॉर्ट टर्म अंडर 111A इक्विटी शेयर्स का है, लॉन्ग टर्म 112A वाला भी इक्विटी शेयर्स का है, और सादा लॉन्ग टर्म गेन भी हटा दो. अरे लॉन्ग टर्म को हटा ही दो, इक्विटी शेयर्स का हो गया अदर्स हो, ये तीन. और सुनो, हटाओ मतलब जल्दी स्क्रीन पर देख, स्टेटमेंट में से मत हटाना. स्टेटमेंट में तो सभी इनकम को प्रवेश देना पड़ेगा, लेकिन जब वर्किंग नोट करेंगे ना, तो वर्किंग नोट में 10% निकालते टाइम ये जो AGTI आएगा ना, इसमें वो लोग तीन घुसे हुए रहेंगे. कौन तीन लोग? शॉर्ट टर्म अंडर 111A, लॉन्ग टर्म अंडर 112A, सादा लॉन्ग टर्म, ये घुसा हुआ रहेगा 6.5 लाख में. तो घुसावा रहने देना, मेन स्टेटमेंट में घुसावा रहने देना,
लेकिन जब वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो उसको हटा के 10% निकालना। दिखाओ एक सम, ये देखो ये एक सम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जान दो ना, इस सम में ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था। तो सी पहले अपने 5 heads ऑफ इनकम लिखते हैं ना, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैंने लिखा है। सी मैंने वो जो अभी बोला 3 चीज को हटाओ, मेन स्टेटमेंट से मत हटाओ, वर्किंग नोट में हटाओ। तो इधर देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को इज्जत पूर्वक रखा है। कौन से 3 लोग थे? शॉर्ट टर्म 111A, लॉन्ग टर्म 112A और सादा लॉन्ग टर्म। ये तीनों को इधर रहने देना GTI में। फिर ये देखो मैंने क्या किया है, ये देखो देख लो ना एक बार। ये 3 लोग तो बोलते ना 3 section 1 jaan, तीनों इकट्ठे ही रहते। फिर ATD था सम में, जाने दो कैसे आया था, सम थोड़ी सॉल्व कर रहा हूँ। GGA सब कर दिया। अब देखो सिर्फ ATG जब बचता है ना तो आंसर को क्या बोलते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सी इसके अंदर लॉन्ग टर्म घुसा पड़ा है, तो इधर तो घुसा हुआ ही रहेगा ना यार। मेन स्टेटमेंट में तो सब इनकम घुसी पड़ी रहती है, मतलब इसके अंदर लॉन्ग टर्म घुसा हुआ है। लेकिन अपने जब वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो उसको अलग कर देंगे। वर्किंग नोट में कैसे आएगा बताओ, 10% कैसे निकालूंगा बताओ? 1,247,000 में से जो 2,50,000 का लॉन्ग टर्म घुसा पड़ा है ना उसको हटा दो, हटा के 10% निकालना है। ये दो मैंने इधर किया हुआ है, देख जरा, देख तो सही, देख के समझ आओ ना। ये 1,247,000 क्या था मेरा एक्चुअल AGTI था, वो तो आंसर आया था, आएगा है ना अपना ATG के जस्ट पहले वाला आंसर। तो इसमें ये जो घुसा पड़ा था उसको मैंने लेस किया है, ये देखो लेस, खाली इधर वर्किंग में दिखाया था। और ये 2,50,000 जो लॉन्ग टर्म है ना, ये एक नहीं ऐसे 3 चीज लेस कर दी है। सादा लॉन्ग टर्म अंडर 112 है और शॉर्ट टर्म अंडर 111 है। ये तीनों चीज को हटा के 10% निकालना है। तो सी फिर मेरा 10% 99,700 आ गया। फिर इसका करते क्या है, कंपेयर विद एक्चुअल अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट तो एफओ चवाट के एक्चुअल डोनेशन है, वो देखो फुल अमाउंट लेना पड़ता है। फिर दोनों में से लोअर क्या है, 99,700, उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया है मैंने, फैमिली प्लानिंग। देख सम में फैमिली प्लानिंग कितना है, 19,000, तो पूरा ले लिया। फिर 99,700 में से 19,000 हटा दिया तो बैलेंस कितना बचा, 80,700, उसका 50% करना पड़ता है। 50% ऐसे अंत में करते, स्टार्टिंग में तो फुल अमाउंट लेते हैं, लेकिन ये वर्किंग नोट बनानी ही पड़ती है और उस वर्किंग के अंदर ये तीनों को हटाना है। मैं स्ट्रेस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा बच्चे लोग क्या करते हैं, अपना जो मेन स्टेटमेंट है ना उसमें लेते ही नहीं है। अरे उसमें क्यों नहीं लेगा, उसमें तो एक को एक इनकम चुन चुन के डालनी पड़ती है। लेकिन जब ये वर्किंग बनेगी ना तब अपने को ऐसे माइनस करके 10% निकालना चाहिए। ओके एक बार ये प्रेजेंटेशन देख लो, ATG कैसे किया है। मैंने अनलिमिटेड वाले अलग से लिखे, लिमिटेड वाले का नोट बनाया था। सी अनलिमिटेड कैटेगरी मतलब वो पाने जलमा GS, उसका नोट बन बनाओ, मतलब कौन से डोनेशन, ये वाले। ये तो सब में जैसे जैसे आएंगे ना वैसे कॉपी करते हो। ये देखो मैंने क्या किया है, मेरे ये जो सम है ना इसमें PM केयर्स फंड था और एक ड्रग अब्यूज वाला डोनेशन था और एक ड्रॉट था। ड्रॉट का मतलब 50% होता है, 50% लिया है मैंने। मतलब अनलिमिटेड के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी डोनेशन दिया लाइन से एक एक करके लिखते जाओ और इनर कॉलम में इकट्ठा करके टोटल आउटर कॉलम में लेना और सब 100% लेना, खाली ड्रॉट वाले का 50 है। लेकिन लिमिटेड कैटेगरी का इधर मेन आंसर आएगा और उसकी वर्किंग अलग से बनानी पड़ेगी इस तरह से। ओके तो सी अपने रिविजन लेक्चर है, सम तो डिटेल में सॉल्व नहीं हो, लेकिन सम देख के आइडिया तो आ गया ना। सॉल्व भी करवाता तो क्या सॉल्व करता था, ऐसा ही दिखता ना सॉल्यूशन। तो ATG हो गया। ATG में याद रहा, डोनेशन इन काइंड हुआ तो नॉट अलाउड ना। अरे दाल चावल कपड़े लगते किसी को डोनेशन दे दिए है ना, पैसा डोनेट करना पड़ता है, वो भी 2,000 तक तो कैश चलता भी है, 2,000 के ऊपर एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। ओके अब देखो इस चैप्टर का ये लास्ट चीज देखना, ये देखना, 4 ऐसी इनकम है ना जिनको चैप्टर 6 से नहीं मिलता है। कौन सी 4 इनकम,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111 है, मतलब इक्विटी शेयर्स बेचने का शॉर्ट टर्म गेन है जिसपे 15% टैक्स आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है, ये भी इक्विटी शेयर्स का लॉन्ग टर्म है, इस पर 10% टैक्स आता है। अदर लॉन्ग टर्म गेन्स जिसपे 20% टैक्स आता है, और विनिंग्स जिसपे 30% टैक्स आता है। इन चारों को लॉ ने बोला है आपके लिए चैप्टर 6 से नहीं है। हमने चैप्टर 6 से का बड़ा टॉपिक खोला है ना, वो दूसरी इनकमों के लिए खोला है, दूसरी मतलब इनके अलावा दूसरी इनकम को क्या बोला है। आप लोग चैप्टर 6 से के द्वारा कट पीट के छोटे भी हो सकते हो, लेकिन इनको बोला है तुम कभी भी लेस नहीं हो सकते। तो सी इन लोग एमसीक्यू में कभी ऐसा डाल दे ना, ये देखो एक आदमी के पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 20 लाख का, और उसने पीपीएफ में पैसा डाला है 1 लाख। तो जिसको नॉलेज नहीं है क्या करेगा, ये पीपीएफ में पैसा डाला है लम पेंटर्स एटीसी ले लेगा। लेकिन भाई उसके पास लॉन्ग टर्म गेन है, और लॉन्ग टर्म गेन को एटीसी कुछ नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन रिपीट करो, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख दिया है और पीपीएफ पे 1 लाख डाला है, तो पीपीएफ पे डाले वाला इग्नोर कर देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 लाख पूरे पे टैक्स आएगा। समझा, टैक्स कैसे निकालना है मेरा अगला चैप्टर वही है। अगले चैप्टर में मैं टैक्स कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ, ओके। लेकिन अभी मुझे ये बोलना था, कभी भी ये लोग दिखे ना तो इसके सामने तुमको चढ़ाएंगे इन लोग, क्या डाल के एटीसी का कुछ डाल देंगे, हैंडीकैप बना देंगे एटीयू, ऐसा कुछ ना कुछ तुमको उकसाएंगे, और हम लोग क्या उनके बहकावे आके डिडक्शन ले लेंगे। लेकिन मत करना, इतना ज़्यादा स्टार क्यों किया, क्योंकि लोगों को याद ही नहीं आता ये पॉइंट, ओके। चैप्टर 6 का टॉपिक खत्म हो गया है, इसका देखो एकदम सुपर रैपिड रिकैप इधर से हो सकता है, देखो एकदम भारी रिकैप इधर से होगा, एकदम स्टार्टिंग में था ना अपना, एक बार उसको वापस देखना पड़ता तो क्या एक कॉन्फिडेंस आता है। देखो इधर गया, हाँ चैप्टर 6 के ग्रुप्स बता, ग्रुप्स एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था, सब सी वाले लोग हैं, सब सी वाले, और एक ग्रुप था हेल्थ रिलेटेड, ये सब डी वाले थे, लेकिन एक यू भी था, डी यू टाइप्स लोग है ना। फिर एक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था, एक्सपेंडिचर वो ई वाला ग्रुप था, फिर डोनेशन का सब जी वाला ग्रुप था, फिर रॉयल्टी में क्यू क्यू बी आर आर बी, फिर इंटरेस्ट इनकम टीटी था, टीटी ए टीटी बी, फिर था अदर सेक्शंस, उसमें रेंट पेड और न्यू एम्प्लॉई लोग को रखा। तो और तुम लोग है ना, इधर तो मैंने कैसे किया लूँ, मैं खाली ऐसे सेक्शन का नंबर ही लिखा है ना, तुम लोग थोड़ा डिटेल्स बना दो, मतलब ये चीज़ को थोड़ा और डिटेल भी बना सकते हैं, जैसे इसके बाजू में लिख दो ये क्या था, जैसे मेडिक्लेम, ये क्या था हैंडीकैप एसेसी, थोड़ा इसको और डिटेल में करोगे अच्छी नोट्स बन जाएगी अपने, ओके। तो फटाफट बताओ क्या क्या था, सी ट्रिपल सी 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 डी वन तो अकेले अलग अलग करेंगे कि साथ में, लेकिन एटीसी में क्या क्या था, लंप एंटर्स आता है, ट्रिपल सी में पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी होगा, तो और सी सी डी वन में पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनपीएस, लेकिन वो 50,000 काट के बैलेंस वाला, और बैलेंस को भी सिकुड़ के लेना पड़ेगा, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, अगर नौकरी करने वाला नहीं है तो 20% ऑफ जीटीए आए, मतलब इसका 20% ना ये तो सी। और मेरे को अंदर अंदर किसकी किसकी लिमिट है बताओ, एटीसी में लंप एंटर्स में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिमिट में लेते, लाइफ इंश्योरेंस का मैक्सिमम 20%, 10%, 15% ऑफ सम अश्योर, मतलब एक्चुअली इसकी पूरी लिस्ट बनाते, और लिस्ट में सब लोग आ जाएंगे, लंप पेंटर्स वाले, पेंशन स्कीम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल, सब आएंगे, लेकिन लिस्ट बनाते टाइम लिमिट किधर किधर आती बताओ, लाइफ इंश्योरेंस का लिमिट में लेना पड़ता है, सम अश्योर का होता ना, और एटीसीसीडी वन भी लिमिटेड लेना पड़ता है। एटीसीसीडी वन ने पहले 50,000 काट दिया होगा, वो तो इधर चला गया एडिशनल डिडक्शन में, एंड फिर बाद में 50,000 काट के जो बचा है ना, वो बचा वाला अमाउंट भी लिमिट होता है,
जैसे 50,000 काट के अपने 40 बचा है, लेकिन 40 शेयर को भी लिमिट में लाना पड़ता है। वो लिमिट क्या है, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, और नॉन सैलरीड है तो 20% जीटी है, वो लिमिट करके लेना है। फिर इन सब का मिला के 150,000 डिडक्शन नहीं होगा। फिर सीसीडी 1B में वो एनपीएस का 50,000, और ये भी एनपीएस ही है लेकिन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो पहले ऊपर घुसेड़ने का फिर नीचे घटा देने का, लेकिन नीचे माइनस करते टाइम नॉर्मल एम्प्लॉय 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, ओके। फिर CCH1 एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड, पूरा अमाउंट आएगा इधर, और ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, जो पहले सैलरी में घुसेड़ने का फिर फुल अमाउंट माइनस होगा, फुल, इधर लिमिट ही नहीं है, ओके। अग्निवीर कॉर्पस फंड का नाम, अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये एम्प्लॉय का था, ये एम्प्लॉयर का था। फिर हेल्थ में ATD था, मेडिक्लेम, मेडिक्लेम का फॉर्मूला क्या था, एडिशनल डिडक्शन 25 ईयर सीनियर होगा तो, फिर सीनियर जूनियर बाकी सब का 25 और ले लो। प्रिवेंटिव हेल्थ का मेरा खानदान और माँ बाप का मिला के पूरा 5। फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर अनइंश्योर्ड सीनियर सिटीजन का मैक्सिमम 50,000, ऐसा मेरे लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स का अलग से करना चाहिए। फिर मेरी फैमिली का 50 और पेरेंट्स लोग का 50, टोटल 50-50 ले सकते, ओवरऑल 1 लाख। फिर ATU खुद हैंडीकैप थे तो 75,000, सीवियर डिसेबिलिटी 80% ओवर तो 1,25,000, और DD में खुद हैंडीकैप नहीं है, परिवार में कोई हैंडीकैप है, ओके, तो उधर भी 75,000 और 1,25,000 है। इधर हैंडीकैप नहीं, बीमार है, बीमार तो चाहे तू खुद है कि परिवार में, कोई भी बीमार हो मैक्सिमम 40, और मरीज सीनियर सिटीजन मैक्सिमम 1 लाख, और लिमिट में आने का रिकवरी लेस कर दो, बॉस से कुछ रिकवरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से हो तो, है ना। फिर हेल्थ के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, सिंगली एजुकेशन लोन, डबली हाउसिंग लोन 16-17 में लिया होगा तो, और एक और डबल ई ए 19-22 में हाउसिंग लोन लिया है तो, और EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन, लिमिट इधर फुल अमाउंट था, इधर मैक्सिमम 50, इधर मैक्सिमम 1,50,000, इधर भी मैक्सिमम 1,50,000 था। फिर डोनेशन में क्या था, ATG पानिक जलमा GS है तो फुल डिडक्शन मिलेगा, ड्रॉट का 50%, बाकी सब का फुल, और FO चमाटे तो उसका वर्किंग नोट करते। फिर GGA रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट का डोनेशन है, फुल अमाउंट, लेकिन असेसी बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करने वाले को बिजनेस में ही डिडक्शन मिल जाता है, नॉन बिजनेसमैन होना चाहिए ATGGA के लिए। फिर GGB पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी देगी तो, और ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट नॉन कंपनीज लोग देंगे तो, ओके। फिर रॉयल्टी में पहले इनकम में डाल दो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में रॉयल्टी घुसेड़ो, फिर माइनस कितना करना है, बुक्स की रॉयल्टी होगा तो QQB, पेटेंट का रॉयल्टी है तो RRB, और लिमिट क्या है 3 लाख, और कंपेयर विद एक्चुअल इंडियन रॉयल्टी पूरा, और फॉरेन रॉयल्टी जो ब्रॉट इन इंडिया है वो, फिर विचर इज लेस, 3 लाख और एक्चुअल विचर इज लेस, लेकिन एक्चुअल में इंडियन रॉयल्टी पूरी ले लो, फॉरेन रॉयल्टी जो ब्रॉट इन इंडिया है वही, दोनों में फॉर्मूला सेम है, लेकिन QQB बुक्स की रॉयल्टी हुई तो, RRB पेटेंट रॉयल्टी है तो। फिर इंटरेस्ट इनकम बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले, यहाँ इसको भी पहले IFOS में घुसेड़ना पड़ता है, फिर लेस करते टाइम जवान आदमी है तो सेविंग्स अकाउंट का ही माइनस करने मिले 10,000, बुढ़ा आदमी है तो कोई भी अकाउंट होगा 50,000। फिर रेंट पेड, अगर घर नहीं है आपके पास तो HRA जैसा फॉर्मूला था ना, 25% ऑफ AGTI, 5,000 पर मंथ रेंट पेड माइनस 10% ऑफ AGTI विचर इज लेस, और AGTI का मतलब 5 वेट्स का टोटल, सारे डिडक्शन माइनस कर दो, GG को छोड़ दो, ओके, वो AGTI, और इधर AGTI में से वो 3 लोग को नहीं माइनस कर दिया, जैसे डोनेशन बता था ना, AGTI में से शॉर्ट टर्म अंडर 111A, लॉन्ग टर्म अंडर 112A, सादा लॉन्ग टर्म लेस करके फिर 10% निकालो, वो डोनेशन वाले सेक्शन में, GG वाले सेक्शन में जैसा AGTI आया पूरे का 10% भी था और 25% भी था, पहले वाले अमाउंट में 25% AGTI था, फिर 5,000 पर मंथ, फिर रेंट पेड माइनस 10% AGTI, लेकिन इधर वो 3 लोग को एक्सक्लूड नहीं करना है।
फिर न्यू एम्प्लॉय को रखा तो उसकी पगार 25,000 कम होनी चाहिए, 240 days और मोर एम्प्लॉयड होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर फुटवेयर अपैरल हुआ तो 150 days और मोर होना चाहिए। अकाउंट पे चेक से पेमेंट करना चाहिए, प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नेट इंक्रीज होना चाहिए। फिर उनकी जो पगार है उसका 30% डायरेक्शन इस साल मिलेगा, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 3 साल लगातार मिलेगा। असेसी टैक्स ऑडिट वाला असेसी होना चाहिए, खत्म। इतने सेक्शंस थे। एक मालूम है इधर कन्फ्यूजन क्या होता है परिवार वालों का, कहीं कहीं स्पाउस है, कहीं कहीं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो एक बार में बोल दूंगा ना मस्त याद हो जाएगा। देखो परिवार का मगजमारी किधर था में, ATC लंप एंड टस में ना 3 जगह 3 जन थे, लाइफ इंश्योरेंस यूलिप और PPF में, असेसी स्पाउस चिल्ड्रन कोई भी चलेगा। सी जिधर भी ऐसा स्पाउस चिल्ड्रन वो मैं गिना रहा हूँ, ऐसे गिन के याद करोगे क्या कॉन्फिडेंस आएगा देखना। ATC में पहले मगजमारी आई थी, वो भी पूरे लंप एंड टस में नहीं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यूलिप और PPF ये 3 जगह 3 जनों का चलता है। कौन 3 जन थे? असेसी स्पाउस और चिल्ड्रन। ओके यहाँ था और यहाँ कहीं पर भी नहीं था। इधर किटपिट थी, फिर किटपिट इधर आई थी। ATD में क्या था? मेडिक्लेम खुद का हो स्पाउस का हो, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स था ना, 4 लोग थे, खुद स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट। फिर इधर भी था, मालूम है घर में कोई हैंडीकैप्ड बीमार कौन होना चाहिए? स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट ब्रदर सिस्टर सबके सब डिपेंडेंट होने चाहिए। मालूम ऐसा था HDR बोलता था, हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव, बीमार डिपेंडेंट रिलेटिव, तो उधर तो सबके सब डिपेंडेंट चाहिए, लेकिन कौन? स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर। सी इधर सिंगल डी है ना, तो एक ही जन डिपेंडेंट चाहिए था चिल्ड्रन। डी वाले सेक्शन में डिपेंडेंट था, ऐसे याद रख, डी फॉर डिपेंडेंट, डी वालों में डिपेंडेंट का मच। और जिधर सिंगल डी है उधर एक ही जन का डिपेंडेंट चाहिए था चिल्ड्रन, लेकिन इधर तो डी डी भर भर के डी, तो सबके सब डिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन कौन कौन लोग थे? स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर। फिर एक इधर था एजुकेशन में पढ़ाई कौन करना चाहिए, खुद पढ़ स्पाउस पढ़े या फिर ऐसा चिल्ड्रन पढ़े या फिर स्टूडेंट फॉर हूम यू आर अ गार्डियन। बस इधर ही था, एक बार इसको ऐसा रिकैप कर लिया ना पूरा छप जाएगा देखो। और डिपेंडेंट का इधर भी नहीं था एजुकेशन लोन में, डिपेंडेंट डी वाले, अरे याद करना जिधर भी डी वाला सेक्शन है ना डिपेंडेंट चाहिए, और सिंगल डी है तो चिल्ड्रन चिल्ड्रन में डिपेंडेंट है, और जो डी 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 भर दिया सबके सब डिपेंडेंट होने चाहिए। तो एक बार और हो जाए, ATC में क्या क्या था? 3 जगह 3 जन, लाइफ इंश्योरेंस यूलिप और PPF में, असेसी स्पाउस चिल्ड्रन किसी का भी चलेगा। हो गया एक, हो गया एक। डी में क्या था? खुद का स्पाउस का डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स था, खुद स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स, इन दोनों में सेम था, सबके सब डिपेंड होने चाहिए। लेकिन एक हैंडीकैप डिपेंडेंट रिलेटिव था, एक बीमारी डिपेंडेंट रिलेटिव था, लेकिन इधर कौन कौन थे? स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, इधर पूरा फुल परिवार आ रहा है, स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, ये 5 लोग थे। ओके इधर 3 जगह 3 जन थे, इधर 4, इधर 5, उल्ले और एक शॉर्टकट बन गया। इधर 3 जन थे, इधर 4 लोग थे, कौन? खुद स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन पेरेंट्स। इधर 5-5 आइटम आ गई है, स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर, सबके सब डिपेंडेंट। और ATE में था बस, इसके अलावा एजुकेशन कौन पढ़ाई करेगा, खुद पढ़ स्पाउस को पढ़ा बच्चों को पढ़ा और स्टूडेंट फॉरम यू आर अ गार्डियन, और इधर डिपेंडेंट का मगजमारी था। इधर कंफ्यूजन होता है और कहीं था ही नहीं ऐसा। ओके और असेसी रेसिडेंट होना चाहिए कहाँ था? अरे कोई भी सेक्शन में RNR कुछ भी चलता है, लेकिन 5 सेक्शन में रेसिडेंट होना मस्ट है, UDD DDB QQB RRB, इन सब में रेसिडेंट असेसी लोग को ही डिडक्शन मिलता। ओके खत्म, Chapter 6 से खत्म हो गया। ओके ये पूरा अच्छी तरह रिवाइज करना, मैंने अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई, अच्छे अच्छे मेथड बताए,
इसको इमीजिएटली करके खत्म करोगे तो तगड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अभी थोड़े टाइम भी छोड़ दिया ना तो मेरी सारी बताई हुई टेक्निक मेथड सब वेस्ट जाएगा। ओके, प्लीज इसको साथ साथ रिवाइज करते जाओ। बाय, कल मिलेंगे। कल टैक्स लायबिलिटी का चैप्टर होगा, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस चालू हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी मतलब टैक्स कैसे कैलकुलेट, वो भी अच्छे अच्छे पढ़ने, एमसीक्यू में बहुत काम आता है टैक्स कैलकुलेशन। फिर बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस चालू हो जाएगा। ओके बाय। और ये नोट्स का जो एक्सचेंज, जो नोट्स है ना, ये नोट्स देख के किसी को यूज करने का मन हो रहा तो इसका मोबाइल ऐप में मैं एक्सेस देने वाला हूँ, है ना। मोबाइल ऐप में भी क्या है, मेरे को ग्रुप बनाना पड़ता है सब लोग का। व्हाट्सएप का तो ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब व्यूवर लोग का, लेकिन एक मोबाइल ऐप के अंदर भी ग्रुप बनाना पड़ेगा और ग्रुप बना के नोट्स का तुमको एक्सेस मिलेगा। ओके, जब तक नहीं है तो तुम लोग अभी मैनेज करो अभी, बट आज का मोस्टली मैं ग्रुप बना दूंगा कैसे भी करके, बहुत लेट हो गया है।